हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एस्टेट के सीरीज यहां पर हमारी चली हुई है। आज जो क्लास मैं आपके स्टार्ट कर रही हूं वो मैथमेटिक्स की क्लास स्टार्ट कर रही हूं, जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है फॉर पीआरटी टीजीटी एंड पीजीटी के लिए भी बनी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है आप उनको एनालाइज करिए, उनको करिए। और वहाँ पर ये सीरीज मैंने आज से अपने आपके लिए स्टार्ट कर दी है। आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो एक प्रीवियस ईयर पेपर को मैंने उठाया जो कि 2022 का है। इन क्वेश्चंस को करिए, अपने लेवल यहाँ पर चेक कर सकते हो। साथ ही इन क्वेश्चंस के मैं आपको कुछ जो ट्रिक्स होते हैं वो भी बता दूंगी। तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी पेन कॉपी लेकर के बैठिए और जो ट्रिक्स मैं आपको इन क्वेश्चंस की बताऊंगी बस आपने उनको नोट डाउन कर लेना है और इन क्वेश्चंस को आप जरूर करके देखेंगे। और जब आप रिवाइज करेंगे अपने एग्जाम देने से कुछ दिन पहले, तब आप इन ट्रिक्स को और इन क्वेश्चंस को एक बार फिर से करके देख लेना जो कि आप लिख करके रखेंगे, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और यकीन मानिए, अगर आप ऐसे चीज़ें करेंगे तो आपके यहाँ पर 10 में से 10 नंबर आने कंपलसरी है। इतना इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा आपको नहीं करना है। तो आज जो मैंने आपका पेपर उठाया वो 2022 का है। ये जो पेपर है वो आपका पीआरटी लेवल का है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये टीजीटी के लिए नहीं करना और पीजीटी वालों को नहीं करना। आप इन क्वेश्चंस को बनाइए, यहाँ पर मैं आपको वो सभी ट्रिक्स बताऊंगी जो आपको आपके लेवल के लिए भी, क्योंकि आपसे भी सेम ही चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है, सेम ही चीज़ें आएंगी आपके लिए भी। हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पर लेवल आपके लिए ईजी हो, बट आपको कॉन्सेप्ट सेम ही इस्तेमाल करने हैं जो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। तो ऐसा नहीं है कि आप उसके लिए आपको अलग से कुछ पढ़ना है। आप इनको बनाइए, जितने भी मैं सीरीज ये चलाऊंगी आपको उन्हें एक एक करके अच्छे से समझना है और खुद से सॉल्व करके देखना है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मेरा देखा हुआ ही, मेरा करवाया हुआ आप सिर्फ देख लेंगे, आप खुद से करके देखेंगे। मैथमेटिक्स तभी आता है जब आप खुद से उसको प्रैक्टिस करके देखोगे, ठीक है। ट्रिक्स अपने साथ के साथ आप लिखते रहना। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, पीआरटी का है, 2022 का आया हुआ है ये। तो रीजनिंग के आपकी अलग से सीरीज जो है करवाऊंगी और मैथ्स जो है वो आपका अलग से। तो ऐसे आपके 20 नंबर आपके यहाँ पर पक्के हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं फटाफट से। पसंद आए तो जरूर लाइक भी करना, शेयर करना सभी के साथ, बिकॉज यहाँ पर आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस चलती हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। देखिए, अंडर रूट के क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन है ना वो आपको पीजीटी में भी देखने को मिलेगा, टीजीटी में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए बोल रही हूँ कि सबको करना है। और यहाँ पर मैं आपको इस क्वेश्चन के साथ साथ 2-3 क्वेश्चन और भी करवाऊंगी कि अगर बदल के कुछ दे दे, है ना, तो ऐसे भी करवाऊंगी। देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको अंडर रूट। अब ये अगर यहाँ पर स्क्वायर रूट है, अगर यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है मतलब उसका मतलब स्क्वायर रूट ही होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर 3 लिख देगा तो मतलब वो क्यूब रूट हो जाएगा, बट यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो मतलब ये कौन सा रूट है, ये आपका स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 6 और अप टू इन्फिनिटी है। अब 1, 2, 3 कुछ हो तो मैं सोल्व भी करने बैठूं, बट ये तो इन्फिनिटी तक है, ये तो बहुत आगे तक जाएगा, इसका तो कोई अंत ही नहीं है। तो इसके लिए हम लगाएंगे कुछ ट्रिक्स, ठीक है, और वो ट्रिक्स यहाँ पर मैं अच्छे से आपको समझा देती हूँ। देखो, अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, तो आप क्या करेंगे, ये जो है ना आपका, ये जो आपका डिजिट है उसको आप तोड़ेंगे टुकड़ों में, और ऐसे टुकड़ों में तोड़ेंगे कि उसको मल्टीप्लाई करने पर, मैं मान लो अगर इसको मैं ए और बी टुकड़ों में तोड़ूं तो मल्टीप्लाई करने पर आपका 6 ही आए, और जब मैं इन दोनों को घटाऊं तो मेरे पास जो डिफरेंस है वो क्या आए, जब मैं ए को बी से माइनस करूं तो मेरे पास डिफरेंस आए 1। आपको ऐसे तोड़ना है, ठीक है, डिजिट चाहे कोई भी हो, बस आपको ऐसे अपना ट्रिक्स लगाना है और लिख लेना इस चीज को। a इंटू बी करूं तो मेरे पास 6 आए और a माइनस बी करूं तो मेरे पास क्या आए, 1 आए। अब ऐसा कौन सा हो सकता है, ऐसा हो सकता है आपका 3 इंटू टू 6 होता है और 3 में से मैं 2 घटाऊंगी तो 1 ही आता है। आपका मल्टीप्लाई में वही आना चाहिए जो डिजिट यहाँ पर लिखा है और आपका माइनस में 1 ही आना चाहिए, ठीक है। और ध्यान में रखना, जब बीच में प्लस हो या फिर माइनस हो तब आपको ये चीजें करनी है। तो अगर यहाँ पर आपका प्लस सिंबल है तो जो बड़े वाला टर्म है वो आपका आंसर हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3। अगर मान लो यहाँ पर आपका माइनस साइन होता, लेट से यहाँ पर आपका माइनस साइन होता प्लस की जगह, तो फिर जो छोटे वाला डिजिट है ना वो आपका आंसर आ जाता। अगर यहाँ पर माइनस आता तो फिर आंसर क्या हो जाता, आंसर आपका 2 हो जाता, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं। लेट से यहाँ पर 20 है, माइनस अंडर रूट 20 माइनस अंडर रूट 20 माइनस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ठीक है, अनंत तक है, इसका कोई तोड़ नहीं है। तो इसको मैं फिर से किसी ऐसे 2 नंबरों में तोड़ूंगी जिसका मल्टीप्लाई 20 हो और जिसको अगर माइनस करूँ तो 1 आए, तो मैं 5 एंड 4 ले सकती हूँ, ठीक है। 5 एंड 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 ही आता है।
अब इनको माइनस करेंगे तो ये जो सब्ट्रैक्शन है वो भी वन देता है, मतलब मेरे टुकड़े तो टूट गए। अब यहाँ पर मैंने देखा माइनस है, माइनस है मतलब मैं कौन से वाला डिजिट चूज करूंगी, मैं छोटे वाला डिजिट चूज करूंगी क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, इस पर्टिकुलर थिंग का जो आंसर है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन, ये जो 4 है वो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर प्लस होता तो फिर मेरा जो आंसर है वो 5 हो जाता। अभी इस चीज को समझे यहां से, तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख भी रहा होगा, विद ऑप्शंस आपको दिख रहा होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 यहां पर आपका करेक्ट हो जाता है, जो कि आपका आंसर क्या है 3 है, क्योंकि प्लस सिंबल दिया है। ठीक है, आई होप आपको इतना यहां से समझ में आ रहा है। अब इसके साथ कुछ क्वेश्चंस और भी ऐसे लेवल के पूछे जाते हैं, उनको भी यहां पर समझते हुए चलो और इनको लिखते हुए भी चल लेना, मैं नोट्स भी बना रही हूं वहां पे भी आपको जरूर ये सारी चीजें बना करके दूंगी। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाता है, जैसे मान लो ये 6 है, अब बीच में कोई भी सिंबल नहीं है और अप टू इंफिनिटी है, मतलब पहले तो प्लस माइनस था, अब इसने कहा कि कोई भी आपके बीच में सिंबल नहीं है ना, प्लस है माइनस है कुछ भी नहीं है, तो अब इसका आंसर क्या आएगा, तो अब इसको मान के चलो ए, और इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, ए ही आएगा। ठीक है, तो अगर इसका ये ए 6 है तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 आएगा। अगर यहां पर 7 होता, 7 √7 √7 एंड सो ऑन इन्फिनिटी, तो फिर इसका आंसर क्या आ जाता, आंसर इसका 7 ही आता। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है, बट ये इन्फिनिटी वाला है और वो प्लस माइनस का केस था, इसको लिख लेना कहीं पर, ठीक है, और जब एग्जाम देने जाओ ना तो इसको फिर रिवाइज भी कर लेना, ध्यान में आ जाएंगे, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाता है, 7 √7 √7 इन्फिनिटी नहीं है, इसको सोल्व करो क्या आएगा इसका आंसर, ऐसे बोल देते एक्स इज इक्वल टू, अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा। अब इस पे इन्फिनिटी नहीं है तो आप वो वाला रूल नहीं अपना सकते कि भाई मैम ने तो ये कहा था कि यहाँ पे ये 7 है तो इसका आंसर 7 ही आ जाएगा, नहीं, ये इन्फिनिटी नहीं है। आपको इसका आंसर कैसे निकालना है ट्रिक्स के साथ समझेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर ये क्या लिखा है, ये यहाँ पर लिखा है 7, पहले मैं ट्रिक्स के साथ बताती हूँ फिर मैं आपको इसको जो हम ट्रेडिशनल तरीके से कर सकते हैं वो भी बता दूंगी। ठीक है, आप करेंगे इसकी पावर में चलते हैं, ठीक है, पावर में चलते हैं। पावर लिखने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, ये ऊपर न्यूमिनेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है, न्यूमिनेटर मतलब अंश और डिनोमिनेटर मतलब हर होता है, तो पावर में मैंने लिखना है। अब पावर में लिखने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं ये देखूंगी कि स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, क्या है। अब यहां पर कुछ नहीं लिखा मतलब ये स्क्वायर रूट है, ठीक है, क्यूब रूट होता तो फिर मैं क्यूब रूट को लेती, तो अब फिलहाल यहां पर स्क्वायर रूट है तो सबसे पहले मैं यहां पर जो बेस है उसको स्क्वायर रूट, मतलब मैंने ये पे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट तो 2 से होता है ना, तो 2 लिखूंगी। अब जितनी बार आपका ये रूट है उसको उतनी ही पावर चढ़ा दो, ठीक है, 1 2 3 कितनी बार रूट है, 3 टाइम्स, तो यानी कि मैंने उतनी ही पावर चढ़ा दी। ऊपर मैंने क्या लिखना है कि बेस तो आपका 2 है ही और कितनी बार ये है उतनी बार प्लस में आपको पावर लिखनी है, तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 विजिबल है सबको, थोड़ा बड़ा लिख देती हूं, 7 है, 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1 + 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3। फिर से समझो इस चीज को, अगर यहां पर स्क्वायर रूट है तो मैं 2 लूंगी, अगर यहां पर मेरा क्यूब रूट होता, लेट से अगर यहां पर मेरा क्यूब, तो फिर मैं यहां पर जो बेस है वो 3 ले लेती, ठीक है, बट अभी यहां पर स्क्वायर रूट है तो मैंने 2 ले लिया, 3 मैंने इसलिए लिखा 1 2 3 बार रूट है, ठीक है, तो मैंने 3 लिखा। अब ये तो मैंने एकदम से लिख दिया, यहां पर मैं प्लस करते हुए लिखूंगी लेकिन मैं स्टार्ट करूंगी 0 से, 2 की पावर 0 से ही स्टार्ट करूंगी, 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1 + 2 की पावर 3, ये मैंने 3 बार ही लिखा है क्योंकि रूट भी आपका 3 ही बार है, ठीक है, और बेस आपका 7 यानी कि जो डिजिट है वो, यहां पर 8 होता तो मैं 8 लिख देती, यहां पर 21 होता मैं 21 लिख देती, ठीक है, तो अब इसको आप सिंपली सोल्व कर सकते हो, भाई किसी की पावर 0 होती है वो 1 ही होता है, 2 की पावर 1 2 ही होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, और 2 की पावर 3 तो आपका 8 होता है, कितना आ गया ये, 7 की पावर 4 2 6 7 की पावर 7 8, सिंपली आपका आंसर आ गया। ठीक है, वही अगर आप इसको ट्रेडिशनल तरीके से करते तो आप कैसे करते इसको ट्रेडिशनल तरीके से, मैं इसको यहां पर थोड़ा सा करके दिखाती हूँ, ट्रेडिशनल तरीके से आप कैसे करते, भाई ये 2 है तो आप क्या करते, पहले 7 लिखते यहां पर, फिर 7 की पावर ये तो मल्टीप्लाई में चला जाता और ये जो 7 है इसकी पावर 1/2 आ जाती, बिकॉज जो स्क्वायर रूट है वो जब पावर में जाता तो 1/2 हो जाता है ना, कोई भी है जैसे a है अंडर रूट, तो ये a की पावर जब करते हैं तो 1/2 में चला जाता है, ठीक है, तो मैं ऐसे करती इसको, फिर मैं इसको फिर से सोल्व करने बैठूंगी कि भाई 7 की पावर इसकी तो 1 है
और जब मल्टीप्लाई में होता है, बेस तो आपका सेम है, एक्स की पावर एम इंटू एक्स की पावर एन होता है, तो फिर एक्स की पावर एम प्लस एन हो जाता है, पावर ऐड हो जाएंगी। अब यहाँ पे तो ये फ्रैक्शन में है, तो मेरे को तो एलसीएम लेना है, तो 7 की पावर 2 एकम 2 और 1 3/2 हो गया। ठीक है, मैं फिर इसको सोल्व करूंगी आगे। अब हो सकता है यहां से आप थोड़ा बहुत भी अगर भूल गए, या फिर थोड़ा बहुत भी अगर आपसे मिस्टेक हो गया कैलकुलेशन में, तो फिर आपका पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बट जो मैंने ट्रिक बताया ना वो आपका बेस्ट है। ठीक है, बट ऐसे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं नहीं कर सकते हो। अब मैं क्या करूंगी, 7 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3/2 है, बट इस रूट को खोलूंगी तो मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 7 की पावर 3/2 है मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, अब ये एक फॉर्मूला मुझे पता है, एक्स की पावर एम होता है और एक्स की पावर इसके एन होता है, तो फिर एक्स की पावर एम इंटू एन हो जाता है। ये भी एक फॉर्मूला होता है मैथ में। ठीक है, अब ये एम है, ये एन है, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी, 7 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 और 2 दूनी 4। ठीक है, फिर से इसको सोल्व करूंगी, यहां पर 1 है तो 7 की पावर, अब इनका एलसीएम लूंगी क्योंकि मल्टीप्लाई है, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 4 1 और 4 और 3 7, 7/4। ठीक है, बट लेकिन अभी ये सोल्व नहीं हुआ, 7/4, अभी मुझे इस रूट को और खोलना है भाई। ये रूट जब मैं खोलूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा, इस रूट को जब खोलूंगी, यहां पे खोल देती हूँ, 7 की पावर 7/4 × 1/2, क्योंकि मैंने रूट खोल दिया तो 1/2 में चला जाएगा, और 7 की पावर 7/8, वही आंसर आ गया आपका। बट मैं इतना क्यों करूं, मैं इतना क्यों करूं, मैं सिंपली वहां पर क्या लगाऊंगी, ट्रिक लगाऊंगी। बट ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने आपको समझाने के लिए इतना टाइम ले लिया, आप इसको भी जल्दी जल्दी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके अगर कैलकुलेशन बहुत अच्छी ना, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, अगर आप ट्रिक से नहीं जाना चाहते। ठीक है, लेट से अगर मैं यहां पर ले लेती हूँ 3 ले लिया मैंने, पहले तो आपके 2 था, तो अब मेरे पास बेस, चलो मैं इसको बेस को बदल देती हूँ, लेट से मैंने यहां पर 29 ले लिया। अब मेरे पास स्क्वायर रूट नहीं है, क्यूब रूट है, आप बताओ कितना आएगा। तो अब क्या करूंगी मैं, बेस सेम है, 29 लूंगी, पावर लिखूंगी। ठीक है, पावर लिखने के लिए मैं यहाँ मैंने क्या देखना था, कौन सा रूट है, पहले स्क्वायर था तो मैंने 2 लिया, अब क्यूब है तो मैं 3 लूंगी। कितनी बार है, 1 2 3 3 की। ठीक है, ऊपर भी मैं 0 से स्टार्ट करूंगी, प्लस लेकिन प्लस में लेती हुई चलूंगी। ठीक है, 3 क्यों लिया, क्योंकि 3 का रूट है, 2 लिया था क्योंकि 2 का रूट था, स्क्वायर रूट था। ठीक है, अब यहां पर आप इसको आराम से सोल्व कर सकते हो, 3 की पावर 3 जो 27 होता है, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 3 मल्टीप्लाई 3 9 हो गया। ठीक है, आप इसको आराम से यहां पर सोल्व कर सकते हो, 9 1 10 13 और 27 29 आंसर। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप इनको यहां पर कर सकते हो, इनको लिख लेना, मैंने एक क्वेश्चन के साथ आपको ढेर सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो ये सारी चीजें हैं भाई, सभी अपना लिख लेना, यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है। पूछ लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, सम ऑफ रुपीज, आपको कुछ सम दिया है, ठीक है, सम ऑफ रुपीज 4000 फॉर 2 ईयर्स, रेट आपका 5% पर एनम है, आपको स्क्रीन पर अच्छे से क्वेश्चन दिख रहा होगा, 5% पर एनम है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बताना है। मतलब समझो, दिया क्या है आपको, प्रिंसिपल दिया है। ठीक है, प्रिंसिपल आपको 4000 रुपए दे दिया, फिर आपसे रेट बोल दिया, रेट कितना है 5% है, और टाइम दे दिया आपको 2 साल का। अब इसका आपको सीआई भी निकालना है और एसआई भी निकालना है, और दोनों को निकाल कर आपको उसको माइनस करना है। सीआई होता है आपका चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है जिसको आप साधारण ब्याज बोलते हो। अब एक चीज समझो, साधारण ब्याज जो होता है वो एक प्रिंसिपल के ऊपर, चाहे आपका कितनी भी साल का हो, वो वापस में मल्टीप्लाई होकर के इसमें ही एड ऑन होगा। वो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है कि एक पैसा है उसके अंदर आपका पूरा मल्टीप्लाई होकर के, जितने भी साल का, चाहे 5 साल का हो, 10 साल का हो, 15 साल का हो, उसमें इसी प्रिंसिपल में ऐड होगा, वो आपका निकलता है। लेकिन सीआई में क्या होता है कि आपका जो प्रिंसिपल है वो आपका बदलता रहता है। ठीक है, 1 साल आपका 4000 है, फिर मैंने 5% का इंटरेस्ट लगाया, फिर आपका अमाउंट कुछ और हो जाएगा, अगली बार जो नेक्स्ट ईयर 5% लगेगा वो उस बदले हुए अमाउंट पर इंटरेस्ट लगेगा। तो ये आपका सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, इसके अंदर आपका जो प्रिंसिपल है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, तो आप इसको कैसे निकाल सकते हो, एक तो आपका ट्रेडिशनल तरीका होता है एसआई का, भी आप प्रिंसिपल लिखते हो, फिर रेट लिखते हो, टाइम लिखते हो, 100 लिखते हो। ये क्वेश्चन ऐसा है, ये क्वेश्चन इससे आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, बट जरूरी नहीं है ना आपसे इतना इजी क्वेश्चन दे, जो पीजीटी वाला है, जो टीजीटी वाला है, जरूरी नहीं है ना आपसे इतना ईजी दे, आपसे पॉइंट्स में दे देंगे, फ्रैक्शन में दे देंगे, फिर आप क्या करोगे। ठीक है, ये फिर भी हो जाता है। इसका जो एक ट्रेडिशनल हमारा तरीका होता है वो अमाउंट होता है प्रिंसिपल 1 प्लस में रेट बाई 100 की पावर t, ये होता है, ये इससे भी हो जाएगा,
हो जाएगा। बट कई बार ये चीजें बहुत दुखी करती है, बहुत परेशान करती है। ये आर जो है आपको ऐसे फॉर्म में दे देते हैं कि आप इसका कितनी बार भी टाइम, कई बार आपको 3/3 ऐसे फ्रैक्शन में दे देते हैं, ठीक है, मिक्सड फ्रैक्शन में दे देते हैं कई बार, तो आप इसको नहीं सोल्व कर पाते हो। तो हम इस तरीके से नहीं करेंगे। हम इसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ, ठीक है, आप उसी ट्रिक को हर क्वेश्चन के लिए फॉलो कर लेना, आपके सारे चीजें हो जाएंगे। सबसे पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगी। आप हमेशा एक चीज ध्यान में रखना, जो प्रिंसिपल है ना उसको 100% माना करो। प्रिंसिपल आपका 100% ही है, उसके बाद जो चेंज होगा वो सारा बाद में होगा, ठीक है। जो अमाउंट है, लेट्स से कि आपका 100% है, ठीक है, 4000 रुपया आपका कितना है 100%, आप इसको परसेंट में कन्वर्ट कर दो। अब जो मैंने मेरा रेट है वो कितने साल के लिए, वो 2 साल के लिए है। 1 साल का रेट 5%, 2 साल का रेट कितना हो जाएगा 10%, ठीक है, कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। तो 1 ईयर का मेरा जो रेट है वो 5% है, तो 2 साल का मेरा रेट कितना हो जाएगा भाई 10% हो जाएगा, ठीक है, इतना यहां से समझे। अब मैं क्या करूंगी, मुझे निकालना है भाई इंटरेस्ट। देखो प्रिंसिपल तो है आपका 4000 और ये आपका कितना है 100% है, ठीक है, 100% है 4000। मुझे निकालना है कितना, मुझे भाई सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, सिर्फ इंटरेस्ट निकाल, और इंटरेस्ट कितना है 5×10%, सिर्फ इंटरेस्ट निकालना है। अगर अमाउंट देते तो फिर मैं 100 में 10 प्लस कर देती तो मेरा डायरेक्ट अमाउंट निकल जाता, ठीक है, लेकिन यहां पर सिर्फ मुझे इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना ओनली, और कुछ मुझे नहीं चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा 400 रुपये। तो इस प्रिंसिपल के ऊपर मेरा इंटरेस्ट 2 साल के लिए कितना आ गया 400 रुपये आ गया, मतलब मेरा SI निकल गया, साधारण ब्याज निकल गया 400 रुपये। अब मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है, अब मुझे CI की रिक्वायरमेंट है। ये इतना समझे यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर जो प्रिंसिपल होता है ना वो आप चाहे कितने साल के लिए भी कितना इंटरेस्ट लगा लो, वो आपका आपस में मल्टीप्लाई होके तब इसमें एड ऑन होगा, आपका प्रिंसिपल सेम ही रहता है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर आपका जो प्रिंसिपल है वो बदलता रहता है, 1 साल में आपका अलग हो गया, फिर जो इंटरेस्ट आया वो उसमें ऐड होगा, फिर आपका प्रिंसिपल अलग बन जाएगा, फिर बाद में वो उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर भी आपको क्या करना है, ये आपका 100% ही होता है, ठीक है, प्रिंसिपल को 100% ही मानेंगे, बट यहां पर आपका जो प्रिंसिपल होता है वो 100% होता है, और जो रेट है वो 1 साल का इसके अंदर ऐड होगा, ठीक है, 1 साल का इसके अंदर ऐड होगा, तो कितना हो जाएगा भाई 105% हो जाएगा। जब अगली बार मैं अगले साल जाऊंगी तो फिर मेरा इसके ऊपर लगेगा, फिर अगले साल जाऊंगी तो मेरा प्रिंसिपल और बदल जाएगा, ठीक है, आपका पैसा बदलता जाता है, तो मेरा 105% हो गया। तो मैं क्या करूंगी, सिंपली ये मेरा 4000 प्रिंसिपल है और ये 105 हो गया है, इसको खोल दो, और इसको कितनी बार लिखूंगी, 2 बार लिखूंगी। क्यों लिखूंगी, क्योंकि मेरा टाइम 2 साल का है, ठीक है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई जितना आपका रेट है वो रेट किस में एड ऑन होगा, प्रिंसिपल में, और प्रिंसिपल आपका 100% है, अगर ये 5% में है तो 100 में 5 करूंगी कितना हो गया 105, 105/100, 105/100 2 बार करूंगी। अगर यहां पर 10 होता तो 100 में 10 ऐड करती 110 हो जाता, 110 होता 2 बार। अगर यहां पर 4 साल है तो मैं 4 बार लिख दूंगी इसको, ठीक है, इसको आप सिंपली सोल्व कर लो आप, और ये 0 से 0 कट जाएगी, 2×2=4 ये हो गया। 21 का मल्टीप्लाई 21 करते हैं तो 4×4=1 आता है, मल्टीप्लाई 0 तो 4410 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा 4410 आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है आपका, ये आपका निकला है अमाउंट, क्या निकला है, ये आपका अमाउंट निकला है, इंटरेस्ट नहीं निकला है, अमाउंट निकला है, क्योंकि मेरा जो प्रिंसिपल है वो 100 है और उसके अंदर मैं रेट भी इंक्लूड कर रही हूं, ठीक है, तो रेट इंक्लूड करके उस प्रिंसिपल में जब मैं निकालूंगी तो मेरा वो अमाउंट निकलता है, हमेशा अमाउंट निकला 410 और मेरा प्रिंसिपल था 4000, तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकला, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 4410 माइनस में 4000 कितना हो गया 410 रुपया। मेरा CI कितना निकल गया 410 रुपया, और मेरे को डिफरेंस पूछा इन्होंने, इन्होंने कहा CI माइनस SI, CI 410 है ये 400 है, तो मेरा CI माइनस SI कितना हो गया भाई 10 रुपया आंसर, ठीक है, आपके ऑप्शन में है ये 10 रुपया आंसर, समझ में आया। इतना कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपके सिंपल इंटरेस्ट के जो अंदर रेट होता है वो उसको आपस में मल्टीप्लाई करके इसको 100 मानेंगे और आप सिंपल आपका 10% निकालेंगे तो आपका 400 रुपया आ जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका जो रेट है वो आपका बदल नहीं रहा है, बल्कि आपका जो प्रिंसिपल है वो हर साल चेंज होता रहता है,
आप जिस साल का रेट निकाल रहे हो उसके अगले साल आप उस प्रिंसिपल में उस रेट को ऐड करके फिर लगाओगे बाद में रेट में, ठीक है। तो ये मेरा अमाउंट का होता है, मैं सबसे पहले प्रिंसिपल लिखूंगी इंटू रेट के अंदर 100 हमेशा ऐड करेंगे, रेट के अंदर हमेशा 100 ऐड करके उसको उतनी बार लिखेंगे फ्रैक्शन में जितनी बार मेरे पास टाइम दिया गया है, और आपका सिंपली यहाँ से अमाउंट निकल जाएगा। अमाउंट निकल गया तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा जो कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, ठीक है। और वहां से फिर आपका ये घटा दो, सिंपल सा चीज़ है ये, ठीक है। नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट में बताना, बट आप एक बार इसको रिपीट पर देखोगे ना आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बहुत ईजी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। कोशिश करो, हो जाता है, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं हमें मैथ्स नहीं आता, आप कोशिश करो आपका हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन कहता है, अब ये देखो ये क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे जो क्या करते हैं, आपका जो है सेलिंग प्राइस दिया है, ये कह रहा है 12 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल। आपसे फिर प्रॉफिट परसेंटेज ने पूछा है, प्रॉफिट का परसेंटेज कितना होगा। भाई देखो आपका एसपी है 12 आर्टिकल का जो कि आपके सीपी के 15 आर्टिकल के बराबर है, मतलब आपने कोई 15 चीज खरीदी है उससे उतना ही अमाउंट आपका आपने 12 चीज को बेच दिया और आपका बराबर हो गया, मतलब आपके तो 3 आर्टिकल अभी भी बचे हैं, मतलब आप प्रॉफिट में हो, आप प्रॉफिट में हो। इसमें तो आपको सीधी सी बात समझ में आ गई, आप लाभ में हो, ठीक है, क्योंकि आपका जो कॉस्ट प्राइस है 15 आर्टिकल का वो एसपी के बराबर है जो कि 12 आर्टिकल है। अब यहां पर कई बच्चे क्या करते हैं कि क्या करेंगे, सिंपली इसको घटा देंगे, 15 में से 12 गया 3, और पता होता है सबको फॉर्मूला सबने रटा हुआ है कि नीचे तो हमेशा सीपी होता है, ठीक है, जो कि क्रय मूल्य होता है, तो नीचे तो हमेशा सीपी होता है, सीपी हमारा यहाँ पर 15 लगा लेंगे और ले 100 और फटाफट से करके 20 इसका आंसर निकाल देंगे 20%, और 20% आपको ऑप्शन में भी दिया है, ठीक है, बट ये सिंपली गलत है। आप इसको कैसे करोगे, इतनी जल्दी नहीं करना ना, टाइम बहुत है हमारे पास, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं भाई, सबको पता है प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है तो आपका ओबीसी बात है एसपी ज्यादा होता है, आपका विक्रय मूल्य ज्यादा होता है, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, ये आपका प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब आपको एसपी माइनस सीपी करना है तो मैं क्या करूंगी, मैं लेट से एसपी और इस सीपी को इधर ले आओ, तो अब मेरा उधर 15 रह गया और इधर 12 आ गया। यहां तक सबको समझ में आया, मैंने सीपी को ले आई मैं इधर और यहां पर 15 था इधर 12 आ गया, तोड़ दो इसको, 3 5 15 3 4 12, यानी कि एस पी बाई सी पी कितना आ गया मेरा 5/4 आ गया। अब करो माइनस, अब कितना आपका एस पी है 5 सी पी है 4, एस पी माइनस सी पी यानी कि 5 - 4, नीचे सी पी करना है, सी पी कितना है 4 और इंटू 100, ठीक है, ये प्रॉफिट परसेंट, 5 में 4 गया 1, 4 × 100, 4 × 8 4 × 5 = 20, कितना आ गया 25%। ये है आपका करेक्ट आंसर निकालने का तरीका, डायरेक्टली इसको ही माइनस नहीं करना है, ठीक है। ये गलती कई बार मैं भी करती थी बट इस चीज को मैं अब समझ गई हूँ, जब नंबर कटते हैं ना तो सब समझ में आ जाता है। तो 15 में से 12 नहीं माइनस करना है भाई, सबसे पहले इसको आप फ्रैक्शन में लाएंगे तब जाकर, क्योंकि ये जो 12 है वो इसका है, ये 15 इसका है, हम कई बार इसको डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। आपने इसको पहले फ्रैक्शन में लिखना है, इनको फ्रैक्शन में लिखना है, इनको चेंज नहीं करना है, ये 5/4 हो गया। अब 5 में से 4 घटाओ 1 आ जाएगा, नीचे आपका सीपी 4 है और 100, सिंपली 25% इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, ये बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा, 30% ऑफ 80 पूछा है डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल्स टू 24, इस एक्स की वैल्यू बतानी है क्या है। ये तो बहुत इजी सा है ना, हम तो छोटी क्लास से करते आ रहे। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, इस परसेंटेज को खोलूंगी तो डिवाइड बाई 100 जाएगा, ऑफ मतलब 80 गया, नीचे ले लो मेरा एक्स आ गया और ये 24 आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, ये घटा दो यहीं पे, 8 × 3 = 24 / x = 24, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है। यहां से ये कट जाता है, बहुत सारे कैंडिडेट ये भी कहते हैं जिनको मतलब मैथ्स थोड़ा सा वीक है कि ये कैसे कट गया, ये ऐसे कट गया, मान लो चलो मैं इसको नहीं काटती, लेट से मैं इसको नहीं काटूंगी, चलो 24 / x = 24 / 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 24 और 24 इंटू एक्स आ जाएगा। अब तो काट दोगे, इस 24 को नीचे ले आओ, ये यहां से हट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आंसर, ठीक है।
बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना इसमें टाइम नहीं लेंगे, बहुत इजी होता है, बस आपको स्टेप्स को फॉलो करना होता है, इतना भागदौड़ नहीं करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, क्वेश्चन नंबर 5। अगेन ये एक ऐसा क्वेश्चन है, बहुत सारे इसमें कैंडिडेट फंस जाते हैं, इसको हम कैसे करेंगे। 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 2 डिवाइड है, अगेन ब्रैकेट का जरूर ध्यान में रखेंगे बिकॉज इसका बहुत बड़ा रोल होता है। 2 प्लस 2 डिवाइड बाई 3, आप सारी ब्रैकेट को लगाओ। इसका एक फॉर्मूला होता है बोर्ड मास, और हम ये 5वीं 6ठी कक्षा में सीखते हैं बोर्ड मास। सबसे पहले आपकी ब्रैकेट जो है ये सोल्व होंगी, उसके बाद ऑफ सोल्व होएगा जो कि कन्वर्ट हो जाता है मल्टीप्लाई में, फिर आपका भाग सोल्व होगा, फिर आपकी मल्टीप्लाई सोल्व होगी, फिर आपका एडिशन सोल्व होगा, और फिर आपका सब्ट्रैक्शन सोल्व होगा। ठीक है, आप सबसे पहले मैं यहां पर क्या खोलूंगी, ब्रैकेट खोलूंगी, बाकी चीजों को एज इट इज। मैं समझाने में थोड़ा टाइम लूंगी, लेकिन जब आप क्वेश्चन करोगे ना तब आप जल्दी जल्दी कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन करोगे तो आपके सारे जल्दी जल्दी हो जाएंगे। देखो, 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 2, मैं स्टेप बाई स्टेप चलती हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब खोलूंगी इस ब्रैकेट को, 2 प्लस, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर बड़ा कौन सा है, सबसे पहले डिवीजन सोल्व होता है, एडिशन तो बहुत बाद में सोल्व होता है, डिवीजन है तो 2/3 खोल दिया मैंने इसको। नेक्स्ट स्टेप पे चलो, 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 2, बहुत सारे मतलब जो थोड़े क्विक होते हैं जिनको पता होता है वो इनको भी फटाफट यहीं पे सोल्व कर बैठते हैं, तो आप भी कर पाओगे। ठीक है, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए हर एक स्टेप को फॉलो कर रही हूँ। इसका वो ले लो एलसीएम, जब एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम तो लेना आता होगा ना, 3 दूनी 6 7 8, 8/3। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप को चलो, 2 प्लस 2 डिवाइड 2 प्लस, अब क्या है, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते तो फ्रैक्शन बदल जाती है, 3/8। ठीक है, 2 डिवाइड 2 प्लस 2 डिवाइड 2 प्लस, 3 दूनी 6 और 8। ठीक है, 2 डिवाइड 2 प्लस 2, अब मैं चाहती तो इस स्टेप को एक में और कन्वर्ट कर देती, बट आपको समझाने के लिए रहने देते हैं। 8 दुनी 16, 16 और 6 कितना होता है, 22, 22/8। ठीक है, अब करते हैं इसमें 2 डिवाइड बाई 2 प्लस, डिवाइड है मल्टीप्लाई करूंगी तो ऊपर चला जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 8/22। एक स्टेप यहां पे लिख देते हैं, 2 डिवाइड है ये, 2 प्लस 8 दुनी 16/22। ठीक है, अब ऊपर का थोड़ा मैं एक बार इरेज कर देती हूँ, यहां पे कर देती हूँ इस अगले स्टेप को। 2 मल्टीप्लाई है तो बदल जाएगा, ठीक है, मैं 2 स्टेप कर रही हूँ यहाँ पे, बदल जाएगा क्योंकि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो ये जो है इसका एलसीएम लूंगी, 22 दूनी 44 होता है, 44 और 16 कितना हो जाएगा, 6 और 4 10, और 4 5 60, 60/22 हो जाएगा, यानी कि 22 ऊपर चला जाएगा और 60 आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 3 6 0, 2 एकम 2, 2 5 10, 11/15 आंसर, 11/15। ठीक है, तो आप इसको स्टेप वाइज स्टेप फॉलो कर सकते हो, जब आप पेपर में करने बैठेंगे तो आप हो सकता है इतने ज्यादा अच्छे माहिर हो जाए, या फिर आप ऑलरेडी हैं तो आप इन चीजों को इतना डीप में ना करें, बल्कि आप इन चीजों को साथ साथ ये भी यहाँ पे फटाफट से सोल्व करते हुए चले जाएंगे। बट एक चीज ध्यान में रखनी है, आप हमेशा सीरीज से सोल्व करा करें। ठीक है, कई बार इसमें बहुत ज्यादा गलती हो जाती है, हम ये सोचते हैं ये तो हमें आता है बट हम इसमें गलती कर बैठते हैं, तो 11/15 इसका क्या जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 6 है पॉपुलेशन का, मतलब कि जनगणना बेस्ड आपका क्वेश्चन है। कह रहे कि प्रेजेंट पॉपुलेशन आपकी 4410 है, 4410 है, आपकी जो पॉपुलेशन है वो 5% रेट के हर साल इंक्रीज हो रही है। पूछ रहा है कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो 2 साल पहले कितनी होगी, तो आप इस चीज को जैसे मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताया था ना, ऐसा ही करना, क्योंकि आपकी पॉपुलेशन अगर इंक्रीज हो रही है, ठीक है, मान लो भाई 1 साल में जो आपकी पॉपुलेशन है, अगर वो मान लो अगर प्रेजेंट पॉपुलेशन आपकी अगर 100 है, ठीक है, और इस पर अगर मैं 5% का रेट अगर 1 साल का लगता है तो अगले साल आपकी 105 हो जाएगी, फिर जब अगले साल रेट लगेगा तो इसके ऊपर लगेगा 5% का रेट, इसके ऊपर बढ़ोतरी होगी, इसके अंदर होगी, इसके अंदर नहीं होगी, जैसे मैंने आपके साथ कंपाउंड इंटरेस्ट बताया था, ऐसा ही इसको करना है। तो आप क्या मान के चलो, आप मान के चलो कि आपकी जो जो पॉपुलेशन 2 साल पहले वो मान लो एक्स है, ठीक है, मान लो आप कितनी है, एक्स है, और इस एक्स के अंदर आप क्या ऐड कर रहे हो, 5% का रेट, और मान लो आपकी ये जो एक्स है वो 100% है, तो 100% है तो 5% में इंक्रीमेंट करूँ कितना हो गया, 105, ठीक है, और उसको कितनी बार लिखूंगी मल्टीप्लाई करके, जितना मेरे पास साल मांगा गया है,
तो ये 2 साल है, और अभी प्रेजेंट में कितनी है, जैसे मैंने वहां पर अमाउंट कर दिया था ना, तो प्रेजेंट में कितनी है, 4410 है, तो मेरी यहाँ 2 साल पहले की निकल जाएगी। ठीक है, 2 साल पहले की, क्योंकि मेरा इंक्रीमेंट 105 है, यानी कि 5% 100 में। अगर यहाँ पर 20% होता तो मैं यहाँ 100 में 20 ऐड कर देती। ठीक है, यहाँ पर 3 साल का पूछा जाता तो मैं 3 बार मल्टीप्लाई कर देती। तो यहाँ से अब आप एक निकाल सकते हो, 5 × 10 1 20, यहाँ भी 21 आ जाएगा, यहाँ भी 20 आ जाएगा। 21 को 21 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आप ना एक तो जो स्क्वायर होते हैं ना वो लर्न कर लो 20-25 तक। ठीक है, और आप अपने क्यूब भी याद कर लो, स्क्वायर रूट भी कर सकते हो तो कर लो, आपके लिए इजी रहेगा। तो ये आपका डायरेक्टली 400 है, 4410। ठीक है, अब ये चार चार से ये कट जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा, क्योंकि इसके पीछे 0 इसके पीछे है नहीं, तो ये 10 पे जाएगा। अब एक्स कितना आ जाएगा, 400 × 10 कितना आ गया, 4000। यानी कि 2 साल पहले पॉपुलेशन कितनी थी, 4000 थी, उसके बाद 5-5% का इंक्रीमेंट हुआ, इस 4000 पर 5% का इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, फिर जो पॉपुलेशन, जैसे मान लो कितना हो गया भाई, 5/100 × 4000, 100 200, यानी कि यहाँ पर कितना इंक्रीमेंट हुआ, 200, तो 4200। अब जो अगली साल 5% का इंक्रीमेंट लगेगा वो इस पॉपुलेशन पर लगेगा। ठीक है, तब आपकी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 4410 हो जाएगी। इधर आप ऐसे समझे, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, जो आपकी पॉपुलेशन है उसको आप 100% मान लो, जैसे हमने सीआई में और एसआई में माना था, और जो आपका ये रेट दिया है उसको आप 100+ कर लो, क्योंकि इंक्रीमेंट आपका उसमें ही तो होगा ना 100% में, तो इसलिए मैंने उसको 100+ किया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, 36 पोल आपके हैं जो कि स्क्वायर में हैं। ठीक है, और स्क्वायर की जो साइड है वो आपकी सेम होती है, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए और यहाँ पर भी ए, एरिया आपका ए का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब 36 पोल है तो ऑब्वियसली बात है आपके हर डायरेक्शन में सेम पोल होंगे, तो इसको 4 से डिवाइड कर लो, 36 को कितने हो गए, 9, यानी कि आपका हर साइड कितने पोल है, 9 पोल है, यहां पर भी 9 पोल, यहां पर भी 9 पोल, यहां पर भी और यहां पर भी, तब जाकर के आपके 36 पोल का एक स्क्वायर बनेगा, एक वर्ग बनेगा। अब कह रहा है हर पोल के बीच में जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर का है, यानी कि यहां पर 9 पोल है तो उसके बीच में डिस्टेंस 6 मीटर का है हर पोल के अंदर। ठीक है, ये 9 पोल है तो इनके बीच में 6 6 6 6 ऐसे है। ठीक है, अब इसका इन्होंने स्क्वायर, वो जो एरिया है वो पूछा है इस स्क्वायर का, तो एरिया क्या होता है भाई, आपका एरिया होता है a × a, यानी कि a की स्क्वायर। अब a आपका 9 है, लेकिन मैं इस 6 मीटर को भी तो लूंगी ना, 9 × 6 × 9 × 6, मैंने क्यों किया, क्योंकि हर पोल के बीच में डिस्टेंस आपका 6 मीटर का है, तो 9 पोल है तो 6, ये इस ए का हो गया। अब दूसरा ए भी लूंगी तो 9 और 6 फिर से काउंट करूंगी। ठीक है, तो 54 × 54, 54 का आप स्क्वायर निकाल ले। स्क्वायर अगर किसी को निकालना नहीं आता तो एक बहुत अच्छा तरीका आपको बताती हूँ स्क्वायर का, जैसे 54 का निकालना है तो सबसे पहले आपका ये यूनिट डिजिट लो, इसका स्क्वायर कर दो, 4 चौक कितना होता है, 16, लिख दो सिंपली। उसके बाद ये जो आपका 10 डिजिट है इसका स्क्वायर करो, 5 5 25 होता है, इसको भी आप एज इट इज लिख दो, अभी नहीं हुआ है स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, 5 4 20 हो जाता है, और 20 को दुगना कर दो, 40। अब इस 40 को एक क्रॉस मार के यहां पर लिख दो, ये आपका आंसर हो गया 2916, ये आपका स्क्वायर मीटर आंसर हो गया। ठीक है, एरिया हमेशा स्क्वायर मीटर में होता है, तो ये तो आंसर हो गया। ये अगर नहीं फिर से समझ में आया तो मैं एक बार फिर से बताती हूँ स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ये ट्रिक्स के साथ होता है भाई। आप ऐसे करने बैठोगे कि 4 चौक 16, 4 5 20 और 1 21, इससे अच्छा आप ऐसे कर सकते हो, 4 का स्क्वायर करो 16, 5 का स्क्वायर करो 25, एक क्रॉस मारो, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल कर दो, 5 चौक 20, 20 दूनी 40, और ऐसे लिख दो, ये हो गया सिंपल। ठीक है, ऐसे कर लेना, ये ऐसा आपका स्क्वायर करने का ये तरीका होता है, जैसे मैं करती हूँ, तो आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा, 219 इसका स्क्वायर मीटर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, 8 क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट इसमें ये बहुत कंफ्यूजिंग है और बहुत नंबर सबके खा जाता है, एक समझ लो, क्योंकि हम लोग इग्नोर करते हैं एक चीज को, हम लोग इस स्क्वायर रूट को इग्नोर कर देते हैं। सबसे पहले इस स्क्वायर रूट को हम अपने रास्ते से अभी हटाएंगे, स्क्वायर करो दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब क्या होगा, 2 की पावर n है और ये कट जाएगा, जब मैं स्क्वायर करूंगी तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब हमेशा एक चीज ध्यान में रखना, ये जो अंडर रूट है और जब स्क्वायर होता है तो वो कट जाता है।
अभी कहोगे क्यों कट जाता है, वो ऐसे कट जाता है, मान लो 2 की पावर है और मैंने अगर यहाँ पर स्क्वायर लिख दिया, तो ये जो स्क्वायर रूट है ना, वो जब पावर में जाता है तो 1/2 जाता है हमेशा, और एक तो एक पावर आपकी ये 2 है, तो 2 की पावर 1/2 × 2, 2 से 2 कट गया, ठीक है, तो आपका ये अब ऐसे कट गया ना, तो इसको हम पेपर में इतना करेंगे तो हम डायरेक्टली यहाँ पे इसको काट देंगे, जब अंडर रूट में होता है और अगर स्क्वायर है तो फिर वो कट जाएगा, बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपका क्यूब रूट है और फिर आपका अगर स्क्वायर हो तो आप इसको इससे काट दोगे, वो क्यूब रूट है, ठीक है, वो 1/3 में जाएगा, 1/3 में, फिर आप 2 से 3 नहीं काट सकते हो, ठीक है, तो वो आपका जो है 1/ में चला जाता है पावर, जो भी आपका रूट है ना वो आपका 1/ में चला जाता है, तो ये डायरेक्टली यहाँ से कट जाएगा, 2 की पावर आ गया 64 का स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर बेस सेम लेकर के आने हैं, फिर आपकी एन की वैल्यू जो यहाँ आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा, बेस आपका 2 है तो कोशिश करो इसको आप 2 के फॉर्मेट में ले आओ, कैसे लाओगे, 2 की पावर n, 8 की पावर 2, ऐसे लिख सकती हूं मैं चाहते तो डायरेक्ट 2 में भी लिख सकती हूँ, बट मैं आपको खोल के बता रही हूँ, ठीक है भाई, 8 8 64 होता है ना, 8 8 64 होता है, तो 8 की पावर 2 लिख दिया, और ये 2 तो था ही, ये 2 तो था ही, अब मैंने क्या किया, 2 की पावर n और 8 की पावर मैंने कर दिया, अब इस 8 को भी मैं खोल देती हूँ भाई, 8 2 की पावर 3 होता है, 8 कितना होता है, 2 की पावर 3 होता है, फिर एक 2 और फिर एक 2, ठीक है, अब क्या होएगा, 2 की पावर n इज इक्वल टू 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 2 की पावर 12, क्योंकि पावर हमेशा कैसे होती है, अभी x की पावर m है, फिर अगर n है, फिर अगर n है, मतलब कुछ भी लगा लो जड़ है, तो x की पावर m n जड़ हो जाती है, मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाती है आपस में, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी, 3 × 6 = 6 × 12, बेस आपका सेम हो गया, 2 की 2, यानी कि n कितना हो जाएगा, n आपका 12 हो जाएगा, 16 नहीं है ये, 12 हो जाएगा, ठीक है, n कितना आ गया आपका, 12 हो जाएगा, आपको बस बेस सेम करना है, उसके बाद जो पावर है वो आपके आपस में इक्वल हो जाती है, बेस सेम करना, अगर यहाँ पर बेस सेम नहीं रखोगे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा था 2 की पावर n और 8 की पावर 2 और 2, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप n की पावर 4 कर दोगे इन दोनों को, ये बेस तो सेम नहीं हुआ ना, इस बेस को सेम करना है, सबसे पहले 2 की पावर में ही लाना है, उसके बाद जो पावर आएगी वो आपकी डायरेक्ट n के बराबर हो जाएगी, ठीक है, तो ये आपको ऐसे सोल्व करना है, 12 करना है इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 क्वेश्चन है, फैक्टर्स निकालने हैं, फैक्टर्स निकालने में फिर आप का कई बार किसी को नहीं आता है, तो आप इन क्वेश्चन को डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हो, अगर ये ऑप्शन यहाँ पर विजिबल नहीं हो तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, x + 2, 2x - 3, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं उनको आप सोल्व करने के लिए मत बैठो, आप उनको डायरेक्टली ऑप्शन से एलिमिनेट करके भी निकाल सकते हो, x - 2 है, 2x - 3 है, एंड फोर्थ ऑप्शन इज x - 2 और 3 - 2x, आपने फैक्टर्स निकालने हैं किसके, 6 - x - 2x² के, ठीक है, हमेशा ये जो पावर वाला होता है ना वो आगे आता है, ठीक है, तो 2x² - x + 6, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ भाई, लिख सकती हूँ, हमेशा पावर वाले आगे आते हैं, फिर एक पावर वाला, फिर बाद में आपका जो पीछे बिना पावर, बिना जो ये एक्स वाला है वो लिखा जाता है। अब यहाँ पर मैंने निकालना है -2x² किस में हो रहा है वो देखो, सबसे पहले 2x को x से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा प्लस का आता, माइनस का नहीं आता, ये इग्नोर हो गया, उसके बाद ये 2x है और ये x है, -2x और x, ये आपका -2x² दे रहा है, मतलब ये आपका आंसर हो सकता है, फिर ये देखो ये फिर से प्लस दे रहा है 2x², माइनस नहीं दे रहा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, उसके बाद ये आपका अगेन माइनस दे रहा है, यानी कि आपके जो आंसर होंगे वो या तो आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा या फिर आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। अब आप इनको सोल्व करके देख सकते हो, जैसे मान लो कि अगर मैंने फोर्थ को मैं देख लेती हूँ, तो मल्टीप्लाई करो पहले इसको इससे 3x, फिर इस x को -2x से, 2x² आ गया, उसके बाद इस 2 को इससे और 2 को -2x से, लेकिन माइनस को जरूर ध्यान में रखना, -6, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 4x हो गया, ठीक है, अब 6 तो आपका प्लस का है, ये तो माइनस का दे रहा है, तो मतलब ये भी आपका गलत है, आपका कौन सा आंसर आएगा, इसको सोल्व करने की ही जरूरत नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर 2 ये जो है आपका आंसर है, ठीक है, आप ऐसे इसको कर सकते हो, देखो जैसे 3x आ गया, फिर इस x को माइनस से करेंगे 2x² आ गया, अब 2 को 3 से करेंगे 6 आ गया, और 2 को इससे करेंगे -4x आ गया, तो 3x और -4 यानी कि -2x² -x + 6, ये आ गया, यही था आपका, यही था यहाँ पर, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट करके इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, प्रैक्टिस करने से होता है, बट आप जितनी पता है आपको, जब जितनी प्रैक्टिस करोगे ना आपका उतना अच्छा होगा यहाँ पर। अब आपका आखिरी क्वेश्चन है, बिकॉज 10 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, आखिरी क्वेश्चन है उसको भी करेंगे, 1 +
अंडर रूट के क्वेश्चन है ये, देखने पे थोड़े भयानक लगते हैं बट यकीन मानो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। 2401 है, इज इक्वल टू 1 + x^7 है, आंसर निकालना है इसका, x कितना होगा। चलिए x ये है, देखो सबसे पहले मैं इसको सोल्व करूंगी, 1 + अंडर रूट है, इसका एलसीएम ले लो तो ऊपर जाएगा 2401 माइनस 2176 अपॉन में 2401 इज इक्वल टू 1 + x^7, x/7 है, पावर में नहीं है वो। अब इसका एलसीएम ले लो यहीं पर ही, तो 2401 में से 2176 में घटाऊंगी, 5 आ गया, 2 आ गया, 225 आ गया, 1 + अंडर रूट 225 और 2401। अगर ये अंडर रूट में होते ना कहीं ये स्क्वायर में होते हैं, ठीक है, तो अगर आप स्क्वायर में करोगे तो ये अंडर रूट कट जाता है। बस अब आपको ये देखना है कि अगर आपके आपको अंडर रूट आपने याद कर रखी है, अगर आपने स्क्वायर याद कर रखे तो आप इनको आराम से कर सकते हो। जैसे देखो मुझे ये पता है 225 किसका स्क्वायर होता है, 225 15 का स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर। अगर आपको मान लो 2401 का स्क्वायर नहीं पता तो हम झट से इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। 2401 हमेशा स्क्वायर निकालते वक्त, स्क्वायर रूट निकालते वक्त क्या करते हैं, पहले पेयर में करते हैं, ठीक है, पहले किस में करते हैं, पहले पेयर में करते हैं। तो पेयर में मैंने इसको कर लिया, अगर यहां पर तीन टर्म होती, तीन अगर डिजिट होती तो मैं बाद का दो पेयर में कर देती, एक इसको अकेला छोड़ देती, बट यहां पर पेयर में है। अब इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, कि आपने ऐसा देखना है कि यहां पर भी मैं सेम लिखूं, यहां पर भी सेम लिखूं, और उनको दोनों को मल्टीप्लाई करने पर या तो इतना या इससे कम आए। तो 4 × 16, 5 × 5 = 25, ज्यादा हो गया तो मतलब 4 पे जाऊंगी, 4 × 16। मैं उम्मीद कर रही हूं कि आपको ये चीज तो आती है, ठीक है, 8 × 6 = 14, 0 = 0, 1। अब यहां पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहां पर लिखना होता है, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ गए। अब जितना यहां लिखूंगी उतना यहां लिखूंगी, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर या तो इतना आए या फिर इससे कम आए। तो अब देखो 1 है, तो या तो मैं इसको 9 पे करके देखती हूँ, 9 पे, 9 9 89 को जब मैं 9 से करूंगी तो 8 9 8 72 8 80, इतना ही आ गया, ठीक है, 801 आ गया। तो यानी कि मेरा कितना आ गया, ये 49 का स्क्वायर है ये, ठीक है, किसका है, 49 का स्क्वायर है, 1 + x/7। अब ये जब मैं स्क्वायर है तो जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर से कट जाता है, मैंने जस्ट आपको अभी बताया कि स्क्वायर रूट जो है आपका वो कट जाता है, ठीक है। अंडर रूट 1 + 15/49 का स्क्वायर, और ये आपका अंडर रूट है तो ये कट जाता है इससे, तो अगर मैं काट के इसको लिखती हूँ तो 15/49 आ जाता है ये, और ये 1 + x/7 आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे चलती हूँ, अब नेक्स्ट स्टेप पे इसका फिर से एलसीएम लेंगे, 49 + 15/49 = 1 / x/7, तो 9 और 5 कितना, 14 4 5 और 1 6 64/49 स्क्वायर रूट 1 / x/7। अब ये भी देखो भाई 64 भी स्क्वायर होता है किसका, 8 का होता है, तो 8 / 7 = 1 / x/7 काट दिया मतलब मैंने, ठीक है, मैं इसको बार बार नहीं लिख रही हूँ, 8 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर वो आपस में क्यूब रूप कट जाएगा। अब करके देखते हो, इस एक को इधर ले आओ, 8 में से 7 - 1 = x/7 आ गया। अब ये कितना आ गया, 1/7 = x/7, और x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 1, आंसर, ठीक है। हो सकता है आप एग्जाम में फटाफट से बना ले, मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा लेंदी कर दिया इस चीज को, बट आप आंसर में जो जब आप एग्जाम में बैठोगे आप इनको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। बहुत ही जब वीडियो पसंद आती है तो भाई जरूर लाइक कर दो, शेयर कर देना सभी के साथ, सभी ग्रुप्स में, ताकि सभी की हेल्प हो जाए जो कोर्स परचेज नहीं कर सकते हैं। सो एवरेज मार्क्स ऑफ 150, आपको यहाँ पर एवरेज का एक क्वेश्चन पूछा गया है, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहे होंगे, मैंने यहाँ पर शॉर्ट्स फॉर्म में क्वेश्चन लिखे हैं। तो 150 कैंडिडेट है जिनका एवरेज मार्क्स आपको 35 दिया गया है। अब इन 150 कैंडिडेट्स में से कुछ कैंडिडेट हैं जो पास है, उनका एवरेज मार्क्स 39 है, और जो फेल कैंडिडेट हैं उनका एवरेज मार्क्स कितना है, उनका 15 दिया गया है। तो आपको यहाँ पर पास्ड कैंडिडेट्स बताने हैं। तो अब एवरेज कैसे निकलता है, एवरेज भाई सबको पता है, यहाँ पर आपको अगर डिजिट्स है तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पर लिखे जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स लिखे जाते हैं, यहाँ पर सम लिखा जाता है और फिर आपका एवरेज निकल जाता है। यहाँ पर इस केस में क्या होगा, आपके टोटल कैंडिडेट्स आएंगे नीचे, ठीक है, टोटल कैंडिडेट्स नीचे आ जाएंगे, इनके द्वारा ऑब्टेन जो मार्क्स है वो आपका ऊपर आएगा, एंड देन इनका एवरेज निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे एवरेज निकालने का तरीका होता है।
इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, ट्रिक ट्रिक के थ्रू भी कर सकते हो, एलिगेशन से हम लोग ट्रिक के थ्रू करेंगे, और दूसरा आप इसको सिंपल तरीके से भी कर सकते हो। अगर आपका मैथ्स अच्छा है, अगर आप जल्दी से चीज़ों को प्रोसेस कर पाते हैं, तो आप सीधे तरीके से भी आसानी से कर सकते हैं। मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मुझे आपको समझाना है, ठीक है। अगर आप एग्जाम में करेंगे तो आप जल्दी से कर पाएंगे। देखो, सबसे पहले तो इन्होंने कहा 150 कैंडिडेट का एवरेज कितना है, 35 है। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ लिख लेती हूँ कि जो आपका एवरेज कैसे निकलता है। भाई एवरेज अगर 150 कैंडिडेट का निकलेगा तो यहाँ पर आपके 150 कैंडिडेट आ जाएंगे, और इनके द्वारा ऑब्टेन मार्क्स कैसे निकलेगा, यहाँ पर एवरेज है और एवरेज कितना है, 35 है, ठीक है। और ये जो होगा वो इनके द्वारा 150 कैंडिडेट्स के द्वारा ऑब्टेन मार्क्स वाला जो है क्राइटेरिया वो निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं मार्क्स कैसे निकाल सकती हूँ, यहाँ से मैं मार्क्स निकाल सकती हूँ 150 × 35। तो ये कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 35 को 15 से करिए, 15 को 5 से करेंगे तो 75 आता है, 7 गया 15 तो 30, और 7 कितना होता, सॉरी 15 3 45, 45 × 7 तो 5250। तो जो ऑप्टेन मार्क्स हैं इनके द्वारा, जो टोटल ऑप्टेन उन्होंने मार्क्स करे 150 कैंडिडेट ने, वो कितने निकले, वो 5250 निकले। अब हम पास को देखेंगे। लेट से भी पास कैंडिडेट हमें नहीं पता, तो आप मान के चलो जो पास कैंडिडेट हैं वो कितने हैं, पास कैंडिडेट एक्स मान लो, तो फेल कितने हो जाएंगे, भाई फेल कैंडिडेट 50 में से माइनस कर दो, 150 माइनस एक्स, ऐसे ही निकालते हैं ना हम लोग, ऐसे निकालते हैं। तो आप फिर से एवरेज पुट करो पास कैंडिडेट का, तो भाई एक्स है लेकिन इनके द्वारा ऑब्टेन्ड एवरेज है 39। तो यहां पर इनके जो मार्क्स है सिर्फ पास कैंडिडेट के, मार्क्स ऑफ पास कैंडिडेट पीसी लिख रही हूँ, ठीक है, पास कैंडिडेट कितने आ जाएंगे, 39x आ जाएगा। ऐसे ही मार्क्स ऑफ फेल कैंडिडेट कितना आ जाएगा, फेल कैंडिडेट कितने होते हैं भाई, 150 माइनस एक्स, और इनका एवरेज कितना दिया हुआ है, इनका एवरेज 15 दिया हुआ है। तो यहां से हम इनके मार्क्स कैसे निकालेंगे, 150 माइनस एक्स इंटू 15। इस इक्वेशन को आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है, इस इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो। और इस इक्वेशन को हम कहाँ पर जो है पुट करेंगे एक तरीके से, तो मैं इसको यहीं पर ही कर देती हूँ। देखो, इसको जब मैं सोल्व करूंगी तो कितना आता है, यहीं पर ही लिख देती हूँ, 115 15 कितना होता है भाई, 2250 होता है ना, 225 और 10 ये है, मैं सीधे तौर पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, आप सिंपली भी कर सकते हो। 15 का जब स्क्वायर करते हैं तो 15 15 225 होता है, और ये 15x आ गया, ठीक है। अब देखो टोटल मार्क्स कितने हैं सभी 150 कैंडिडेट्स के द्वारा, वो 5250 है, और ये मार्क्स कैसे निकल रहे हैं, पास कैंडिडेट के मार्क्स और फेल कैंडिडेट के मार्क्स। तो पास के कितने हैं, 39x है, और फेल के कितने हैं, फेल की है 2250 माइनस 15x। सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, और एक्स की वैल्यू ही क्या है, आपके पास कैंडिडेट है, और आपसे पूछा भी पास कैंडिडेट ही गया है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, इसको कैसे सॉल्व करोगे, 5250 माइनस 2250 इज इक्वल टू 39 में से 15 गया कितना आता है भाई, 9 में से 5 गया 4, 3 में 24x, ठीक है। इसको मैं माइनस करूंगी तो ये 324x, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये वाला मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मेरी इक्वेशन आई है 3000 इज इक्वल टू 24x, यहाँ पर काट दूँ, 6 से काट लो, 12 से भी कट जाएगा, 6 4 24, 6 5 30 00, 4 1 4, 4 2 4 125, ठीक है, कितना आ गया 125। तो पास कैंडिडेट आपके कितने हो गए, पास कैंडिडेट हो गए 125, और फेल कितने हो जाएंगे, फेल 150 में से 125 घटा लो, वो आपके कैंडिडेट फेल निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका जनरल तरीका है जो हम एक्स की वैल्यू मान करके करते हैं, ये आपका जनरल तरीका है, 125 यहाँ पर आंसर आ गए। अब मैं आपको एक तरीका और बता देती हूँ, एक तरीका आपका है मिक्सचर एंड एलिगेशन का, ठीक है। एलिगेशन से हम लोग कैसे कर सकते हो, एलिगेशन से हमें इसको सोल्व करना है। तो देखो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये है पास कैंडिडेट और ये है फेल। पास का जो एवरेज है वो कितना है, 39 है, फेल का एवरेज कितना है, 15 है, और टोटल सभी कैंडिडेट का एवरेज है 35, ठीक है। अब आप सभी करते हो ना भाई, इसको इससे माइनस, इसको इसके इससे माइनस, तो ये आपके पास कैंडिडेट निकल जाएंगे और ये आपके यहाँ पर फेल निकल जाएंगे। तो 39 में से 5 गया कितना आता है, 4 आता है, और इसको इससे माइनस करेंगे 35 में से 15, तो यहाँ पर 20 आएगा, ठीक है। ये रेशियो में है, 4 1 4, 4 5 20, तो कितना आ गया रेशियो, 5:1 निकल गया।
अब टोटल कैंडिडेट कितने होते हैं, पास प्लस फेल ही तो टोटल कैंडिडेट है, तो 5 + 1 6 यूनिट निकल गया। ठीक है, तो टोटल कैंडिडेट कितने हैं भाई, 150 है, लेकिन कितने यूनिट के बराबर है, 6 यूनिट के बराबर है 150, बिकॉज टोटल पूछा है, तो दोनों को प्लस करेंगे। ठीक है, 1 यूनिट कितने के बराबर है, 6 के, और हमसे पास पूछा है, पास कितने हैं, 5 यूनिट। ठीक है, तो हम यहाँ पर कितना निकाल देंगे, 5 कितना हो जाएगा, 150/6 × 5, तो यहाँ से निकाल लो, 6 × 12, 6 × 5 = 23, 25 × 5 = 125। ठीक है, तो आपके पास कैंडिडेट कितने निकल कर आ गए, पास कैंडिडेट आपके 125 निकल के आ गए। बहुत सारे तरीके होते हैं, आप अपने तरीके से प्रेफर कर सकते हो, ये वाला बहुत ही अच्छा तरीका है, सिर्फ सेकंड्स में आपके क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व हो जाएंगे एलिगेशन से, आप इसको ऐसे कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपका प्रोसेसिंग पावर अच्छा है ना मैथ्स का, अगर आपके कैलकुलेशन पावर अच्छा है, तो एक्स वाले तरीके से भी आप विद इन मिनट इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर सोल्व हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको समझ में आ रही है चीजें, जो क्वेश्चन समझ में ना आए आप मेरे को कमेंट कर देना, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि आपको रिप्लाई कर दूं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, ए की पावर एक्स कह रहा है, ए की पावर एक्स इज इक्वल टू बी है, बी की पावर वाई इज इक्वल टू सी है, और सी की पावर जेड इज इक्वल टू ए है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये लास्ट ईयर क्वेश्चन गलत हुआ है, और एक्स वाई जेड आपसे पूछा गया है। अगर हम नॉर्मल मैथ्स से अगर इसको करते हैं तो लॉगरिदम लेना पड़ेगा, लॉग से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, बट लॉगरिदम क्या होता है भाई, बहुत सारे कैंडिडेट होगा जिनको ये पता ही नहीं है, जो जिनका बैकग्राउंड साइंस है मैथ्स है उनको फिर भी पता है, लेकिन जो अदर से है SST या हिंदी है इंग्लिश, उनको नहीं पता होता। तो अब हम यहाँ पर लॉगरिदम तो पढ़ने नहीं बैठेंगे, ठीक है, लॉग तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि हमें सब्जेक्टिव पेपर नहीं देना है इसका। तो हम इसको हम कैसे बना सकते हैं, तो कैसे मैंने इसको बनाया है मैं आपको बता देती हूँ। देखो, ए की पावर जब हम एक्स करते हैं तो बी आता है, बी की पावर वाई करते हैं तो सी आता है, और सी की पावर जेड करते हैं तो ए आता है। तो आप यहाँ पर एक्स की वैल्यू को 2 मान लो, ठीक है, और ए की वैल्यू को 2 मान लो। तो देखो, जब मैंने 1 2 रखा और इसको जब मैं स्क्वायर करती हूँ तो मेरे पास बी निकल आता है, 2 का स्क्वायर करती हूँ तो मेरे पास बी क्या निकल आया, 4। ठीक है, बी क्या निकल आया, 4 निकल आया। अब इस 4 को स्क्वायर कर दो, 4 को स्क्वायर यानी कि b को स्क्वायर, ठीक है, y की वैल्यू मैंने यहां पर क्या मान ली, y की वैल्यू मैंने यहां पर 2 मान ली, तो जब मैं b 4 का स्क्वायर करी तो मेरे पास आ रहा है 16, यानी कि b का y की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो जब मैंने इसका स्क्वायर किया तो मेरे पास क्या आ गया, 16, और 16 किसकी वैल्यू निकल के आ रही है, c की। ठीक है, तो b की वैल्यू निकल के आई 4 और c की वैल्यू निकल के आई 16। इतना यहाँ पे समझ में आया, मैंने मान लिया, ठीक है, मान लो a को आप 2 मान लो और बी को आप 4 मान लो, और इनको स्क्वायर करके देखो, तो जब आप ए का स्क्वायर करोगे यानी कि 2 का स्क्वायर करोगे तो बी निकलेगा, दैट इज 4। ठीक है, ठीक है, और जब बी का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, तो वाई को मैंने 2 मान लिया, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 निकलेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने 16 का, अब यहां पर जेड को मैं कैसे निकालूंगी, सी है मेरा 16, 16 की पावर जेड इज इक्वल टू, ए मैंने कितना माना है, ए मैंने 2 माना है। ठीक है, ए मैंने 2 माना है, अब इसको मैं लिख सकती हूँ भाई, ये बेस मेरा 2 है, यहाँ पर 1 है पावर, तो इसकी पावर है ये जेड, मैं बेस सेम करूंगी तो मेरी पावर इक्वल हो जाएगी, बेस हमेशा सेम करना होता है, तो 2 की पावर 4 और ये है जेड इज इक्वल टू 2 की पावर 1। ठीक है, बेस सेम हो गया, लेकिन जब ऐसे होता है एक्स की पावर एम इंटू एन, तो फिर वो एक्स की पावर एम एन हो जाता है, मल्टीप्लाई में चला जाता है, तो ये कितने चली जाएगी, 4z = 1, और जेड की वैल्यू आ जाएगी 1/4। ठीक है, जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4 आ गई। यहाँ पर मुझे एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 2 है, और जेड की वैल्यू है 1/4, और जब मैं एक्स वाई जेड करूंगी तो कितना आएगा, 2 × 2 × 1/4, कितना आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं इसे रिपीट करती हूँ, मैंने ए की वैल्यू 2 मानी है, ठीक है, ए की वैल्यू मैंने अपनी तरफ से 2 रख ली, उसका मैंने स्क्वायर किया यानी कि एक्स की वैल्यू मैंने 2 मान ली, दोनों का स्क्वायर किया तो मेरे पास बी निकल आया, और बी निकला मेरा 4, क्योंकि 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने बी का फिर से स्क्वायर कर दिया, तो मैंने वाई की वैल्यू भी 2 रख दी, यहाँ पर बी 4 आया था, उसकी वैल्यू 2 रख दी वाई की, तो मेरे पास 16 आ गया, और ये 16 क्या निकला, 16 निकला सी। ठीक है, सी निकला, अब मेरे पास एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू है, मैं यहाँ पर जेड की वैल्यू निकाल सकती हूँ, ये मेरा 16 सी है, यहाँ से मैंने सी के अंदर 16 रखा, ये जेड है, और ए की वैल्यू मुझे पता है मैंने यहाँ पर 2 लिखी थी, और इस चीज को ही मैंने यहाँ पर सोल्व करके दिखाया है कि 16 का जेड, 16 को मैं 2 की पावर 4 भी लिख सकती हूँ भाई, 2 1 2 2 4 4 2 8 8 2 16, तो 2 को जब मैं 4 बार लिखती हूँ तो 16 आता है, 4z = 1 हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम है तो पावर भी इक्वल हो जाएगी,
फोर जेड वन है, जेड की वैल्यू 1/4 आ गई, यहाँ पर मैंने पुट किया और मेरा आंसर क्या आ गया 1। सो वन ऑप्शन यहाँ पर, सॉरी वन ऑप्शन नहीं, जिस भी ऑप्शन में आपको 1 दिख रहा है वो वाला आंसर आपका करेक्ट है। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को ऐसे बना सकते हो, वरना फिर लॉगरिदम से बनाना पड़ेगा और लॉग वगैरह फिर आपका सीखने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज जनरल सेक्शन है ये ओनली और हमें सिर्फ 10 नंबर यहाँ पर चाहिए। तो सबके अपने अपने सॉल्व करने के तरीके हो सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको अपना तरीका बताया कि मैं इसे ऐसे सॉल्व करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, 5, 6, 15 एंड 18। और डिविजिबल मुझे किस किस को करना है, ऑप्शन यहीं पे देख लो, 800, 225। तो इसने कहा है कि स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सबसे पहले तो ये देखो कि क्या इसमें परफेक्ट स्क्वायर सारे हैं या नहीं है। तो 225 है भाई, 15 का होता है, ये आपका 30 का स्क्वायर है और ये आपका 19 का है। आपको स्क्वायर 20 तक 25 तक कम से कम आप याद कर लो, बहुत इजी रहेगा। जैसे मुझे याद है तो मैंने फट से बता दिया ये आपके स्क्वायर है और ये तो किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो ही गया। ठीक है, तो ये इन तीनों में से है कोई। अब मुझे स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखना है, सबसे छोटा। अब आप ये कहोगे सबसे छोटा तो ये है, लेकिन जरूरी थोड़े ना सबसे डिविजिबल हो, हमें ये भी देखना है कि सबसे छोटा है और जो कि डिविजिबल है सबसे एग्जैक्टली, मतलब कंप्लीट डिविजिबल है, 4 से भी 5 से भी 6। अब बहुत सारे कैंडिडेट जो मैथ्स में अच्छे वो फटाफट से कर लेंगे, 4 से कौन सा है, 5 से कौन सा है, 6 से कौन सा है, 15 से कौन सा है, 18 से कौन सा है, वो भी ठीक है, वो गलत नहीं है, वो भी ठीक है। बट आप किस तरीके से और कर सकते हो, आप एलसीएम लो इसका, एलसीएम लेना आता है। अब बहुत सारे करेंगे कि एलसीएम हम ऐसे लेते हैं 4, 5, 6, 15, 18, फिर 2 से करते हैं 5, 3, 15, 9, फिर ऐसे ऐसे करके मैं क्या निकालूंगी एलसीएम। एक सबसे अच्छा तरीका बताती हूँ, अगर आपको समझ में आए तो, एक बैग मेथड है, आप उससे एलसीएम निकाल सकते हो। मैंने एक छोटा सा ये बैग बनाया और हमेशा आपको जितनी भी डिजिट दिखाई दे रही है ना, उस डिजिट का हाइएस्ट नंबर यहाँ पर लिख दो उठा के। हाइएस्ट नंबर 18 है, 18 लिख दिया, 18 को तोड़ दो, जितना छोटा आप तोड़ सकते हो तोड़ दो। कैसे टूटेगा भाई, इसके अलावा नहीं टूट सकता, इसके अलावा नहीं टूट सकता, इसके फैक्टर इतने ही बनेंगे। अब क्या करो भाई, 18 तो मैंने ले लिया, अब चलते हैं 15 पर। 15 किससे बनता है, 15 बनता है 3 × 5 से। देखो इसमें 3 है, हाँ है 3, देखो इसमें 5 है, नहीं इसमें 5 नहीं है, तो मतलब आप एक 5 ऐड कर दो। ठीक है, एक 5 मैंने ऐड कर दिया। अब चलो 6 पे, 6 टूटता है 2 × 3 में, देखो इसमें क्या 2 है, हाँ है 2 है, 3 है, हाँ 3 भी है। ठीक है, इसको लीव करो, इसको लीव इट, ठीक है इसको छोड़ दो, ये ऑलरेडी है इसमें। अब देखो 5 है इसमें, हाँ 5 भी है, मैंने अभी तो लिखा 5, वो इसको भी छोड़ दो। अब देखो 2 कैसे बनता है, 2 बनता है 2 × 2 से। क्या इसमें एक 2 है, हाँ है। क्या इसमें दूसरा 2 है, नहीं इसमें दूसरा 2 नहीं है, तो फिर मैं एक 2 और लगा दूंगी। ठीक है, तो आप ऐसे एलसीएम कर सकते हो। अब इसको कर लो मल्टीप्लाई, 5 × 2 = 10, 3 × 3 = 9 और 9 × 2 = 18, कितना आ गया 180। एलसीएम कितना आ गया यहाँ पर, एलसीएम आ गया 180 एलसीएम। अब इस 180 से इन तीनों को डिवाइड करके देख लो, 180 से जो भी कंप्लीट डिवाइड है वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो भी कंप्लीट डिवाइड है वही आपका आंसर। मैंने एलसीएम निकाल लिया 180, 225 को करो 180 से, क्या ये कट रहा है 200, ये कंप्लीट नहीं जा रहा। ठीक है, बिकॉज आप 2 को करोगे तो 360 आता है, तो ये तो नहीं कट रहा, ये भी ऑप्शन गलत है। 900 पे जाओ, 900 / 180, 0, ये कंप्लीट जा रहा है, यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, आपका 180 ये भी नहीं कटेगा, बिकॉज 360 है आपका, अगर मैं 180 का 2 भी करती हूँ तो 360 है और ये 361 है। ठीक है, ले तो ये भी आपका आंसर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन इनसे डिविजिबल नहीं है। इनसे डिविजिबल वही होगा जो इनके एलसीएम को डिवाइड करेगा। ठीक है, जो इनके एलसीएम को डिवाइड करेगा, तो मैंने सबसे पहले एलसीएम लिया। अगर आप ये मेथड प्रेफर नहीं करते हो, आप एक दो सवाल इसके बना के देखो आराम से, बहुत ही अच्छा तरीका मुझे लगता है, सबसे बेस्ट लगता है मुझे तरीका। इसके अलावा आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, जैसे मैंने यहां पर 3 से कर देती हूं। अब अगर आपकी कैलकुलेशन पावर अच्छी है तो आप इसको भी आराम से कर सकते हो। ठीक है, फिर 5 से किया, 9 × 2 = 18 और 3 × 2 = 6, 6 × 5 = 30 और 18 ज्यादा हो गया, ये एक सेकंड रुको, हां 3 दिया, ठीक है, तो 5 और ये 3, 3 × 2 = 6, 6 × 5 = 30, 30 और 3 × 9 = 18, 180 यहाँ से भी आ गया। ठीक है, तो 180 यहाँ से भी आ गया, तो आप कैसे भी अपना एलसीएम ले सकते हो। ठीक है, एलसीएम लेने का सबसे बेस्ट तरीका मुझे ये बैग मेथड लगता है। इसमें कोई भी बड़ा नंबर उठा के डालो, उसको तोड़ के देख लो कितने फ्रैक्शन में वो टूट रहा है, उसके बाद जितने भी आपके अलग एक्स्ट्रा डिजिट है ना, उन डिजिट को करके देख लो। ठीक है, ऐसे आप आराम से यहाँ पर कर सकते हो। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल और करके दिखाऊं, थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी बट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपको एक और करके दिखाऊं, अगर मैं एलसीएम लेकर के दिखाऊं, देखो
लेट से मैंने 12 लिया, एक 15 ले लिया, एक 20 ले लिया और एक मैंने 40 ले लिया, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा है मेरा 40। 40 को मैं कैसे ब्रेक डाउन कर सकती हूँ? 2 इंटू, फिर 20 है, 2 इंटू, फिर 5 है, ऐसे ही कर सकती हूँ। तो दूनी 4 5 5 24 नहीं, और कर सकती हूँ, ठीक है। 40 को मैं और कर सकती हूँ, 2 2 की पावर 4, फिर एक 2 ले लिया, हाँ एक 2 और ले सकती हूँ, ठीक है। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 5 40, तो मैं इस फ्रैक्शन में इसको तोड़ सकती हूँ, ठीक है। 2 बार में, 3 बार मैंने 2 लिखा, 1 बार, इससे छोटा मैं इसको नहीं तोड़ सकती हूँ, ठीक है। अब देखो 20 को, देखो 20 कैसे बनता है। 20 बनता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, ऐसे बनता है। क्या 2 बार 2 है? हाँ 2 बार 2 है, एक 5 भी है, इसको छोड़ दो, ठीक है। 15 को देखो, 15 कैसे बनता है? 3 इंटू 5 बनता है, एक बार तो 5 है, क्या 3 है? 3 नहीं है, तो मतलब एक 3 लिख दो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये देखो कैसे बनता है, ये बनता है 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 दूनी 6 6 दूनी 12, ऐसे बनते हैं। 2 बार 2 है, हाँ 2 बार 2 है, 3 भी है, ठीक है। तो इसको भी लीव कर दो। अब मेरा जो एलसीएम आएगा वो ये आएगा, 2 दूनी 4 4 5 20 और 3 दूनी 6 120, ठीक है। क्या एलसीएम आएगा इनका? 12 का 15 का 20 का और 40 का 120 एलसीएम आ जाएगा। बहुत ही अच्छा मेथड है, बहुत ही अच्छा मेथड, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन इसे बना करके देखो, बहुत ही अच्छा मेथड है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे आपका, आपको इसका आंसर मिल गया होगा, 900 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 है ये, ठीक है। अगर आपका एलसीएम डिविजिबल है तो मतलब इन सबसे डिवाइड है। इसके अलावा अगर आप इतना चीजें नहीं करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली भी देख सकते हो, देखो आपका 4 से कौन सा नहीं है, 5 से कौन सा नहीं है, मतलब ऐसे भी करके देख सकते हो, जल्दी जल्दी भी चीजें हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, √5। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, बहुत ही इजी, बट फिर भी कई बार ये भी गलत हो जाता है, ठीक है। -3/4 कितना आएगा, इसको सोल्व करना है। तो देखो जब अंडर रूट हटता है तो पावर 1/2 में चली जाती है, पता है ना, अंडर रूट हटता है तो पावर किस में चली जाती है? 1/2 में। 5 -3/2 ऑलरेडी है, 1/2 आ जाएगा। डू नॉट इग्नोर दिस माइनस साइन, इस माइनस साइन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मैंने 1/2 क्यों किया? क्योंकि मैंने पावर हटा दिया, बिकॉज ये जो पावर है 2 की होती है ना भाई, अंडर रूट क्या बोलते हैं, मतलब 2 की पावर है, और जब वो हम तोड़ते हैं तो 1/2 में चली जाती है। 3 होता तो 5 की पावर 1/3 चली जाती, 4 होता तो 5 की पावर 1/4 चली जाती, ठीक है। बट यहाँ पर 2 है तो 1/2। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 की पावर -5/4 × 5 की पावर -3/4। अब सबको पता है जब बेस सेम होता है तो आपस में ऊपर के प्लस हो जाते हैं, भाई एक्स की पावर एम इंटू एक्स की पावर एन होता है, तो एक्स की पावर एम प्लस एन, ये आपने फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, वही फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर। 5 की पावर -5/4 + -3/4, इसका एलसीएम ले लो, 5 की पावर 4 है और ये -8 है, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 5 की पावर -2 आ गया। अब इस -2 को खोलने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? 1/5 की पावर 2, ऐसे ही करते हैं मैथ्स में, जब हम ये माइनस का खोलते हैं तो ये जो है 1/2 में चला जाता है, और पावर, ये पावर जो आपकी पॉजिटिव हो जाती है, तो यहाँ से 1/25, 5 5 25 होता है, 1/25 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, इतना कुछ भी नहीं है इसमें। जो ना समझ में आए मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। पिछली क्लास का आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, इसलिए जल्दी जल्दी फटाफट से क्लासेस लेकर के आएंगे। आपको बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीआई का, कंपाउंड इंटरेस्ट का है, चक्रवर्ती ब्याज का एक क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि कोई सम है वो डबल हो जाता है 15 साल में, ठीक है, और सीआई लगाया है आपने 15 साल में, तो इसका एक फॉर्मूला होता है भाई, अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर, ये टाइम है, ये फॉर्मूला होता है। अब कह रहा है कोई सम है, सम जो है वो डबल हो जा रहा है, ठीक है, कि जो प्रिंसिपल था वो अब आपका डबल हो गया है, तो अमाउंट क्या हो गया? 2p, क्योंकि पहले कुछ प्रिंसिपल था वो अब डबल हो गया, अगर 100 था तो अब 200 हो गया, ठीक है। तो अगर 101p था तो मतलब वो 2p हो गया, डबल हो गया अमाउंट। कितने साल में हुआ है? वो हुआ है आपका 1/r/100, और कितने साल में? 15 साल में हुआ है, ठीक है, 15 साल में हुआ है। पी से पी कैंसिल, तो यहां पर 2 1/1 + r/100 की पावर, ये 15 है, ठीक है। 15 ईयर्स में अमाउंट हमारा, सॉरी प्रिंसिपल हमारा डबल हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि 8 टाइम्स में कितने कितने साल में होगा? अब ये जो अमाउंट है वो 8 टाइम्स करना है, लेकिन कितने साल में? भाई मैं 2 की पावर अगर 3 करती हूँ तो मेरा 8 आता है ना, 8 टाइम्स हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ठीक है, 2 की पावर 3, यानी कि कितना हो गया? 8 टाइम्स। लेकिन जो अगर आपने पावर यहाँ पर लगाई है तो पावर फिर आपको यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में करनी पड़ेगी,
ठीक है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में करनी पड़ेगी। तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 आ गया। अब 8 टाइम प्रिंसिपल कितने साल में हो जाएगा? 8 टाइम प्रिंसिपल हो जाएगा आपका 45 ईयर्स में। ठीक है, तो 45 ईयर्स आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आए तो आप इनको फटाफट से ऐसे बना सकते हो, आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिखो 2p यहाँ हो गया तो मतलब ये 15 है, और अगर इसको 8 में कन्वर्ट करना है तो 2 की पावर 3 और ये आपका 15 × 3 चला जाएगा 8 और ये 45 हो जाएगा। सिंपल, और कुछ नहीं करना। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आपने ऐसे बनाना है तो 45 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ये भी बहुत ही अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है, ये कह रहा है कि 25 आदमी हैं जो फसल को काटते हैं 60 दिन में, 25 मैन हैं और वो रीप करते हैं किसी फसल को कितने दिनों में? 60 डेज में। अब कह रहा है 10 जो आदमी है वो कितने दिनों में काटेंगे? 10 आदमी कितने दिनों में काटेंगे? देखो 25 आदमी है मतलब ज्यादा आदमी है, ठीक है, ज्यादा आदमी है, वो 7 दिन में काट रहे हैं। अब आदमी हो गए हैं कम, अगर आदमी कम हो गए हैं तो भाई दिन भी तो ज्यादा लगेंगे ना, 60 से ज्यादा दिन लगेंगे। यहाँ पर कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि क्या करेंगे, 25 फिर 60 लिख देंगे, 1 लिख देंगे 60/25 और यहाँ से 10 निकाल देंगे, फटाफट से 2 पे गया, 5 पे गया, 12 पे गया, 24 और 24 आंसर। आपको ऑप्शन में 24 भी लिखा मिलेगा, ठीक है, बट ये गलत है। एक बात बताओ, जब 25 आदमी 60 दिन में काट रहे हैं तो अब तो आदमी घट गए ना, घट गए आदमी तो मतलब आपका जो काम है वो ज्यादा दिनों में होगा। अब इतनी जो लेबर है वो घट गई है तो मतलब काम ज्यादा दिनों में होगा, तो अब दिन घट कैसे जाएंगे? 20 से 60 से तो ज्यादा दिन होना चाहिए, तो 24 पे आ गए हम। ठीक है, तो ये आपका आंसर नहीं है। इसको हमें कैसे करना है, एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिखो m1 × d1 × h1 × तो छोड़ो, यहाँ पर फिर W1 है इज इक्वल टू m2 × d2 × h2 / W1। ठीक है, अगर आपको ऐसे सोल्व करते हो तो फिर इधर W1 कर दो, मैं जो पहले लिख रही थी वो ये W1 इधर आ जाएगा। इस फॉर्मूले को हमेशा याद में रखना, ये है कि पहले दिन में मतलब एक आदमी काम करता है इतने दिनों में तो दूसरा आदमी कितने दिनों में करेगा। ठीक है, ऐसे तो ये मैन है, ये डेज है, ये आर है कि कितने घंटे काम करता है, ये तो बहुत ईजी सवाल है, आपको आर भी देता है भाई इतने घंटे काम करते हैं। ठीक है, फिर ये दूसरे मैन, दूसरा डेज है, दूसरे आवर्स है, ये है वर्क। तो आपका हमेशा ध्यान में रखना, एक सेकेंड, ये आपका W2 है और ये आपका W1 आएगा। ठीक है, वर्क हमेशा एक्सचेंज होगा, तो m1 d1 h1 / W2 = m2, ये फॉर्मूला ध्यान में रख लो, इस फॉर्मूले के बेस पे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो m1 कितना है, 25 है और इनके द्वारा दिया गया डेज भी आपका D1 में काउंट होगा 60। आर हमें दिया नहीं है, घंटे हमें दिए नहीं गए, W हमें दिया नहीं गया तो हम इग्नोर कर देंगे। और M2 दिया है इसने 10 और इसने हमसे D2 पूछा है, तो D2 कैसे निकलेगा भाई, 10 6 × 6 = 30, 3 × 6 = 12 और 3 = 15, 150। ठीक है, तो आपका D2 कितना है, 150। तो यानी कि आपका ये जो 10 आदमी है वो कितने दिनों में काम करेंगे, कितने दिनों में इस फसल को काट देंगे, 150 में। ठीक है, 150 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इस फॉर्मूले को लिख लो, ठीक है, जब आप यहाँ पर भी लिख रहे हो, जहाँ पर भी नोट्स बना रहे हो, इस फॉर्मूले को लिख लो, इससे आपके क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, अब 4 क्वेश्चन बचेंगे, उनको भी फटाफट से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे आपसे अलजेब्रा का क्वेश्चन एक दिया गया है। इन क्वेश्चंस को आप ट्रिक से भी कर सकते हो, डायरेक्टली आपको फॉर्मूले भी बता दूंगी और साथ ही उन फॉर्मूला को हम कैसे निकाल सकते हैं वो भी आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, एलजेब्रा के कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जो मैं नोट्स में इंक्लूड कर दूंगी सभी के लिए, तो उन फॉर्मूलाज को आपने जरूर याद करना, भाई a+b का स्क्वायर क्या होता है, a+b का क्यूब क्या होता है, a³ + b³ क्या, तो ये फॉर्मूलाज आपको याद होनी चाहिए, उनके बेस पर ये क्वेश्चन बन जाएगा। ये कह रहा है x + 1/x जो है वो 5 है और आपको x³ + 1/x³ बताना है। ठीक है, देखो कैसे होगा, क्यूब कर लो दोनों का। ठीक है, कई बार आपसे एस क्यूब ना देकर के ना स्क्वायर भी पूछ लेते हैं, तो आप पहले मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ, फिर आपको डायरेक्टली जो फॉर्मूला होता है ना वो भी बता दूंगी। ठीक है, तो मान लो अगर यहाँ पर x + 1/x, चलो मैं यहीं पे इसको बता देती हूँ, उसका क्यूब ही कर देते हैं। ठीक है, एक सेकेंड रुको, इसका यहीं पर ही क्यूब कर दो, क्यूब बोथ साइड क्यूब करो, तो x + 1/x का क्यूब आ जाएगा = 5 का क्यूब आ गया। इतना समझ में आया? अब a+b का क्यूब का फॉर्मूला होता है a+b का क्यूब, कैसे करते हैं, a³ + b³ + 3ab और a+b।
ठीक है, ए माइनस बी का क्यूब का ये फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी और ए माइनस बी, ये आपका ए माइनस बी के क्यूब का फॉर्मूला होता है। ऐसे आपको सारे फॉर्मूले तो याद करने हैं, तो आपको करने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखो यही फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस बी का क्यूब, ए क्यूब यानी कि एक्स की क्यूब, बी क्यूब यानी कि वन बाई एक्स की क्यूब प्लस थ्री ए बी है तो एक्स इंटू वन बाई एक्स और एक्स प्लस वन बाई एक्स, क्योंकि यहाँ पर ए प्लस बी ब्रैकेट में है ना, और ए ये है बी ये है, ठीक है। और ये फाइव का क्यूब कितना होता है भाई, 125 होता है, ठीक है। एक्स की क्यूब प्लस वन बाई एक्स की क्यूब प्लस एक्स से एक्स कट गया थ्री एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 125, और एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू कितनी है, फाइव है। तो एक्स की क्यूब प्लस वन बाई एक्स की क्यूब प्लस थ्री इंटू फाइव इज इक्वल टू 125, और एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स की क्यूब कितना आ जाएगा, 125 माइनस 15, और ये कितना आ जाएगा, 110। तो यहाँ पर मेरे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 110, ठीक है। अगर आप ये सारी चीज़ें, तो चुटकियों में हो जाएगी ये सारी चीज़ें, इतना नहीं है, कोई पहाड़ नहीं है, चुटकियों में हो जाएगी अगर आप फॉर्मूला भी नहीं लर्न करना चाहते हो। बट अगर आप क्यूब का फॉर्मूला लर्न करना चाहते हो कि अगर आपको एक्स प्लस वन बाई एक्स अगर ए दिया है, एक्स प्लस वन बाई एक्स अगर आपको ए दिया है, यहाँ पे तो पाँच दिया था, लेट से यहाँ पर ए दिया, ये फॉर्मूला है, तो आपका एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब का फॉर्मूला क्या आएगा, तो एक्स क्यूब का फॉर्मूला क्या आएगा, यहाँ पर देखो हमने क्या किया है, 125 माइनस 15, और 125 किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है, और 5 क्या है आपका, a है, तो a का क्यूब माइनस 3 इंटू 5, 5 क्या है, 1 प्लस 1 बाई एक्स, और 1 प्लस 1 बाई एक्स a है, 3a, ठीक है 3a, ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को याद रख लो, ये फॉर्मूला अगर आपको कहीं पर भी, मान लो x प्लस वन बाई एक्स अगर आपको 25 दे रखा है, 10 दे रखा है, 20 दे रखा है, कुछ भी है, तो आप डायरेक्टली इस, अगर 25 दिया है तो 25 का क्यूब रख के 3 इंटू 25, डायरेक्टली आप यहाँ पे आंसर अपना निकाल सकते हो, ठीक है। और अगर आप ये फॉर्मूला याद नहीं करना चाहते हो तो आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो, ये भी आपका बहुत ही सिंपल है, झट से हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्यूब का फॉर्मूला है। अब आपसे कई बार ना स्क्वायर भी पूछ लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, यहीं पर ही बता देती हूँ। मान लो एक्स प्लस वन बाई एक्स फाइव है, तो अगर आपसे पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर कितना होगा, तो अब इसको स्क्वायर कर दो, स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड आप स्क्वायर कर दो, तो एक्स प्लस वन बाई एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, भाई a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 2 इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स, और ये आ गया 25। अब एक्स स्क्वायर वन बाई एक्स स्क्वायर कितना होता है, ये तो कट गया ना, तो 25 माइनस 2, और 25 माइनस 2 कितना होता है, 23, ठीक है। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला बना, यहाँ पर फॉर्मूला बना किसका, अगर मैं इसको a मान लेती हूँ a, तो ये 25 क्या है, 5 का स्क्वायर था, यानी कि a का स्क्वायर था, तो यहाँ पर a का स्क्वायर माइनस 2, a का स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रख लेना, तो आपका जो स्क्वायर का फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, जैसे यहाँ पर मैंने क्यूब का बताया ना, तो अब स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर माइनस 2, ये आपका स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक है। ऐसा ही आप 8 का भी निकाल सकते हो, अगर आपसे 6 पूछा है तो आप 6 का निकाल सकते हो, ठीक है। तो वो चीज़ें आप कर सकते हो, नोट्स में चीज़ें इंक्लूड कर दूंगी, ठीक है। चलिए, इतना क्वेश्चन आपको समझ में आया, आप डायरेक्टली इन फॉर्मूलाज को भी याद कर सकते हैं और डायरेक्टली आप इनको ऐसे निकाल भी सकते हैं। दोनों ही तरीके आसान है, दोनों ही चीज़ें आसान हैं, मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस हमें करके देखना है, ठीक है। तो इन चीज़ों को अपना साथ के साथ अभी कहीं पर नोट्स बनाते हुए चलिए, आपको फिर एंड टाइम में रिवाइज करने में दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज एंड टाइम में अगर आप वीडियो देखने बैठेंगे तो फिर ज़्यादा टाइम खराब होगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन में भी काफ़ी लोगों को दिक्कत हुई थी, प्लस 2 बहुत तरीके हो जाते हैं भाई सोल्व करने के, बट हम कैसे इसको सोल्व करेंगे वो बता देते हैं। अब देखो ये तो इन्फिनिटी है, ठीक है, अनंत तक आपका चलता ही रहेगा, कब तक इसके पीछे भागेंगे, ठीक है, ये तो चलता ही रहेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, हम लेट से हम इसको एक्स मान लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू, आप क्या करो स्क्वायर कर दो बोथ साइड, मैंने जैसे किया है, ठीक है, स्क्वायर करिए बोथ साइड, बोथ साइड आप स्क्वायर करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और देखो ये अंडर रूट है भाई, स्क्वायर करेंगे तो एक अंडर रूट हटेगा, एक ही तो अंडर रूट हटेगा, सारे थोड़े अंडर रूट हट जाएंगे, तो ये 8 प्लस 2 अंडर रूट 8 प्लस 2 अंडर रूट 8 प्लस 2 अंडर रूट 8 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा, ठीक है।
अब क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 + 2। अब देखो मैंने तो इसको x माना था, 8 + 2 √8 + 2 √8 + 2, इसको तो मैंने x माना था ना, तो ये क्या आ गया x, क्योंकि ये मैंने x माना था अभी ऊपर, ये माना था ना मैंने x, ये एक इक्वेशन बन गई, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x - 8 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, एक्स माइनस 4 और एक्स माइनस 2, ठीक है, इसको सोल्व करके देखो, इसको सोल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x, सॉरी ये प्लस में है, ठीक है, प्लस में है ये, एक्स प्लस 2 और ये क्या आ गया माइनस 8, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है, ये आपका निकल के आ जाता है। तो जब हम इस इक्वेशन को खोलेंगे तो हमारी ये दो चीज़ें बन के आती हैं, और यहाँ से हम x की वैल्यू क्या करेंगे भाई, x माइनस फोर इज इक्वल टू 0 रखेंगे और x की वैल्यू क्या आ गई 4, तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 4, ठीक है, तो यही हमसे पूछा है, तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, ठीक है। तो आप इसको x मान के ऐसे स्क्वायर करके कर सकते हो, आपकी चीज़ें यहाँ पर आसान हो जाएगी। फिर से बता देती हूँ, मैंने इसको यहाँ पर x माना है कंप्लीट फॉर्म को, अप टू इन्फिनिटी x मान लिया, उसके बाद मैंने करा स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर कर दिया तो एक अंडर रूट ये हट जाएगा, ये अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर करते ही, लेकिन ये थोड़े ना हटेंगे भाई, एक ही तो हटेगा, तो 8 + 2, उसके बाद तो आपका अंडर रूट फिर से स्टार्ट है, और इसी चीज़ को मैंने 8 + 2 √ + 2 √, ये सबको मैंने क्या माना है, इसको मैंने x मान लिया है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 + 2x, एक्स स्क्वायर माइनस, मैंने इसको इधर ले आई, इक्वल टू के इधर ले आई, तो इक्वल टू के इधर भी 0 बच गया, ठीक है, 0 बच गया। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो x माइनस 4 x प्लस 2 आता है, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, बिकॉज x की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो ये अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस 2 चला जाएगा, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। इतना समझ में आया सभी को। 9 क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 9 क्वेश्चन कहता है साइड ऑफ अ स्क्वायर इंक्रीज बाई 50%। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है, बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को आपको कैसे बनाना है वो भी समझेंगे। देखो कोई भी इन्होंने कहा ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है, अगर ये ए है तो ये भी ए होता है, ये भी ए होता है और ये भी, और एरिया कैसे निकालता है किसी भी स्क्वायर का, स्क्वायर को वर्ग बोलते हैं हिंदी में, तो उसका ए इंटू ए यानी कि ए का स्क्वायर निकलता है, ठीक है। अब कह रहा है कि जो एरिया था पहले, अब उससे 50% दोनों साइड इंक्रीज हो गई है, साइड ऑफ ए स्क्वायर इंक्रीज बाई, अगर ये पहले आपकी 100 थी, लेट से मान लेते हैं पहले अगर आपकी ये जो साइड थी वो 100 थी, तो अब कितनी हो गई है, अब हो गई है 150, क्योंकि 50% इंक्रीज हो गया है ना, 50% अगर 100 का निकालेंगे तो 50 ही तो इंक्रीज होगा, तो वो 100 में फिर 50 निकाल बढ़ाएंगे तो 150 हो जाएगा, ठीक है, आप इसको ऐसे कर सकते हो। देखो पहले एरिया क्या था, ए इंटू ए, ठीक है, पहले एरिया था ए इंटू ए, दैट इज ए का स्क्वायर। अब एरिया हो गया इंक्रीज, इंक्रीज्ड एरिया कैसे, अगर मैं 50/100 करती हूँ, ये 50% इंक्रीज हुआ है ना, 50/100 करती हूँ, इसके दो तरीके हैं, या तो मैं डायरेक्टली 150/100 कर दूँ, 3/2 आ जाएगा, ठीक है, इंक्रीज है ये 3/2 वाला, या फिर मैं इसको ऐसे करती हूँ 1/2, तो अब मैं इंक्रीज भी तो करूंगी, ये तो मेरा पहले वाला एरिया है 1 और इंक्रीज हो गया 2, तो अब मेरा एरिया कितना, सॉरी जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 2 + 1 3/2 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि पहले मेरी 1 थी अब मेरी 3 है, और क्योंकि मैंने यहाँ पर 50 इसलिए लिया क्योंकि सिर्फ बढ़ा हुआ का निकाल रही हूँ, यहाँ पे मैंने 150 इसलिए लिया, मैं ऑलरेडी प्लस कर चुकी हूँ प्रीवियस वाले लेंथ में, ऑलरेडी प्लस कर चुकी हूँ, तो अब मेरा कितना निकला 3/2, 3/2 ही यहाँ से निकला था, 3/2 यहाँ से निकला था। एक बार फिर से बता देती हूँ कि अब तक ना समझ में आया हो, समझ में आया तो फिर स्किप कर देना। देखो पहले मान लो ए मेरा 100 है, 100% है, अब मेरा इंक्रीज हुआ है 50% इंक्रीज हो गया, तो मेरा बढ़ा हुआ जो एरिया है, सॉरी एरिया कह रही हूँ लेंथ है, वो 150 हो गया ना, 150% हो गया, इस 150% को खोल लो 3/2, यानी कि अब मेरी लेंथ कितनी आ गई है, जो बड़ी हुई लेंथ है, ठीक है, बड़ी हुई लेंथ है वो मेरी कितनी आ गई है 3/2 आ गई है, ठीक है, इस चीज को समझे, तो अब मेरी लेंथ कितनी आ गई है 3/2a इंटू, अब एक 3/2 हुई है तो वो भी दूसरी भी तो 3/2 ही होगी ना, क्योंकि भाई लेंथ तो सेम होती है स्क्वायर की, सेम होती है, एक अगर 3/2 हुई है तो दूसरी भी 3/2, इस चीज को सॉल्व करो 9/4a स्क्वायर,
ठीक है। अब क्या करोगे, इंक्रीज एरिया में से इस एरिया को माइनस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, जो परसेंटेज इंक्रीज एरिया में पूछा है आपसे, ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज एरिया में। तो जब इंक्रीज निकालते तो कैसे निकालते हैं, बाद वाले में से ये घटाएंगे 9/4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ओरिजिनल आपका ए स्क्वायर है ही, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से तो करते ही हैं। 9 में से 4 इसका एलसीएम निकालोगे तो ये आ जाएगा 5/4 ए स्क्वायर, नीचे का एक ए स्क्वायर इंटू 100, ये से ये कट जाएगा और ये 25 और ये कितना आ जाएगा 125%। तो परसेंटेज एरिया कितना इंक्रीज हुआ, 125% एरिया हमारा इंक्रीज हो गया। ठीक है, इतना कुछ भी ना करना चाहो तो आप सीधे तौर पर भी कर सकते हो। यहाँ से सीधे आप 9/4 माइनस 1 करेंगे, फिर 5/4, नीचे तो आपका एक है ही इंटू 100, वो हम दिमागी तौर से भी कर सकते हैं। अगर किसी का प्रोसेसिंग पावर कैलकुलेशन पावर अच्छा है तो फिर वो दिमाग में इन सारी चीज़ों को खेल जाएगा, ठीक है। बट अगर आपको नंबर कटने का डर है तो आप इन चीज़ों को भी सेकेंड्स में कर सकते हो ना, क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, पहले हमारा 100% था, ठीक है, तो हमने ए स्क्वायर ले लिया, लेट से ये ए है ये भी ए है, अब इंक्रीज होने पर क्या हुआ, इंक्रीज होने पर क्या हुआ, वो 3/2 हो गया। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि मैंने ऐड कर दिया ऑलरेडी, ठीक है। अगर मैं ऑलरेडी ऐड नहीं करती हूँ तो 50% मेरा इंक्रीज हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा 1/2। अब इंक्रीज भी तो करना पड़ेगा ना, तो 2+1 3 और नीचे 2, ठीक है, फिर भी तो यहाँ पर 3/2 ही आता, तो सेम चीज़ है वो, ठीक है। तो आप इसका आंसर 1-5% आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, वो आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का है, SPCP का क्वेश्चन है, बहुत इजी, इससे इजी कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। मुझे लग रहा है आप सब ये सोच रहे होंगे कि मैं हर क्वेश्चन के लिए इजी बोल रही हूँ, ठीक है, शायद मे भी आपके लिए इजी ना हो सारे क्वेश्चन, बट ये तो है 100%, ठीक है, 200% ईजी है ये। देखो इसमें कहा ही क्या गया है, इसने हमसे कहा है कोई भी कॉमोडिटी है उसका सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य हमें बताया गया है, और विक्रय मूल्य है 72,000, सीपी पता नहीं है निकालना है, और प्रॉफिट दिया हुआ है 20% है। भाई ये तो सीधी सी बात है, बहुत ही हमेशा सीपी को 100% मान लो, सीपी 100% है, और जब प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट किस में ऐड होगा, प्रॉफिट आपका सीपी में तो ऐड होगा, प्रॉफिट आपका किस में ऐड होगा, सीपी में ऐड होगा। सीपी क्या है आपका, क्रय मूल्य होता है, जिस मूल्य में आपने कोई भी सामान खरीदा है वो आपका सीपी होता है, और जब आप उस बेचते उसे तो वो आपका एसपी होता है, दैट इज सेलिंग प्राइस। आपका हुआ है प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ है 20%, सीपी आपका 100% है, तो आपका एसपी कितना हो जाएगा, 100+20 120%, एसपी कितना हो गया 120%, और एसपी मुझे दिया भी गया है 72,000। 72,000 कितने परसेंट के बराबर है, 120% के, और मुझे निकालना कितना है, मुझे 100% निकालना है, ठीक है। 6,000 यहां से, 10 यहां से उठाऊंगी, 60,000 सीपी कितना आ गया, 60,000। बहुत इजी, इससे ज्यादा इजी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इससे ज्यादा इजी, ठीक है, और ये झूठ वाली बात नहीं है, इससे ज्यादा इजी कुछ भी नहीं है। जैसे हम लोग प्रिंसिपल को हम 100% मानते हैं, ठीक है, किसी भी चीज को हम 100% मानते हैं, तो ऐसे हम सीपी को 100% मानेंगे, ठीक है, सीपी 100% है, प्रॉफिट हुआ है 20% का, 100 में 20 ही तो ऐड करेंगे तभी तो हमारा एसपी आएगा, ठीक है। तो 72,000 मुझे ऑलरेडी इसका जो मूल्य है वो दिया गया है, और मैंने परसेंटेज में निकाल लिया, हमारा एसपी कितना आ गया, 100+20 आ गया, दैट इज 120, और 120 कितने के बराबर है, 72,000 के डिवाइड में रखेंगे और हमें 100 निकालना है, सिंपल तौर पर हमारा आंसर आ जाएगा। अब बोट, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे, अब बोट कवर्स डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम इन 3 आवर्स, एक बोट है एक नाव है, अब ये नाव के और धारा के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पर इंग्लिश में लिखे हैं, आपको हिंदी में भी सारी चीजें समझाऊंगी। तो ये कह रहा है कि एक नाव जो है डाउनस्ट्रीम में जब डिस्टेंस कवर करती है तो वो 3 घंटे में करती है, वापस आती है और 4.5 घंटे लेती है। यहाँ पर जो स्ट्रीम है यानी कि जो धारा है, आप पानी कह लो, इसकी जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर आवर है, तो आपको नाव की स्पीड बतानी है यहाँ पर कितनी होगी। देखिए इन क्वेश्चंस को करने के लिए ना आपको समझना है, सबसे पहले तो जब आप डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम को समझो, पहले होता क्या है, डाउनस्ट्रीम का मतलब है जब कोई नाव धारा के प्रवाह के साथ जा रही है, किसके, धारा के, यानी कि पानी के धारा के प्रवाह के साथ जब नाव जा रही है तो वो होता है डाउनस्ट्रीम। इसके अंदर जो हम स्पीड लेते हैं वो दोनों का प्लस लेते हैं, यानी कि जो बोट है, बोट की जो स्पीड है उसे, और जो पानी है आप वाटर कह लो, ठीक है, उसकी स्पीड, दोनों की स्पीड को हम प्लस करते हैं। और अपस्ट्रीम का मतलब है जब बोट जो है वो धारा के प्रवाह के अगेंस्ट है, यानी कि विपरीत दिशा में जा रही है, विपरीत दिशा में,
तो यहाँ पर जो हम स्पीड करते हैं वो दोनों की माइनस करते हैं, ये आपकी बोट की स्पीड और ये आपकी वॉटर की स्पीड, ठीक है, दोनों को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब इस चीज को आप ऐसे कंक्लूड, यहाँ पर जो मैं जिस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करती हूँ, मैं यू प्लस वी से करती हूँ, यानी कि मैं यू को मानती हूँ बोट की स्पीड, आप भी कर सकते हो, आप बी प्लस डब्ल्यू भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर, और वी को मैं मानती हूँ किसकी, पानी की जो स्ट्रीम है, ठीक है, स्ट्रीम का जो स्पीड है उसको मानती हूँ। तो मैं क्वेश्चन इसी अकॉर्डिंग बनाऊंगी, या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, तो कुछ भी बात हो सेम चीज होती है, हो जाती है, ठीक है, बस आपका अपना समझने का तरीका होता है। तो डाउनस्ट्रीम जब भी आ जाए मतलब आपने दोनों की स्पीड को प्लस कर देना है, यू मतलब आपकी बोट की स्पीड और वी मतलब आपकी जो करंट की स्पीड है, करंट मतलब बिजली वाला करंट नहीं, मैं पानी की बात कर रही हूँ, ठीक है, बिकॉज आपको कहीं पर करंट स्पीड भी लिखा मिल जाएगा, कहीं पर आपको स्ट्रीम की स्पीड मिल जाएगी, तो वो सारी चीजें एक ही है। अब यहाँ पर इन क्वेश्चन को मैंने इतना आपको समझा दिया, अब करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। अब देखो ये कह रहा है कि जो बोट है वो डिस्टेंस कवर करती है, डिस्टेंस कितना कवर करती है हमें नहीं पता, ठीक है, आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला पता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। जब डाउनस्ट्रीम जाते हैं तो 3 घंटे लेती है, जब डाउनस्ट्रीम जाते हैं और डाउनस्ट्रीम में दोनों की स्पीड को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। चलो मैं आपके बी प्लस डब्ल्यू से ही लेकर के चलती हूँ, डिस्टेंस मुझे पता नहीं है, मैं डी रख लूंगी और टाइम कह रहा है 3 घंटे है, ये डाउनस्ट्रीम की बात कर रहा है। फिर कह रहा है वापस आता है, तो वापस आएगा तो सेम ही डिस्टेंस होगा, डी आपका सेम ही रहेगा, और जब वापस आता है तो वो 4.5 घंटे लेता है, लेकिन अब की बार वो अपस्ट्रीम में है, जब जा रहा है तो वो डाउनस्ट्रीम है, तो हम प्लस करेंगे, जब वापस आएगा तो वो क्या है, धारा के प्रवाह के अगेंस्ट आ रहा है, यानी कि वो फिर माइनस में जाएगा, बी माइनस डब्ल्यू। बस आपको इन इक्वेशन को सोल्व करना है और आपको कुछ नहीं करना है, और साथ में आपको स्ट्रीम की स्पीड भी दी हुई है, यानी कि जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू है वो आपका 3 किलोमीटर पर आर यहाँ पर दिया गया है, तो आप डब्ल्यू की जगह आप 3 पुट कर लो और दोनों इक्वेशन को आप आराम से सोल्व कर सकते हो। बी प्लस, देखो डिस्टेंस सेम है तो मैं इन इक्वेशन को बराबर रख सकती हूँ, कैसे रख सकती हूँ, ये मैंने यहाँ पर W की वैल्यू 3 रखी और इस 3 को इधर ले जाऊंगी तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, D है मेरा यहाँ पर, ठीक है, D है मेरा यहाँ पर, अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करती हूँ तो ये अगर मैं इधर ले जाऊंगी तो ये 4.5, एक सेकेंड रुको, 4.5 और B माइनस W हो जाएगा, वो भी D के ही इक्वल है डिस्टेंस के, तो दोनों इक्वेशन को मैं बराबर पुट कर सकती हूँ क्योंकि दोनों डी ही है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ बी प्लस 3 इज इक्वल टू बी माइनस 3, मैंने यहाँ पर 3 नहीं लिखा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, 4.5, बस आपको अब कुछ नहीं करना है, बी की वैल्यू यहाँ से आपको निकालनी है। अब देखो जब मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो 4.5 नीचे 10 चला जाएगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5.9 और 5.2 इतना हो जाएगा, ये 3 को 3 से करेंगे, इस 2 को इधर ले आओ, b प्लस 3 2 मल्टीप्लाई में है और ये 3 ऑलरेडी है तो b माइनस 3 और ये 3 हो गया, सॉल्व कर लो 2b प्लस 6 3b माइनस 9, जब इस b को इधर लेके जाओगे और 9 को आप जब इधर लाओगे या फिर इसको इधर ले आओ तो आपका b कितना निकल जाएगा, b आपका निकल जाएगा 15 किलोमीटर पर आर, ठीक है, 15 किलोमीटर पर आर आपका यहाँ पर स्पीड निकल जाएगी, किसकी, बोट की स्पीड यहाँ पर आपकी निकल जाएगी, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है। जब हम डाउनस्ट्रीम करते हैं मतलब कि जो बोट है वो धारा के प्रवाह के साथ जा रही है तो हम उसमें जो स्पीड है उसको प्लस में लिखेंगे दोनों की, और जब अपस्ट्रीम की बात करते हैं कम बैक हो रहा है तो डिस्टेंस सेम है और तब हम बी माइनस डब्ल्यू करेंगे। हर क्वेश्चन में आप ऐसे ही लगाएंगे सारी चीज़ों को, ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके जितना ईजी है ना इतना ही ईजी आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो आपको बस अपना कॉन्सेप्ट समझना है, इक्वेशन को बस आपने बराबर पुट कर लिया क्योंकि डिस्टेंस भाई जितना जाने में कवर करेगा उतना ही वो आने में कवर करेगा, तो डिस्टेंस आपका सेम है। यहां से मैंने जो स्पीड है आपकी बोट की वो निकाल ली, दैट इज 15 किलोमीटर पर आर, ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में आपके मैंने सारे जो फॉर्मूले हैं वो नोट्स में ऑलरेडी इंक्लूड कर दिए हैं, नोट्स में आपको विद इन 1 वीक जो है अवेलेबल करा दूंगी, चाहे नोटिफिकेशन आए चाहे ना आए, ठीक है, बिकॉज काफ़ी कमेंट आते हैं नोट्स कब आ रहे हैं, तो नोट्स में आपको अवेलेबल करा दूंगी विद इन 1 वीक, ठीक है। चलिए एक जो क्वेश्चन है आपका वो स्फेयर का है, और ये जो क्वेश्चन है ना वो आपको इनमें ना फॉर्मूले जरूर याद कर लेने हैं, और वो सारे फॉर्मूले मैंने नोट्स में इंक्लूड करे हैं, जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे फॉर्मूले मैं आपके साथ साथ बता दूंगी आपको, ठीक है। एक कह रहा है एक मेटेलिक स्फेयर है, रेडियस है जिसका 10.5 सेंटीमीटर, इसको मेल्ट किया गया है और इंटू स्मॉल कोन्स ऑफ ईच रेडियस, यानी कि इस स्फेयर से हमने छोटे छोटे कोन बनाए हैं, ठीक है। कोन क्या होता है भाई, आपने वो बर्थडे वाली टोपी देखी होगी ना, वो जो ऐसे शेप में होती है नीचे से,
ठीक है, ऐसे शेप में, तो ये आपका कोन शेप होती है। ठीक है, तो हमने उस स्फेयर से ऐसे कोन बनाए हैं, और जो छोटे छोटे कोन है, हर कोन का जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहाँ पर जो हाइट है वो 3 सेंटीमीटर है किसकी, कोन की। तो आपने ये बताना है कि इस स्फेयर को मेल्ट करके हम ऐसे कितने कोन बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले वॉल्यूम पता होना चाहिए। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर पर आपको पता होना चाहिए है, और आपको वॉल्यूम ऑफ कोन पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं स्फेयर का वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं वॉल्यूम ऑफ कोन, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके कितने कोन यहाँ पर बन रहे हैं। तो स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो 4.3 पाई r³ होता है, और कोन का जो वॉल्यूम होता है वो 1/3 पाई r² h होता है। ये अगर आपको फॉर्मूला याद है तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, फिर ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। चलिए अब देखिए, अगर मैं स्फेयर की बात करूँ तो ये होता है 4/3 पाई r³ और डिवाइड में 1/3 पाई r² h। अब पाई से तो पाई कट जाता है, बट कई कोई 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 क्या सोचते हैं, यहाँ पर नहीं सोचते हैं, आर स्क्वायर से आर क्यूब को भी कट कर देते हैं और ऊपर एक आर लिख देते हैं। हम यहाँ पर ये नहीं करेंगे, क्योंकि देखो दोनों का जो आर है वो डिफर कर रहा है। जो स्फेयर है उसका आर जो है वो 10.5 सेंटीमीटर है, जबकि जो कोन है उसका आर 3.5 है, तो आप इस आर को नहीं कट कर सकते हो। और अगर इनको कैसे हम सॉल्व करते हैं, तो देखो जब 4/3 और यहाँ पर डिवाइड में है 1/3, ये जब नीचे होता है, अगर ऊपर भी फ्रैक्शन है और डिवाइड के नीचे भी फ्रैक्शन है, तो नीचे के फ्रैक्शन पूरी टोटली बदल जाती है मल्टीप्लाई होकर के, ये पूरी चेंज होकर के 3/1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये जब ऊपर जाएगी तो 3/1 यानी कि ये कट जाएगा, तो ऊपर आपका सिर्फ क्या बचा है, 4 बचा है, पाई हम ऑलरेडी कट कर चुके हैं, आर क्यूब बचा है, नीचे कुछ नहीं बचा है, ओनली 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आर स्क्वायर एच बचा है, इतना ही बचा है आपका। अब वैल्यू पुट कर देंगे 4 into, अब ये जो आर है वो किसका है, स्फेयर का है, और स्फेयर का जो आर है वो 10.5 है, लेकिन हमने ये 3 बार लिखना है, 10.5 into 10.5 डिवाइड बाई, अब यहाँ का जो आर है वो 3.5 है, 3.5 into 3.5 into, और एच कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक पॉइंट से ये एक पॉइंट कट जाएगा, हटा देती हूँ इसको, और एक पॉइंट से ये एक पॉइंट कट जाएगा। अब ये मत कहना क्यों कट जाएगा, अगर मैं इसको खोल के नीचे 10 लिखूंगी तो इसको भी तो खोल के ऊपर 10 लिखूंगी ना, तो वो आपस में कट जाएंगे, तो मैं डायरेक्टली इसको कट कर देती हूँ और इसको हटा करके नीचे मैं एक 10 लिख दूंगी, मैंने इसका जो दशमलव है वो खोल दिया। ठीक है, अब कैसे करूंगी, तो 5 2 जो 10, 5 1 जो 5, 5 1 जो 5, 5 का 7 पे गया, 2 1 और 7, और ये आपका 3 से कट रहा है, ये 7 से भी कट रहा है, 3 से ये कट गया और ये 7 से कट रहा है। ठीक है, 5 2 है, 5 2 1 है, ये 2 से कट रहा है, ये हो गया, 2 3 जा 6 into 21, तो कितना हो जाएगा, 126। तो आपके कितने कोन बनेंगे, 26 कोन्स आपके यहाँ पर बनेंगे, किससे, जब हम एक स्फेयर को जिसका रेडियस जो है वो 10.5 सेंटीमीटर, इसको जब हम मेल्ट करेंगे और कोन्स में कन्वर्ट करेंगे, तो वो कोन आपके 126 कोन यहाँ पर बन जाएंगे। सिंपल सी चीज़ है, कुछ नहीं है, बस आपको यहाँ पर फॉर्मूले पता होने चाहिए थे। ठीक है, काफ़ी इजी मैथ आता है, इतना कुछ इसमें घबराने वाली चीज़ नहीं है, बहुत इजी मैथ आता है और आप इस चीज़ को कर सकते हो, बस हम करके देखना नहीं चाहते हैं। तो आप भी कोशिश करिए और इन क्वेश्चंस को बनाइए जो मैं आपके लिए बता रही हूँ, बस इतना ही आपने करना है, 10 नंबर आपको मैथ्स में आराम से मिल जाएंगे, और 10 नंबर बहुत होते हैं। ठीक है ना, 10 नंबर बहुत होते हैं, 1 नंबर की वैल्यू भी बहुत होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवर्ती ब्याज से है, अमाउंट इज 3 राइट, ये 33 नहीं है, 3 राइट 3/8, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, 3 राइट 3/8। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, ये टाइम्स है सम का आफ्टर। अब देखो इसमें हमने एक फॉर्मूला आता है, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर t होता है, यहाँ पर कहीं कहीं आपको n भी लिखा मिलेगा, उसका मतलब टाइम ही होता है। ये कह रहा है कि जो अमाउंट है वो 3 राइट 3/8 टाइम्स हो जाता है 3 साल में CI के अंदर, यानी कि किसका टाइम हो जाता है, जो सम है, और सम क्या होता है, सम आपका प्रिंसिपल होता है, तो अमाउंट कितना हो जाता है, 3 राइट 3/8 को जब मैं खोलती हूँ तो कितना आता है भाई, 3/8 का कितना होता है 24, और 24 + 3, इसको प्लस कर, इसको तो मल्टीप्लाई करते और इसके अंदर वो प्लस कर देते हैं ना, ये तो पता होगा ना, और ये पी है, पी क्यों हुआ, क्योंकि इतना टाइम्स बोला इसने, इतना टाइम्स सम, टाइम्स सम मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, तो पी 1 + r/100, और ये क्वेश्चन शायद PRT में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है PRT में, तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ आया तो PRT में नहीं आएगा। ठीक है, तो PRT में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, ऐसा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, मतलब सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफर है, लेकिन तरीका वही है, सेम आया है।
अब देखो पी से पी तो मैं कट कर दूंगी, और टी मेरा यहाँ पर कितना है भाई, सम 3 ईयर्स है, ठीक है, तो यहाँ पर टी नहीं है, इसको 3 लिखो क्योंकि इन्होंने दिया है 3 है। अब देखो 27/8 को मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, अगर मैं इसको पावर में कर लेती हूँ तो अगर मेरा ये पावर सेम आता है तो फिर वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो क्या आपको ये नहीं पता 3 की क्यूब है ये और ये 2 का क्यूब है, भाई 3 की क्यूब 27 होता है और 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, ठीक है, ये आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है। 100 करेंगे और 3, अब देखो पावर आपकी कट जाएगी, 3 से 3 आपका कट जाएगा, ठीक है, तो ये कट गया तो आपका ये 3/2 आ गया, ये इधर 1 + R/100 आ गया, इसको इधर करो तो एलसीएम लेना पड़ेगा और ये आपका R/100 हो गया, तो ये कितना 1/2 आ गया, R/100, 2 से 50, तो R कितना हो गया 50%, तो यहाँ पे आपका जो रेट है वो कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ इसमें इतना करना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है जो आपका वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और थोड़ा सा आपको शायद फंसा सकता है ये क्वेश्चन, बट इसको हम आराम से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। परसेंटेज का क्वेश्चन है, अ रिडक्शन ऑफ 20%, मैंने जो आपके नोट्स बनाए हैं उसमें आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना वो भी इंक्लूड किए हैं और ये भी उसमें इंक्लूडेड है, तो रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ राइस इनेबल्स टू परचेज 25 kg मोर देन 4 rupees 800 ओरिजिनल प्राइस। ये कहता है कि यहाँ पर कोई है जो अपने शॉप पे गया और 800 रुपये लेकर के गया है, अब जो सामान उसने खरीदना था, जो उसने चावल खरीदना था उसमें 20% की कटौती दुकानदार ने करी है, जिसकी वजह से इस 20% कम की वजह से प्राइस में उसको 12.5 kg एक्स्ट्रा राइस मिल गया, ठीक है, और उसके पैसे कितने हैं टोटल 800 रुपये है, तो आपने ओरिजिनल प्राइस पर केजी बताना, यानी कि ओरिजिनल जब ये कटौती नहीं थी तब कितना था, ओरिजिनल प्राइस कितना था, तो इस चीज को ध्यान से देखो। देखो जब हमने 20% का डिडक्शन किया है टोटल में, लेट्स से कि टोटल कितना है, टोटल कितना है भाई, हम सीपी को हमेशा 100% मानते हैं, टोटल को हमेशा 100% मानते हैं, और जब मैंने यहाँ पर 20% का डिडक्शन किया तो मेरे को कितना ज़्यादा मिल रहा है, मुझे यहाँ पर 12.5 kg मिल रहा है, किसकी वजह से, इस 20% की वजह से, ठीक है, अगर ये 20% नहीं होता तो मेरे को ये नहीं मिलता, मुझे ये नहीं मिलता। अब ये जो 20% है वो कितने के बराबर है ये आपको यहाँ पर पता चल जाएगा, कैसे पता चल जाएगा, देखो 20% अगर मैं इस 800 का निकालूं तो कितना निकलेगा भाई, 20/100 × 800 160 रुपया, यानी कि ये जो मेरा 12.5 kg आया वो कितने रुपए में आया है, वो 160 रुपए में आया है, कि मेरे को ये 160 रुपए बचे थे इस 800 में, तो दुकानदार ने मुझे कहा कि भाई आपको 160 रुपए बच रहे हैं आप अपने वापस ले लो, तो मैं वापस ना लेकर के मैं क्या करूंगी, मैं उसको ये बोलूंगी जितने मेरे रुपए बच रहे हैं उतना आप मुझे एक्स्ट्रा दे दो, तो इस 160 में मुझे कितना राइस मिल रहा है, मुझे 12.5 किलो मुझे राइस यहाँ पर मिल रहा है, और ये मुझे कैसे पता चला भाई, टोटल मेरा 800 है, 20% का हिस्सा है ये साढ़े बारह, तो 20% इसका निकाल लूंगी तो 160 रुपया आ गया यहाँ से, और 12.5 kg। अब मैं यहाँ से 1 kg का प्राइस निकाल सकती हूँ भाई, 160 रुपये है ना, तो देखो 12.5 kg मिल रहा है 160 रुपये में, तो 1 kg कितने में मिलेगा, 160 और 12.5, इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर ये 10 चला जाएगा, 5 × 10 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 5 = 25, 5 × 3 = 15 और 2, ठीक है, तो ये हो गया 64 और 5, इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाता है 5 12.8, यानी कि जो पर केजी जो अमाउंट आ गया है, 1 किलो राइस का जो अमाउंट है वो 12.8 रुपीज है, ठीक है, ये किस में आया, केजी में नहीं रुपीज में आया है, बट हमें यहीं पे नहीं रुकना है, ये प्राइस किसका आया है, ये प्राइस तब आया है जब मेरा डिडक्शन था, ये प्राइस कब आया है, ये प्राइस उसका आया है जब मैंने डिडक्शन कर दिया, अब एक्चुअल प्राइस आपको निकालना है, ओरिजिनल प्राइस, ये तो प्राइस तब आया है जब मेरा 20% का मेरे को छूट मिली है राइस में, ठीक है, तो ये आपको यहां तक नहीं रुकना, आपको ऑप्शन में शायद ये भी दे करके फंसा दे, लेकिन यहां तक नहीं रुकना है, ये सिर्फ तभी आया जब आपका 20% डिडक्शन हो, तब आया है ये। अब आपको निकालना है ओरिजिनल वाले का, अगर 20% डिडक्शन है तो ओरिजिनल आपका कितना हो गया, ओरिजिनल आपका 80% हो गया ना भाई, ओरिजिनल तो आपका 80% हो गया, क्योंकि सीपी आपका टोटल 100% था, जिसमें से मुझे 20% की छूट मिल गई, तो मेरा ओरिजिनल कितना था, 80% था, तो मैं यहाँ पर 80% को 12.8 के इक्वल मान के चल सकती हूँ, बिल्कुल मान के चल सकती हूँ, तो यहाँ पर मेरा 1% निकल जाएगा 0.8, और यहां से मैं 100% निकाल लूंगी, ओरिजिनल निकल जाएगा मेरा, ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल मेरा 80 100% ही है,
तो 80 इंटू में 100, और ये 12.8 को खोलेंगे तो एक 10 यहाँ से आ जाएगा, 0 0 कट गया है, 4 टू जा 8 और ये 32 आ गया, 16 कितना आ जाएगा, 16 रुपीज़। यानी कि मेरा 1 kg राइस का जो ओरिजिनल है, 1 kg राइस का जो अमाउंट है वो कितना आ जाएगा, 16 rupees पर kg आ जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? एक बार थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, हो सकता है किसी को ना आए समझ में। 20% का डिडक्शन है, टोटल पैसा मेरा 800 था, इस 20% डिडक्शन की वजह से मैं 12.5 किलो राइस और खरीद पाई हूँ। तो यहाँ से इस 20% का मैं ये निकालूंगी तो मेरे पास 160 आता है, यानी कि इस 160 में मैं कितना खरीद सकती हूँ, 12.5 किलो मैं चावल जो है वो खरीद सकती हूँ। तो यहाँ से मैं 1 kg का निकाल सकती हूँ, पर ये वो है जब मैंने डिडक्शन किया है, जब मैंने कटौती करी है प्राइस में, ये वो है। तो यहाँ से मेरा 1 kg निकल के आता है 12.8, बट मुझे तो ओरिजिनल चाहिए ना, मुझे तो ओरिजिनल चाहिए, तो ओरिजिनल ये छूट करने के बाद मेरे पास 80%, यानी कि ये जो अमाउंट है वो 80% का है। तो 80% को इसके इक्वल रखूंगी 1%, और यहाँ से 100% निकालेंगे तो 16 आ जाएगा, और 16 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ रहा है। कमेंट करना मुझे अगर नहीं समझ में आया, तो मैं थोड़ा सा और आपको हो सकता है समझाने की कोशिश करूँ, अदरवाइज ये चीज़ें आसान है, हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, हाँ देखो डिवाइस, अब देखो कितना इजी क्वेश्चन है ये, है ना। अब लेकिन बहुत सारे इसमें भी फंस जाते हैं, क्योंकि हम भूल जाते हैं डिवाइजर क्या होता है और डिवाइडेंड क्या होता है। ये कह रहा है कि जो डिवाइजर है वो 12 टाइम है क्वेश्चन की। सबसे पहले तो समझो डिवाइजर क्या होता है, आप भाग ऐसे करते हैं, हम लोग डिवाइड ऐसे करते हैं। ठीक है, लेट्स से ये 3 ये 6 है और मुझे इसको डिवाइड करना है 2 से, तो मैं इसको क्या करती हूँ, मैं ऐसे करती हूँ, तो यहाँ पर ये आता है मेरा रिमाइंडर। ये जो यहाँ पर शेष बचता है ना, इसको रिमाइंडर बोलते हैं, इसको शेष बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं क्वेश्चेंट, क्वेश्चेंट बोलते हैं। ये जो है 6, ये आपका डिवाइडेंड होता है, और ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है डिवाइजर। ठीक है, तो इतना समझे। अब कह रहे हैं डिवाइजर यानी कि जो DIVISOR है वो 12 टाइम है किसका, क्वेश्चेंट का, 12 टाइम है क्वेश्चेंट का और 5 टाइम है रिमाइंडर का। तो डिवाइजर जो है वो 5 टाइम है रिमाइंडर का। ठीक है, लेकिन रिमाइंडर मुझे 36 दिया है, तो यहां से मैं 36 को मल्टीप्लाई करके डिवाइजर निकाल सकती हूँ। 5 6 जा 30 0 3 5 15 3 18 180, मेरा डिवाइजर कितना आ गया, 180 आ गया। और डिवाइडेंड निकालने के लिए, क्योंकि मुझसे डिवाइडेंड ही पूछा है, मैं क्या करती हूँ, इसको जो डिवाइजर है उसको क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस में रिमाइंडर करते हैं। विजिबल है सबको, डिवाइजर से मल्टीप्लाई करते हैं क्वेश्चन को और प्लस में रिमाइंडर करते हैं। मेरे को डिवाइजर मिल गया जो कि 180 है। अब मैं निकालूंगी क्वेश्चन, डिवाइजर मेरा 180 है, ये है 12 और ये है क्यू। इस इक्वेशन में मैं डिवाइजर की वैल्यू पुट कर दूंगी, निकालो इसको, 6 × 12 6 × 18 0 15, तो क्यू कितना आ गया मेरा, 15 आ गया। ठीक है, तो इसको 15 से मल्टीप्लाई, और रिमाइंडर तो 36 है ही मेरे पास, तो इसको मैं निकाल लूंगी भाई। 18 को करना 50 से, 5 8 40 0, 5 1 5 और 4 9 1 8 1 0 270, और 1 0 ये ऑलरेडी है, प्लस 36, तो आ जाएगा आपका 2736 यहाँ पर आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए जो कि आई थिंक सबका होगा, आप पीजीटी लेवल के हो, ठीक है, चाहे पीआरटी हो चाहे टीजीटी हो, इतना कॉन्सेप्ट सबका होगा। अगर नहीं है तो मैंने अब आपको बता दिया, इसे डिवाइजर बोलते हैं। ये अब जो बीच में होता है जिसको हम भाग देते हैं वो आपका डिवाइडेंड होता है, भाग देने वाला डिवाइजर बोला जाता है। क्वेश्चेंट आपका 3 है, यानी कि जिस जिस पे जाता है, ठीक है, 2 किस पे जाएगा, 3 पे, तब जा करके 6 आएगा, और रिमाइंडर आपका शेष होता है जो बचता है नीचे। ठीक है, तो ये आपका लॉजिक था जो यहाँ पर लग गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आपके 5 क्वेश्चन यहाँ से हो गए हैं, अब जो है फटाफट से हम अपने नेक्स्ट 5 क्वेश्चन को कर लें। इस सीरीज में क्वेश्चन नंबर 7 आपका रहने वाला है एलसीएम और एचसीएफ से, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए एलसीएम एचसीएफ का, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो ए नंबर विच वेन डिवाइडेड बाई 5, 9 एंड 13 लीव्स रिमाइंडर 2, 6, 10 रेस्पेक्टिवली। किसी नंबर को है जब उसको हम भाग देते हैं 5 से 9 से और 13 से, तो वो शेषफल छोड़ते हैं, शेष छोड़ते हैं, रिमाइंडर छोड़ते हैं 2, 6 और 10 रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिव का मतलब होता है 5 से करेंगे डिवाइड तो 2 रिमाइंडर छोड़ता है, 9 से करेंगे तो 6 छोड़ता है, और 13 से करेंगे तो 10 रिमाइंडर छोड़ता है। तो आपको ऐसा लीस्ट नंबर बताना है।
अब जिसका मैथ्स की जो प्रोसेसिंग पावर है, जो माइंड में काफ़ी अच्छी कैलकुलेशन कर सकता है, कर सकती है, वो यहाँ पर डायरेक्टली भी करके देख सकते हैं, ठीक है, 5 या 9 से 30 से फटाफट से करके देख लेंगे कौन सा छोड़ रहा है कितना रिमाइंडर, ठीक है, और इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, जो कि ठीक है, अपने आप में गलत नहीं है। बट अगर आप टाइम कंज्यूम करना चाहते हैं, जो कि एक तरीके से रिक्वायरमेंट है स्टेट के एग्जाम के लिए, तो फिर आप किस तरीके से करेंगे वो यहाँ पर चीज़ समझेंगे। ये जो क्वेश्चन होते हैं, ये एप्लीकेशन होते हैं HCF और LCM के, यहाँ पर आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक आपका फॉर्मूला लगता है LCM प्लस एक्स का, और एक आपका फॉर्मूला लगता है LCM माइनस एक्स का। मैं दोनों ही बता देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर जो फॉर्मूला लगेगा वो LCM माइनस एक्स का लगेगा। प्लस का कब लगता है? प्लस का तब लगता है जब आपसे ये कहे कि भाई कोई नंबर है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं इस और इस नंबर से, और वो एक ही रिमाइंडर छोड़ता है, सिर्फ एक रिमाइंडर छोड़ता है, चाहे 5 से करूँ, चाहे 9 से करूँ, चाहे 13 से करूँ, तो ऐसा नंबर मुझे बताओ। तो यहाँ पर तब आपका जो कॉन्सेप्ट लग जाएगा वो आपका एक्स लग जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि आपका कोई नंबर है, लेट्स से 10 से 15 से और 13 से डिवाइड करने पर ये एक ही रिमाइंडर छोड़ता है, और वो रिमाइंडर आपका 5 है, तो ऐसा लीस्ट नंबर मुझे बताइए, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो आपके पास, यानी कि वो एक ही रिमाइंडर छोड़ता है, चाहे 10 से करूं, चाहे 15 से, चाहे 30 से। तो इस केस के अंदर जो आपका लग जाता है फॉर्मूला, वो LCM प्लस एक्स लग जाता है। इसका मैं LCM निकालूंगी। LCM निकालने के लिए सबको पता है भाई 10, 15, 30 का LCM तो 30 ही आता है, और 30 मेरा LCM हो गया, और एक्स मेरा क्या होता है, वो रिमाइंडर होता है, तो 5, और सीधा सीधा मेरा ये आंसर आ जाएगा। लेकिन जब आपके रिमाइंडर अलग अलग हो ना, तो आपका जो फॉर्मूला लगता है वो LCM माइनस एक्स लगता है। इसको भी ध्यान में रखना, हो सकता है आपसे यही पूछ ले, ठीक है। तो LCM माइनस एक्स, अब यहाँ पर जो एक्स था वो आपका रिमाइंडर था, तो यहाँ पर जो एक्स है वो क्या होगा, तो उस चीज़ को भी समझते हैं यहाँ पर कि आपका जो एक्स है वो क्या होगा। देखो, अब इसको तो मैं हटा देती हूँ, मैंने आपको बता दिया कहाँ पे प्लस लगेगा, कहाँ पे माइनस लगेगा, और इसे भी हटा देती हूँ। सबसे पहले इसका लो LCM, 5 है, 9 है, एंड कितना है, 13 है। अब भैया इसका कोई भी टुकड़े इसके टूट नहीं सकते। अगर मैं बैग मेथड भी इस्तेमाल करती हूँ, जो कि मैंने आपके साथ आई थिंक PRT का जब कराया था उसमें आपको बताया था बैग मेथड क्या होता है, तो अगर मैं बैग मेथड से भी सोल्व करती हूँ तो भी इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ना इसके कुछ टुकड़े हो सकते, ये तो है ही अपने आप में, अपना अलग से इसका कोई टुकड़ा नहीं है, इसका भी नहीं है, और 9 का तो 3 3 करके आप करेंगे ही क्या उसका, तो हम इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके ही LCM निकालेंगे। तो 45 × 13, इसका मल्टीप्लाई करके 45, और इसको जब मैं करती हूँ 13 से, 3 5 12 3 4 13 5 4 585, कितना आ गया मेरा LCM, 585। अब कहा था मैंने कि LCM माइनस एक्स का फॉर्मूला लगेगा, 585 तो मेरा LCM आ गया, लेकिन x क्या आएगा, तो x यहाँ पर हमेशा ध्यान में रखना, 5 में से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आता है, 9 में से 6 घटाएंगे तो कितना आता है, और 13 में से 10 घटाएंगे तो कितना आता है। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, सब में जो सब्ट्रैक्शन जब हम करते हैं तो कितना निकलता है, 3 निकलता है, तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 5, 8 और 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा समझाने में टाइम लग गया, बट अगर आप सीधे तौर पे फटाफट से इसका LCM लेकर के और फटाफट से इसका माइनस करके यहाँ पे हटा देंगे ना, तो विद इन सेकेंड्स आपका ये आंसर आ जाएगा। आपको ये करने की भी जरूरत नहीं है, इसको करूंगी 5 से, फिर 9 को करूंगी, फिर 13 को करके देखूंगी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आएगा। अब यहाँ तक आते आते मेरे 3-4 मिनट खराब हो जाएंगे, ठीक है, तो इससे बचना है। और ये एक्स हमेशा कैसे निकलता है, ये जो फर्स्ट नंबर है इसको इसमें से माइनस करेंगे, इसको इसमें से माइनस करेंगे, जो थर्ड नंबर पे है उसको थर्ड नंबर से ही माइनस करेंगे, लेकिन इसका जो डिफरेंस है वो हमेशा सबका सेम ही आना चाहिए है। 5 में से 2 गया तो 3 आता है, 9 में से 6 गया तो 3 आता है, 13 में से 10 गया तो 3 ही आता है, ठीक है। तो ये आपका दो कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, LCM के प्लस एक्स कब होगा और LCM माइनस एक्स कब होगा, इस चीज़ को आपने ज़रूर ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि आपका टैंक का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको काफ़ी बहुत हो सकता है किसी को बोरिंग लगे, मुझे पर्सनली ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। एक टैंक इज फिल्ड, एक टैंक है जिसको हम लोग, ऐसे क्वेश्चन आपको ना कई बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। कई बार ये कहेगा बताओ पी अकेला कितने दिन में भर सकता है, ठीक है। कोई कार्य हम कर रहे हैं तो ए बी सी है, तीनों मिलके कितने दिन में ख़त्म करेंगे। कोई टैंक है उसके अंदर छेद भी है, हम भर भी रहे हैं तो पानी निकल रहा है, और हम भर भी रहे हैं तो कितने दिन में हम पानी को भर सकते हैं। तो इसका एक ही कॉन्सेप्ट आपको बस ध्यान में रखना, और आपके सारे क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, जिसको हम अब डिस्कस करेंगे। कह रहा है टैंक जो है 5 घंटे में फिल हो रहा है, 3 पाइप जब मिल करके उसको फिल कर रही है, पी क्यू और आर, यहाँ पर छेद का कोई सवाल नहीं है। तो 5 घंटा ले रहा है जब तीनों मिलकर काम कर रही है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि कितने घंटे सेपरेटली ले रहे हैं, लेकिन इन्होंने हमें हिंट दिया है और इस हिंट के बेस पर हम काम करेंगे। कह रहा है कि जो पाइप आर है वो 2x फास्ट है किससे, क्यू से, 2x एफिशिएंट है, यानी कि 2 का क्यू। आर जो है वो 2x फास्ट है किससे, क्यू पाइप से, और क्यू जो है वो 2x फास्ट है पी से,
बस यही चाहिए था हमें और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, हमें 5 आवर्स हमें दिया ही गया है, इतना ही हमें यहाँ पर दिया है और इसी डाटा के बेस पर हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो हमें इसको सबसे पहले ना किस में लाना है, उसमें परसेंटेज में नहीं ला करके, बल्कि आपको उसमें लाना फ्रैक्शन में, ठीक है। चलो R को और Q से, 2Q, R इज इक्वल टू 2Q है, तो अगर मैं R by Q करूं तो यहां पर मेरा 2/1 आ जाता है। अगर मैं ऐसे ही इसको फ्रैक्शन में लाऊं तो Q by P जब मैं करती हूं तो ये 2/1 आता है। अब एक चीज देखो, यहां पर मेरा क्यू 1 है और यहां पर मेरा क्यू 2 है, तो मतलब अगर मैं क्यू को सेम मुझे लाना पड़ेगा, क्यू का मुझे सेम ही पॉइंट बनाना पड़ेगा, तो इसको सेम बनाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, लेकिन यहाँ पर भी करूंगी, यहाँ पे भी करूंगी, तो कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा ना। यहाँ पे मैं रहने देती हूँ क्योंकि मुझे क्यू को 2 बनाना है। तो आर मेरा बन गया 4, क्यू मेरा बन गया 2 और पी मेरा कितना है 1 है। इतना समझ में आया यहाँ पे, ठीक है। मैंने क्या किया है भाई, यहाँ पर मेरा क्यू 1 था, यहाँ पर 2 था, बट क्यू तो मेरा सेम ही होना चाहिए, तो मैंने क्या किया, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि अगर नीचे मल्टीप्लाई करूंगी तो ऊपर को भी करना पड़ेगा वरना फिर वो हिल जाएगा। तो ये 4 हो गया, यानी कि मेरा आर जो है वो 4 यूनिट आ गया, क्यू मेरा 2 आ गया और पी मेरा यहाँ आ गया। तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, पी रेशो क्यू रेशो आर, तो इसको रेशो में मैंने कन्वर्ट कर लिया, पी मेरा 1 रेशो है, क्यू मेरा 2 रेशो है और आर मेरा 4 रेशो निकल आया। इतना यहाँ से समझे आप। अब रेशियो में आने के बाद कह रहा है कि जो तीनों पाइप है ना वो 5 घंटे में काम करती है, 5 घंटे लेती है सारी उस टैंक को फिल करने के लिए, तो मैं क्या करूंगी, देखो अब ये पी काम करता है 1 यूनिट, क्यू करता है 2 यूनिट और आर करता है 4, तो 4 और 6 = 7, यानी कि टोटल कितना हो गया, 7 यूनिट हो गया। ये 7 यूनिट 5 घंटे के लिए मिलकर काम करती है, तो टोटल वर्क यहाँ से निकल जाएगा मेरा 35, मेरा टोटल वर्क आ गया, यानी कि काम हो गया मेरा टोटल 35, ठीक है, क्योंकि 7 यूनिट आ गई, 7 यूनिट 5 घंटे में कितना काम करेगी, 35 काम करेगी, तो जो इन पाइपों के द्वारा जो किया गया काम है वो टोटल 35 आ गया। अब मुझसे ये पूछा गया है कि आप मुझे ये बताइए कि जो पाइप पी है वो खुद से अकेली अगर इस टैंक को फुल करे तो कितना टाइम लेगी। अब पाइप जो पी की कैपेसिटी है वो कितना यूनिट है, 1 यूनिट काम करती है, टोटल काम है 35 वर्क, तो 35 को मैं इसकी कैपेसिटी से कर दूंगी डिवाइड और तो क्या आ जाएगा, 35 आर आ जाएगी, ठीक है, यानी कि वो कितने टाइम में काम करेगा, वो 35 घंटे में, जो पाइप पी है वो 35 घंटे में इस टैंक को कम्प्लीटली अकेली होकर के फिल करेगी। अगर मेरे से पूछा जाए क्यू, तो फिर टोटल काम मेरा 35 है, क्यू की कितना टाइम है, क्यू कितना काम करती है, क्यू 2 काम करती है, तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगी, तो जो आंसर आएगा वो क्यू का आ जाएगा, और आर का काम करूंगी 35 को डिवाइड बाई 4 कर दूंगी, बट मेरे से पी पूछा गया है तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया है। आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर पहले इसका रेशियो बना लेना है, ठीक है, मेरा आपको दिख रहा है यहाँ से भाई R इज इक्वल टू 2Q है, तो मैं Q को इधर ले आऊंगी तो मेरा 2/1 हो जाएगा, यहाँ पर मैं P को इसके नीचे लाऊंगी Q के नीचे तो मेरा 2/1। अब मैं देख रही हूँ कि मेरा Q तो यहाँ पर सिर्फ 1 ही है अगर मैं इसको मल्टीप्लाई ना करूँ, और ये मेरा 2 है जबकि होना सेम चाहिए है, तो मैं इस रेशियो को सेम बनाने के लिए इसको भी 2 से करूँगी, इसको भी 2 से करूँगी, ठीक है। और लेट्स से अगर मान लो यहाँ पर ये मैं सिर्फ बता रही हूँ आपको, मान लो अगर यहाँ पर 3 होता और यहाँ पर आपका कितना होता 5 होता, फिर क्या करते हम, फिर किससे मल्टीप्लाई करते, फिर हम क्या करते ये और ये दोनों बराबर करने की कोशिश करेंगे, तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको भी 5 से और इसको भी 5 को और इसको मैं 3 से और इसको भी 3 से कर दूँ तो मतलब बराबर हो जाएगा 5 3 15 5 3 15, तो इस केस में क्यू आपका 15 हो जाता, आर आपका 10 हो जाता और पी आपका 3 हो जाता। अभी समझे मैंने क्या चीज करी है, मैंने यहाँ पर रेशो ले आई, मैं रेशो बना लो, रेशो बनाने से आपको सारी चीजें सॉल्व हो जाती है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 35 आ जाएगा, पी अकेला 35 घंटे में ये पाइप जो है, ये जो टैंक है उसको फिल करने का काम करेगा, ठीक है। 8th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन आपका थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बट अगर आपका प्रोसेसिंग पावर अच्छी है तो आप इसको इजिली बना भी सकते हैं। वाई दिया गया है √3 - 1 है और ये √3 + 1 है, हमें निकालना x² + y², आपको यहाँ पर जो एलजेब्रिक फॉर्मूले होते हैं ना वो यहाँ पर याद करने हैं। मुझे पता है x + y का स्क्वायर कितना होता है, x² + y² + 2xy होता है, ठीक है, इस 2xy को इधर ले आओ, x + y² - 2xy = x² + y², यही मुझे फाइंड आउट करना है। तो यानी कि यहाँ पर मैं x की वैल्यू इधर पुट कर दूंगी इस इक्वेशन में, ठीक है, तो x + y और स्क्वायर है, x कितना है √3 + 1, √3 - 1 प्लस में √3 - 1 और √3 + 1, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर को नहीं भूलना है वरना यहाँ से क्वेश्चन गलत हो जाता है, और 2 और अब मैं करूँगी इनका मल्टीप्लाई,
अंडर रूट थ्री प्लस वन, अंडर रूट थ्री माइनस वन, मल्टीप्लाई है अंडर रूट थ्री माइनस वन, अंडर रूट थ्री प्लस वन। एक चीज़ यहाँ पर देख रहे हो, जो टर्म यहाँ पर है वही टर्म यहाँ पर है, जो टर्म यहाँ पर है वही टर्म यहाँ पर है, मल्टीप्लाई से कट जाएगा, सोल्व करेंगे तो भी कट जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज ये क्या है भाई, ए प्लस बी है, ये माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हो जाएगा और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो इस चीज़ में मैं नहीं जाती हूँ, माइनस टू, बस हमें इसे सॉल्व करना है। एलसीएम लेंगे सबसे पहले, एलसीएम में अंडर रूट थ्री माइनस वन और अंडर रूट थ्री प्लस वन दोनों जाएगा, ये है, इससे ये मल्टीप्लाई करें, यानी कि ए प्लस बी और ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट थ्री का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो कि वन का स्क्वायर है, और टू ए बी, टू अंडर रूट थ्री, ठीक है। प्लस का सिंबल बीच में है तो मैं प्लस लगा दूंगी। अब क्या करूंगी, देखो ये यहां से ये पूरा कैंसिल है, ये बचता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा ए माइनस बी का स्क्वायर हो जाता है। ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है। तो ए स्क्वायर मतलब थ्री अंडर रूट थ्री का स्क्वायर प्लस वन माइनस टू अंडर रूट थ्री। इतना समझ में आया, बेसिक से चीजें हैं, कुछ नहीं है, ये तो कट ही जाएगा, और अंडर रूट थ्री का जब स्क्वायर करते हैं तो ये दोनों चीजें कट जाती है, वन का स्क्वायर वन ही होता है। तो ये तीन प्लस एक प्लस ये तीन प्लस एक डिवाइड बाई, और जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए है, ए माइनस बी और ए प्लस बी है, ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसको जब मैं ए स्क्वायर यानी कि अंडर रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर करूंगी तो ये थ्री माइनस वन इज इक्वल टू टू आ जाएगा, तो ये टू आ गया। बट इस स्क्वायर को नहीं भूलेंगे, ये स्क्वायर जो चला रहा है ना, इस स्क्वायर को मत भूल जाना, यहां से फिर आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, और ये आपका माइनस में टू है। तीन प्लस एक चार, तीन प्लस एक चार, चार और चार आठ, आठ बटे दो, और आठ बटे दो का स्क्वायर माइनस टू है, ठीक है। तो ये क्या इतना हो जाएगा, फोर हो जाएगा, फोर का स्क्वायर कितना होता है, फोर का स्क्वायर होता है सिक्सटीन माइनस टू इज इक्वल टू फोर्टीन, आंसर फोर्टीन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। थोड़ी सी प्रोसेसिंग पावर है, थोड़ा सा बस आपको चीज़ें करनी है, हर जगह पर आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, प्लस बी का स्क्वायर कितना होता है। और ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि आप इसको हर एक स्टेप को लिख लिख के देखो, दिमाग से भी चीज़ें हो जाती है, और कुछ स्टेप ऐसे हैं जो मैं दिमागी रूप से भी कर सकती हूँ, इतना मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, विद इन टू और थ्री लाइन ये क्वेश्चन बन जाएगा। बस हमें अपनी प्रोसेसिंग पावर को बढ़ाना है, और जो तभी बन पाएगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो 14 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है। शॉपकीपर सेल्स, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोग सोच रहे होंगे मैं हर क्वेश्चन पे कह रही हूँ बहुत ईजी है, बट ये लिटरली ईजी है, ठीक है, ये बहुत ईजी है, लिटरली बहुत ईजी है। आज शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल, हो सकता है मैं इसलिए बोलती हूँ, मेरा इंटरेस्ट है मैथ में, मुझे मैथ अच्छा लगता है, हो सकता है मैं इसलिए बोल रही हूँ, हो सकता है आप में से काफ़ी का, क्योंकि चीज़ें आप वो भी सही है, बिकॉज किसी का हिंदी बैकग्राउंड है, किसी का संस्कृत है, तो उनके लिए चीज़ें डिफिकल्ट है, आई अंडरस्टैंड, बट आप अगर करेंगे ना तो आपको हो जाएगा। आप बस एक बारी जो मैं चीज़ें करा रही हूँ ना, आप उनको करो, ठीक है। आ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल, एक दुकानदार है जो अपना किसी वस्तु को 15% गेन पर बेचता है, 15% का लाभ कमाता है, यानी कि वो जिस रेट में खरीद रहा है उससे ज़्यादा वो बेच रहा है। अगर उसने इसे 18 रुपये ज़्यादा में बेचा होता तो उसका लाभ 18% हो जाता, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या बताना है, आपको यहाँ पर सीपी बताना है, चलिए निकालते हैं। देखो इसने कहा कि पहले वो 15% गेन पर बेच रहा था, सीपी हमेशा 100% होता है, ठीक है, इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। पहले वो लाभ कर रहा था 15% का, 15% जो था वो लाभ में था, उसके बाद उसने क्या किया, 18 रुपये ज़्यादा में उसने बेचा और उसको लाभ हो गया 18% का। तो यहाँ से आप क्या समझ रहे हो, 15 + 3 यानी कि 3% इसने जंप किया, और कितने रुपए में, 18 रुपए में, तो 3% आपके 18 रुपए के बराबर हो गए ना। जब 3% आपके 18 रुपए के बराबर हो गए तो एक कितना का हो जाएगा, 3, और 100 कितने के हो जाएंगे, 600, तो आपका जो सीपी है वो क्या आ जाएगा, 600 रुपीज। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, समझो इस चीज को। पहले गेन था 15% का, उसके बाद गेन हुआ 18% का, बट किसकी वजह से, 18 रुपए की वजह से। तो जब मैं 15 से कितना जंप करती हूँ 18 पे जाने पर, तो 3% मेरा 18 रुपए के इक्वल है, क्योंकि जब मैं 18 रुपए ज्यादा में बेचूंगी तभी तो मैं 3 जंप करके 18% पे आऊंगी, तो मेरा 3% 18 रुपए हो गया, 1% डिवाइड कर देंगे और आपका सीधा सीधा 600 रुपए आंसर आ जाएगा। ये तो क्वेश्चन लिखने का भी नहीं था, ठीक है, लिखने का भी ये क्वेश्चन नहीं था, बट हाँ मैं मानती हूँ बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनके मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है, तो आप भी इस चीज़ को आराम से समझिए, बहुत ही सही सा क्वेश्चन है। बस 3% का गैप है, दैट इज इक्वल टू 18 रुपीज़, ठीक है, वहाँ से आप 100% निकाल सकते हैं।
टेन क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी टाउन की जो पॉपुलेशन है, किसी शहर की जो जनसंख्या है वो 9000 है, 9000 है। उसके बाद कह रहा है कि जो मेल है भाई, पॉपुलेशन के अंदर मेल होंगे या फिर फीमेल होंगे, है ना, तो मेल का जो परसेंटेज में इंक्रीमेंट बता रहा है, 5% मेल इंक्रीज हो गए और फीमेल हो गई 8% इंक्रीज, और इतना इंक्रीज होने के बाद जो मेरी पॉपुलेशन है वो बढ़ करके 9600 हो गई है। तो आपको मेल कितने हैं वो बताने हैं, कितने मेल होंगे, अब निकालो। कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर आप जो है क्वेश्चन कैसे करोगे, आप यहाँ पर मिक्सचर से क्वेश्चन कर सकते हो इसको, ठीक है। आपका देखो पॉपुलेशन जंप होकर के 600 अगर आप इसमें लगाते हो, भाई 96 में से 9000 करेंगे तो कितना आता है, 600 आता है ना। तो देखो मिक्सचर से कैसे करेंगे, ये है आपका मेल, ये है फीमेल, ठीक है, मिक्सचर से कैसे करेंगे, तो मेल की इंक्रीमेंट हो रही है 5 की, परसेंटेज लगाने की जरूरत नहीं है, 8 यहाँ पर फीमेल की हो रही है, बट टोटल कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, टोटल कैसे निकालूंगी इंक्रीमेंट, टोटल निकालूंगी भाई 600 का इंक्रीमेंट हो रहा है ना, जब 9600 में से मैं 9000 घटाऊंगी तो मतलब मेरा इंक्रीमेंट 600 का हो रहा है, और किसके अंदर हो रहा है, 9000 में से इंक्रीमेंट हो रहा है, तो मैं नीचे 9000 को बेस मानूंगी और 100%, तो यहां में जो ये इंक्रीज हुए ना मेल 5% और 8% फीमेल, इनका ओवरऑल इंक्रीमेंट निकल जाएगा, तो 2 से 2, 1 से 1, 3 3 9, 3 2 6, यानी कि 20/3%। भाई मेल अकेले इंक्रीज हुए 5%, फीमेल अकेले इंक्रीज हुए 8%, और जो टोटल ओवरऑल जो इंक्रीमेंट हुआ है वो कितना हुआ है, 20/3% का हुआ है, परसेंटेज लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम हमेशा इसमें क्या करते हैं, भाई इसमें से हम ये माइनस करके यहाँ लिखते हैं और इसमें से ये माइनस करके यहाँ लिखते हैं। अब मैं क्या करूँगी, अब देखो अगर मैं ये नहीं हटाती हूँ, इस फ्रैक्शन को अगर मैं नहीं हटाती हूँ तो फिर मेरे को करना पड़ेगा एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा, जो कि बहुत ही मेरे लिए लेंदी हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको हटाने की कोशिश करूँगी, अगर मैं इसको हटाऊँगी 3 को तो यहाँ पे भी मैं ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है, और यहाँ पे भी 3 से करूँगी और यहाँ पे भी 3 से करूँगी, इस अकेले को नहीं कर सकती, इनको भी उतना ही बढ़ाना पड़ेगा जितना मैं इसको बढ़ाऊँगी, तब जा करके मेरी चीज़ें बैलेंस होगी। तो ये इस कट गया, 5 3 जा कितना आ जाता है, 15 आ जाता है, ये माइनस होकर के नहीं आया, मैं सिर्फ वैसे लिख रही हूँ, ठीक है, तो 5 3 जा हो गया, यहीं पे लिख देती हूँ, 5 3 जा हो गया 15 और 8 3 जा कितना हो गया 24, और ये मेरा कितना रह गया, ये मेरा 20 रह गया। अब घटा दो, 24 में से 20 गया 4 और 15 में से 15 गया 5, यानी कि जो मेरा मेल है वो कितना है, 4 यूनिट, और फीमेल कितनी है, 5 यूनिट, ठीक है, जो मेरी ओरिजिनल थी, मेल कितना है 4 और फीमेल कितनी है 5, लेकिन वहां पर जो मुझे टोटल दिए गए हैं वो 9000 है, 9000 दिए गए हैं, वो बढ़े हुए वाला मैंने इस चीज यहाँ पर क्लियर कर दिया। अब इसमें 9000 में 4 मेरी मेल है और 5 फीमेल है, तो टोटल कितना हो गया 9 यूनिट, और टोटल मेरे पास जो जनसंख्या है वो 9000 है, 9 यूनिट इसके नीचे लिखेंगे और मुझे निकालना है मेल, और मेल कितने हैं 4, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी 4, फीमेल निकालने होते तो मैं यहाँ पर 5 कर देती, ठीक है, तो काट लो इसको, इससे कितने निकल के आगे 4000 कितने हैं, मेल है, इस 9000 में 4000 तो मेल है, और फीमेल कितनी हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी 5000। फिर से समझाती हूँ, मेल की इंक्रीमेंट है 5%, तो मैं इसको ऐसे लगाऊंगी एलिगेशन से, 5% मैंने यहां पर लिखा, फिर से ही कर देती हूँ उसको, 5% मैंने यहां पर लिखा, 8 मैंने यहां पर लिखा, ओवरऑल निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, दोनों का सब्ट्रैक्शन करूंगी, 600, यानी कि 600 बढ़े हैं, किस पर बढ़े हैं, 9000 पर बढ़े हैं, मल्टीप्लाई में 100, तो मेरे परसेंटेज निकल जाएंगे 20/3%, यहां से निकाल ले, इस 3 को मल्टीप्लाई हटाने के लिए ऊपर भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा ये कट जाएगा, यहां पर भी 3 से करूंगी, यहां पर भी 3 से करूंगी, 15 यहां पर आ जाता है, 24 यहां पर, 20 यहां पर घटाएंगे तो ये 4 और ये 5, यानी कि इस पॉपुलेशन के अंदर 4 मेल है और 5 फीमेल है, दोनों को प्लस करूंगी तो 9 आ जाता है, और इस 9 की वैल्यू किसके इक्वल है भाई, 9000 के इक्वल है, ठीक है भाई, 9 की वैल्यू 9000 के, तो 1 क्या हो जाएगा, 9000 डिवाइड बाय 9, और मेरे से पूछा है मेल जो कि 4 है, तो मैं इसको काट के, और इस आंसर आपका 4000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन हमने यहां सॉल्व किए हैं, आई होप आपको ये समझ में आए हैं। एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल ए सम ऑफ मनी डबल इन 8 इयर्स, ये क्वेश्चन आपका है किस पे, आपका ये सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन है, ठीक है, किसका है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है ये, आपको क्वेश्चन अपने स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा, ये आपका सीआई का जो है क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, यानी कि साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, चक्रवर्ती ब्याज का नहीं है। तो आपको सीआई और एसआई के बीच में ना डिफरेंस पता होना चाहिए है। देखो एसआई और सीआई, इनके बारे में मैं पहले भी आपसे बता चुकी हूँ, एसआई के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो आपका कोई प्रिंसिपल है, जो आपका इनिशियल अमाउंट है, इसके ऊपर जो आपका रेट लगता है, या मान लो अगर आपका 10% का रेट है और टाइम आपको 2 साल दे रखा है,
तो इसी प्रिंसिपल के ऊपर 10% एक साल का, 10% दो साल का, तो कितना हो गया, 20% हो गया, है ना, 10 to 20 हो गया। तो इसी प्रिंसिपल के ऊपर 20% ब्याज लग जाएगा। लेकिन सीआई के अंदर क्या होता है, जो प्रिंसिपल होता है ना, वो आपका हर साल चेंज होता रहता है, बिकॉज हर साल आपका इंटरेस्ट ऐड होता है, और फिर ऐड हुआ उस अमाउंट के अंदर आपका नेक्स्ट ईयर जो है रेट लगता है। यानी कि यहाँ पर तो आपका अमाउंट सेम रहता है और जो रेट है वो आपस में मल्टीप्लाई होकर के इस पे लग जाएगा, बट यहाँ पर आपका जो प्रिंसिपल है वो चेंज होता है, ठीक है, हर साल आपका अमाउंट चेंज होता है। जैसे यहाँ पर मैं 10% की बात कर रही हूँ, और मान लो दो ही साल के लिए मैं यहाँ पर लगा ली, तो पहले 10% मैं इसका निकालूंगी, ठीक है, और वो 10% मान निकल के आया, उसके बाद मैं इस प्रिंसिपल को ऐड करूंगी, तो ऐड करने के बाद जो मेरा अमाउंट आएगा वो मेरा नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा, और इस प्रिंसिपल के ऊपर मैं फिर से 10% का क्या लगाऊंगी, ब्याज लगाऊंगी, ठीक है, इस प्रिंसिपल के ऊपर। तो इस चीज को आपने समझना है, डिफरेंस होता है ये सीआई और एसआई के बीच में। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको दिया गया, ऐसे क्वेश्चन आपसे एसआई में भी सीआई में भी पूछे जाते हैं, और दो बार पूछे जा चुके हैं, पीआरटी में भी पूछा जा चुका है 2022 में, और शायद पीजीटी में, या पता नहीं टीजीटी में किस में पूछा गया, बट पूछा गया है। तो अब बात यहाँ पर एसआई की हो रही है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की हो रही है। हमेशा प्रिंसिपल को 100 माना करो, 100% माना करो, ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ पर प्रिंसिपल को कितना मान रही हूँ, 100% मान लो या फिर 100 मान लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है, कैसे मान लो। अगर मेरा प्रिंसिपल 100 है, तो ये कह रहा है कि रेट पूछा इसने हमसे, रेट परसेंट पूछा कि कितने रेट पर 8 साल में हमारा जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यानी कि प्रिंसिपल के अंदर जो इंटरेस्ट ऐड होगा वो हमारे अमाउंट को डबल कर देता है। अमाउंट कब आता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट में आता है अमाउंट, ठीक है। प्रिंसिपल मेरे पास 100 है और कह रहा है अमाउंट कितना हो रहा है, वो 2 times हो रहा है, यानी कि डबल हो रहा है, तो भाई इसका 2 times कितना होगा, 200 हो जाएगा। यानी कि अमाउंट कितना मेरा, 200 हो गया, और 100 के अंदर अगर मैं इंटरेस्ट 100 ही ऐड करती हूँ तो ही तो मेरा अमाउंट 200 आता है, ठीक है, दो ही तो मेरा अमाउंट 200 आता है। तो यहाँ पर मुझे इंटरेस्ट पता चल गया। अब मुझे एक फॉर्मूला पता है, इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटू रेट इंटू टाइम होता है और डिवाइड बाई 100 होता है। इंटरेस्ट मेरा कितना है, 100 है, जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मेरा कितना है, 100 है, रेट मुझे पता नहीं है, ये मेरा 8 है, और यहाँ पर डिवाइड बाई 100, ठीक है, इसको काट लो, 25/2 इज इक्वल टू रेट परसेंट आ जाएगा, और ये कितना आ गया, 12/1/2%। तो रेट कितना आ जाएगा आपका, 12/1/2%, आपको ऑप्शन में जहां दिखाई दे रहा है वो वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, कई बार बेसिक फॉर्मूला लगा के भी आपके क्वेश्चन हो जाते हैं, आपकी मर्जी आप कैसे इन क्वेश्चन को बनाना चाहते हो, बस आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या लॉजिक लगाना है, क्वेश्चन को आपको किस तरीके से हल करना है, ठीक है। अगर ऐसा ही करते तो फिर आपका फॉर्मूला कौन सा लग जाता, भाई अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर t, ऐसे करके आप अगर सीआई होता तो, ठीक है, सीआई होता तो फिर हम ये फॉर्मूला यूज करते, बट यहाँ पर एसआई की बात हो रही है, और एसआई में हमेशा क्या होता है, रेट जो है जितने भी टाइम के लिए होता उसको मल्टीप्लाई करके तब हम प्रिंसिपल में ऐड करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया, तो इसका 12.5% यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12 right 1/2 इसका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट से, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में ना आए तो आप एक कमेंट जरूर ड्रॉप किया करो, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगी रिप्लाई करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो ये फिर से आपका एसपी और सीपी से आ रहा है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पिछली बार भी पूछे गए थे, जो 2022 का पेपर था ना, सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, और सेम फिर से रिपीट पे हो रहा है, इसलिए मैं कह रही हूँ कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप क्या करिए, क्वेश्चन बनाइए। जब आप क्वेश्चन बनाने लग जाओगे ना, तो आपको सेम ही पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे और आप अकॉर्डिंगली बना सकते हो। ये कह रहा है एक आदमी है जो 320 आम बेचता है, यानी कि 320, ठीक है, कितना, एसपी ऑफ 320 आम किसके इक्वल है, सीपी ऑफ 400, यानी कि सीपी ऑफ 400 मैंगोस, यानी कि 320 आम का जो बेच रहा है वो किसके इक्वल है, कि उसने खरीदे है 400 आम। इसका मतलब क्या हो रहा है, सीधे सीधे तौर पर भाई इसको प्रॉफिट हो रहा है, उसने जितने रुपए में 400 आम खरीदे उतने में ही, मतलब 400 आम, और उसने 320 जो आम है उतने रुपए में बेच दिए, तो उसके तो बच गए ना यहाँ पर 80 आम, अभी वो उनको और बेचेगा तो उसको तो प्रॉफिट हो गया। यहाँ पर हमसे प्रॉफिट परसेंट ही पूछा है, तो आप निकालोगे कैसे यहाँ पर। तो हमेशा कभी भी ऐसे मत करना कि आपको डायरेक्ट लिया जाता है और आप इसको माइनस कर देते हो, ऐसे नहीं करना इन क्वेश्चंस में। इन क्वेश्चन में आप ये क्या करो, एसपी यहाँ से सीपी नीचे ले आओ, यहाँ पर आपका 400 है, यहाँ पर आपका 320 है, अब इनको काट दो, जितना काट सकते हो आप उनको काट दो, सबसे छोटे फ्रैक्शन में ले आओ, ठीक है। ये देखो
फाइव बाई फोर आ गया, यानी कि मेरा एस पी 5 यूनिट है और सी पी मेरा 4 है, तो सीधे तौर पर मुझे प्रॉफिट दिखाई दे रहा है भाई, एस पी तो 5 है और सी पी मेरा 4 है, तो यानी कि एक का प्रॉफिट आ रहा है मुझे, कितने का आ रहा है, एक का प्रॉफिट मुझे आ रहा है, यानी कि, और हमेशा प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट डिवाइड बाई सी पी इंटू 100 होता है, तो प्रॉफिट मेरा 1 यूनिट है, सी पी मेरा 4 है और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 25% कितना आ जाएगा मेरा प्रॉफिट, 25% की 25% का लाभ मुझे होगा जब मैं इतने मैंगो को बेचती हूँ। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन समझ में आया, सिर्फ लॉजिक आपने ढूंढना है, कुछ नहीं, और सेम पैटर्न से हमने पिछले उसमें भी क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, इसलिए कंटेंट में मत इतना जाना, हमेशा प्रैक्टिस करना मैथ्स की और रीजनिंग की, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही आप 10-10 नंबर आराम से ले सकते हो और पूरे पूरे नंबर आपके आ सकते हैं। ठीक है, और 20 नंबर पूरे पूरे आना बहुत बड़ी बात होती है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, टाइम एंड वर्क से है ये क्वेश्चन। एक आदमी एक काम है जो उसको वो 24 दिन में कर सकता है, एक आदमी एक काम को 24 दिन में कर सकता है, अब बी कितने दिन में कर सकता है ये नहीं बताया हमें, हमें ये बताना है, हमें ये निकालना है कि बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है। हमें इसने हिंट दे दिया, क्या दे दिया, कि जो बी की जो एफिशिएंसी है वो 60% मोर है, किससे, ए से, 60% मोर है ए से। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि अगर ए एक काम को 24 दिन में कर रहा है तो बी तो ज़्यादा काम कर रहा है, मतलब काम की जो उसकी एफिशिएंसी, उसकी जो पावर है काम करने की वो ज़्यादा है, तो अगर ए एक दिन में एक काम को 24 दिन में कर रहा है तो बी तो कम दिन में उसको निपटा देगा, क्यों निपटा देगा, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, वो ज़्यादा तेज़ी से काम कर पा रहा है, तो वो 24 से तो कम दिन में ही निपटा देगा, तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि कितने दिन में निपटाएगा उस काम को। काम सेम है, जो काम ए कर रहा है वही काम बी कर रहा है, ठीक है, काम सेम है। अब इसको आप कैसे निकालोगे, देखो मान लो ए की, ए जो है उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 100% है, मान लो ए की 100 है, तो बी की कितनी आ जाएगी, 160 हो जाएगी, भी उसने 60% बोला है ना, किससे, ए से ज़्यादा, तो 100 में 60 ऐड कर दूंगी, 160 आ जाएगी, तो हम यहाँ पर रेशियो में निकाल देते हैं इनको, बी 160 हो गया, ए हो गया 100, ठीक है, ऐसे रेशियो में काम करने की कोशिश करो, इससे ज़्यादा से आसानी से बन जाते हैं, 2:5 जा और 2:8 जा, तो बी रेशो 1 कितना आ गया, 8:5 आ गया, ठीक है, कितना आ गया, 8:5 आ गया। अब कह रहा है ए जो है वो इस काम को कितने दिन में करता है, 24 दिन में, तो हम यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेंगे, भाई काम कितना हो रहा है, टोटल वर्क यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। अब टोटल वर्क यहाँ से कैसे निकलेगा वो आपको फाइंड आउट करना है, भाई बी कर रहा है 8 यूनिट और ए कर रहा है कितना, 5 यूनिट यहाँ पर काम कर रहा है, और दिन कितने ले रहा है, ए 24 ले रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आप कैसे निकालोगे इस चीज़ को, भाई टोटल वर्क आप यहाँ पे कैसे निकाल सकते हो, देखो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, इसने कहा है कि ए जो है 24 दिन में काम करता है और करता कितना है, 5 यूनिट काम करता है, तो मैं टोटल वर्क यहाँ से कैसे निकाल लूंगी, भाई 5 यूनिट काम करता है एक दिन में, तो 24 दिन में कितना करेगा, टोटल वर्क निकल जाएगा, तो यहाँ से आपका टोटल वर्क कितना निकल जाएगा, 120, यानी कि वो काम कितना, टोटल जो वर्क है वो 120 निकल आया यहाँ से, तो इस 120 वर्क को बी कितने दिन में करेगा ये हम कैसे पता करेंगे, तो बी जो है 120 डिवाइड बाई 8, बिकॉज बी कितना काम कर रहा है, बी तो 8 यूनिट काम कर रहा है ना, तो आप इससे कर दो यहाँ पे 50, यानी कि कितने दिन में काम करेगा, 15 डेज में बी इस काम को निपटा देगा। ए 24 दिन में कर रहा था, बी कम दिन में कर रहा है, क्यों, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आपने ऐसे बनाना है, फिर से एक बार रिवाइज कर देती हूँ आपको, ए 24 दिन में काम करता है, बी की एफिशिएंसी 60% है, तो मैंने क्या किया, मान लो अगर ए, अगर आप इसको ऐसे भी ना करना चाहो तो इसका एक तरीका और है, 60% का पहले इसको फ्रैक्शन में बदलो, कितना आ गया, 3/5 आ गया, लेकिन 60% ज़्यादा है, तो ये जो आपका है ए वो तो है 5, तो लेकिन बी जो है 60% ज़्यादा है, तो इसके अंदर ये ऐड करूँगी तो मेरे पास 8/5 आ जाएगा, क्या, बी जो है, ठीक है, यानी कि बी मेरा 8 आ जाएगा यहाँ से, और ये ए क्या है मेरा, ए मेरा 5 है, समझे मैंने क्या किया, भाई यहाँ पर तो मैंने सीधे तौर पर ही प्लस कर दिया था 100 में 60 को, यहाँ पर मैंने सिर्फ 60 को पहले खोला, उसके बाद जो आया मेरा वो नीचे का ये ए था और ये बी था, बट बी तो ज़्यादा है, ज़्यादा है किससे, ए से, तो ए ये जो 5 है इसमें 3 प्लस ऐड करूँगी तो बी मेरा 8 आ जाएगा, वही चीज़ है जो यहाँ पर लिखी है, बी मेरा 8 आ गया, ए मेरा 5 है। टोटल वर्क निकाल लो, टोटल वर्क नहीं भाई, अगर टोटल वर्क भी नहीं निकालते हो तो भी आप सिंपली इसको कैसे बना सकते हो, तो भी आप इसको ऐसे बना सकते हो, भाई 24 दिन में काम करता है, 5 यूनिट करता है, तो 8 दिन कितने दिन में करेगा, तो इसको 15, यहाँ से भी आपका सिंपली आंसर आ सकता है, बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है, आपकी जो मर्जी आप उस तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते हो, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, बस आपने ध्यान रखना है कि आप किन लॉजिक्स का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है,
अब ये क्वेश्चन भी बहुत जरूरी है, जो लेंथ एंड ब्रेड्थ है एक स्क्वायर की, उसे इंक्रीज किया गया है 30% और 20%। अगर मैंने इसको बराबर इंक्रीज किया होता, सिर्फ 30-30 दोनों किया होता, तो ये फिर से स्क्वायर बन जाता। लेकिन अब ध्यान दो, एल मेरा 30% इंक्रीज हो गया और बी मेरा 20%, मतलब ये क्या बन गया है, ये अब रेक्टेंगल बन गया है, ठीक है। और पहले क्या था ये, पहले था ये स्क्वायर, और इनके एरिया के बीच में डिफरेंस पूछा है कि जब अब ये रेक्टेंगल बन गया है तो इसका एरिया कितना ज़्यादा एक्सीड करेगा, कितना ज़्यादा हो गया है स्क्वायर के एरिया से, एरिया क्षेत्रफल कहलाता है। तो लेंथ और ब्रेड्थ, तो भाई इसका स्क्वायर का एरिया कितना होता है, ए इंटू ए, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और ये दोनों बराबर है तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। ये तो यहाँ पर जो आपका ए उसको लेंथ है उसको 30% इंक्रीज किया गया है, 30 का डिवाइड बाई 100 कर लो, 3/10 इंक्रीज किया गया है, तो 10 में मैं 3 ऐड करूंगी ना, ठीक है, तो 13/10 तो आपकी लेंथ हो जाएगी। और ब्रिथ को भी आप ऐसे निकाल लो, 20/100 है, 1/5 हो गया, लेकिन इसको इंक्रीज किया गया है किसमें, तो 5+1 6 कर लोगे, तो 6/5 मेरा क्या हो गया, ये मेरा ब्रेड्थ हो गया, ये मेरा लेंथ है और ये मेरा क्या है, ब्रेड्थ है, ठीक है। इतना समझ में आया, तो इसको मैं डायरेक्टली कहाँ पुट कर लूंगी, डायरेक्टली मैं इसको रेक्टेंगल के एरिया के अंदर पुट कर लूंगी। इसका एरिया क्या होता है भाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ जो है रेक्टेंगल का एरिया होता है। तो मेरा लेंथ कितना निकला था, अभी मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया था, कितना निकला था, 13/10 ए इंटू में, क्योंकि ए ही है आपका जो जो आपकी जो क्या बोलते हैं उसको लेंथ का जो मेजरमेंट है वो ए में है, ठीक है। और बी किस कितना इंक्रीज हुआ था, यानी कि 6/5 हुआ था ए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 78, ठीक है, 78 और 50 ए का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। और ये यहाँ पर कितना है, ये ए स्क्वायर, तो इसको और ये और भी कट जाएगा, इसको और काट लो, कितना आ गया, 39/25 ए का स्क्वायर है, और ये मेरा क्या है, ए का स्क्वायर है, तो ये मेरा ज़्यादा है इससे। तो अब एक्सीड करने के लिए मैं कैसे निकालूंगी, पहले तो इनका डिफरेंस निकालूंगी, और कितने परसेंट इंक्रीज किया है, तो डिवाइड बाई ए स्क्वायर इंटू 100 कर दूंगी, तो 39/25 का ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर इंटू 100, ऐसे ही निकालते हैं हम इंक्रीमेंट का जो परसेंटेज निकालते हैं भाई, ऐसे ही तो निकालते हैं। पहले तो हम डिफरेंस देखेंगे दोनों का, फिर जो जो बेस वाला है मतलब जो ओरिजिन वाला है उसको करेंगे, और फिर 100% कर लेंगे, बिकॉज हमने यही निकालना है कि आपका कितना इंक्रीज हो रहा है, किससे, स्क्वायर से कितना इंक्रीज हो रहा है, तो स्क्वायर को हम नीचे रखेंगे, ठीक है। अब इसको कर लो, यहाँ से आप कैसे निकालोगे, 14 का ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर है, और ये भी 55 है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये आपस में आपके कट जाएंगे इनटू 100, 56% आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। कितना परसेंट इंक्रीमेंट हो जाएगा, 56% इंक्रीमेंट हो जाएगा। फिर से बता देते हैं, देखो रेक्टेंगल जो है आपका बना है जब आपने स्क्वायर की लेंथ को 30% बढ़ा दिया और ब्रेथ को आपने 20% बढ़ा दिया, मतलब अब ये बन चुका है रेक्टेंगल। तो ये जो हमने बढ़ाया है, यहाँ पर अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि भाई मैंने 13/10 कैसे लिखा, तो मैंने क्या किया है, 30/100 को पहले खोल दिया, उसके बाद आप बढ़ाएंगे भी तो सही, जो ओरिजिनल वाला वो 10 है लेकिन बढ़ा है 30%, तो इसके अंदर ये 3 हम ऐड करेंगे। अगर आप ऐसे भी नहीं करना चाहते, तो मान लो कि आपकी ओरिजिनल लेंथ आपकी 100 है और इंक्रीमेंट होकर कितनी हो जाएगी, 130/100 हो जाएगी, तो अभी भी तो आपका 13/10 ही आ रहा है ना, तो मैंने वहां पर आपको सिंपल से तरीके से बता दिया। तो ऐसे ही आपको 20% का निकालना है, जो आप निकालेंगे उसमें से आप स्क्वायर को माइनस करेंगे, नीचे भी आप स्क्वायर का लिखेंगे एरिया, और फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 56% यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आया यहां से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, अब इसमें जो आपसे मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए ना, वो 11 क्वेश्चन पूछे गए, ये भी ध्यान में रखना, मैथ के 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं और रीजनिंग के 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो अब वो उनकी मर्जी है वो कितने पूछते हैं। एरिया ऑफ सर्कल है, ये तो बहुत इजी सा प्रश्न है भाई, एरिया यानी कि क्षेत्रफल की बात करी गई, एरिया जो है किसी भी सर्कल का वो कितना है, ए है, सर्कल का एरिया है ए, और रेडियस यानी कि जो त्रिज्या है उसकी बात करी गई है, रेडियस आपका आर बताया गया, और जो सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस को हिंदी में भाई परिधि बोलते हैं, और सर्कमफ्रेंस सी बताया गया है, तो हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो सिंपल आपको यहाँ पर फॉर्मूला पता होना चाहिए, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, तो इसके बीच में कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिलेशन इन्होंने ये बनाया है, तो आप इसको अरेंज करके देख लो। अब एक चीज़ देखो, इसमें कहीं भी आपको पाई नहीं दिख रहा, पाई नहीं दिख रहा मतलब मुझे कहीं से एक पाई की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करनी है, या तो मैं इधर से निकालूं या फिर मैं इधर से निकालूं, ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ, तो यहाँ से c बाई आर
इज इक्वल टू 2 पाई आ गया, ठीक है। तो ये आपका 2 भी उठ के यहाँ पे चला जाएगा, पाई की वैल्यू आ गई c बाई 2r, मैं इधर पुट कर दूंगी इसको, a इज इक्वल टू c बाई 2r इंटू r का स्क्वायर, एक r से एक r कट गया, एक r रह गया, a इज इक्वल टू c बाई 2r रह गया। अब देखो यहाँ पर कहाँ पर है, कह रहा है 2a इज इक्वल टू सी आर, अगर मैं और भी सिंपल फॉर्म में लिखूँ तो ये देखो सी आर इज इक्वल टू 2a, सी आर इज इक्वल टू 2a, यानी कि मेरा ऑप्शन वन ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपने सिर्फ दोनों फॉर्मूलाज के साथ अरेंजमेंट करना है, वो आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर वन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि HCF और LCM से है। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। आप वैसे तो बना सकते हो, बट जब आपसे फ्रैक्शन भी पूछा जाता है तो आपको ध्यान में रखना है कि HCF अगर किसी भी फ्रैक्शन का पूछा जा रहा है तो ये मान लो ये न्यूमिनेटर है, डिनोमिनेटर है, ये अंश होता है और ये आपका हर होता है। तो जब HCF की बात करी जा रही है तो आप न्यूमिनेटर का तो HCF निकालोगे और डिनोमिनेटर का LCM निकालोगे। अगर मैं पूछ लूँ यहाँ पर क्वेश्चन की जगह LCM ऑफ कोई भी फ्रैक्शन है, ठीक है, अगर मैं इसका LCM पूछ लूँ तो ये आपका न्यूमिनेटर होगा या डिनोमिनेटर, तो न्यूमिनेटर का मैं LCM निकालूंगी और डिनोमिनेटर का मैं HCF निकालूंगी। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। अगर मेरे से HCF पूछा गया है तो मैं ऊपर HCF निकालूंगी, ऊपर के जो फ्रैक्शंस है ना 5, 10 और 25 इसका मैं HCF निकालूंगी, और नीचे के जो फ्रैक्शन है 6, 18, 36 इसका मैं क्या निकालूंगी, LCM निकालूंगी, दोनों को रख के आंसर कर दूंगी। अगर LCM पूछा जाता मेरे से तो मैं ऊपर के जो 5, 10, 25 है इसका मैं LCM निकालूंगी, और जो नीचे का है 6, 8, 36 इसका मैं HCF निकालूंगी। ये दो फॉर्मूलाज है, इनको ध्यान में रखना, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, HCF पूछे तो ऊपर का HCF, नीचे का LCM, LCM पूछे तो ऊपर का LCM, नीचे का HCF। चलिए अब इस क्वेश्चन को बना लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है भाई, 5/6 दिया गया है, 10/18 दिया गया है और 25/36 दिया गया है, यानी कि मुझे HCF निकालना है किनका, 5, 10 और 25 का। तो अब आपके कई काफ़ी सारे तरीके हो जाते हैं। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आपने एक सबसे बड़ा वो फैक्टर निकालना है जो आपका सभी से, जो सबको डिवाइड कर देता हो, ठीक है। अब इसको सबको पता है भाई 5 से आपका 10 भी डिवाइड हो जाता है और 5 आपका 25 का भी एक फैक्टर है, तो यहाँ पर HCF आपका क्या निकल जाता है, 5 निकल जाता है। बट अगर आपका मैथ्स थोड़ा और वीक है तो फिर आप कैसे कर सकते हो, आप एक काम करो डिवाइड करके देख लिया करो, सबसे बड़े को 5, 10, 25 में सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा 25 है, तो 25 को अंदर रखो, फिर देखो दूसरे नंबर पर कौन सा बड़ा है, वो 10 है, डिवाइड करो, 5 रिमाइंडर आ गया। अब इसको ऐसे डिवाइड बना दो और इस 10 को उठा के यहाँ लिख दो, ये जो आपने इधर लिखा है ना डिवाइजर, ये इसको उठा के यहाँ पर रख दो, ये कितने पे चला गया, 10 पर। तो यहाँ पर जो जो कंप्लीट भाग, मतलब इसको आपने तब तक प्रोसीड करना है जब तक आपका ये कंप्लीट डिवाइड ना हो जाए, और जो आपकी लास्ट डिवाइजर होगा वो आपका HCF होगा। तो ये 5 क्या निकला, ये आपका HCF हो गया, ठीक है। HCF निकल गया, आ गया HCF कितना हो गया मेरा, 5 हो गया। अब मैं LCF निकालूंगी 6/18/36 का, 6/18/36। LCM का एक बैग मेथड मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है, आपका सबका अपना अपना मेथड भी होगा, आप उनसे भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। LCM मतलब आपने कोई लोवेस्ट ऐसा फैक्टर निकालना है जिससे सारे मल्टीप्लाई हो जाते हो या फिर डिवाइड हो जाते हो। तो 6/18/36 में कौन सा आ जाएगा बताओ मुझे। देखो अब LCM में ना बैग मेथड का हमेशा इस्तेमाल, अब ये तो देखने से ही लग रहा है भाई 6 से भी ये डिवाइड हो रहा है, 18 से भी ये डिवाइड हो, 36 ही आपका LCM आएगा। बट अगर आपको नहीं पता है तो आप सबसे पहले बैग मेथड का इस्तेमाल आप कर सकते हो। एक बैग बनाना है इसमें, ठीक है, और इसमें सबसे हाईएस्ट जो नंबर है वो लिख देना है, मैं आपको जस्ट बता रही हूँ हाईएस्ट नंबर लिख देना। अब इसको ना सबसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लो, जैसे 2 से तोड़ूंगी, ठीक है, फिर 2 से तोड़ूंगी, फिर 3 से, और फिर 3 से, ऐसा ही बनेगा भाई। 2 मल्टीप्लाई 2 4 होता है, और 3 मल्टीप्लाई 3 कितना, 9, 9 मल्टीप्लाई 4 36 होता है। अब 18 को तोड़ो, 2 इंटू 3 इंटू 3 होता है, और 6 क्या होता है, 2 इंटू 3। अब जो आपने यहाँ पर लिखे उसमें देखो क्या ये है, 2 3 है, हाँ 2 3 है, 1 2 है, 2 1 ही है, मतलब 1 है, ठीक है, इसको भी हटाओ, 2 इंटू 3 तो यहाँ पे भी है, 2 इंटू 3 यहाँ पे भी है, इसको भी हटाओ, यानी कि आपका LCM क्या आ जाएगा, LCM जो है आपका 36 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका आंसर बन गया, तो आपका 36 यहाँ पर आ गया, 5/36 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। ऐसे आपने बनाना है, यानी कि जो अंश है आपका उसको आपने HCF निकाल लिया, 5 है, और LCM आपका कितना आ गया, 36 आ गया, तो 5/36 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन हमने करे, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन आपके और रहते हैं, उनको भी फटाफट से कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। देखिए इसमें आपको x की वैल्यू बतानी है, और ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत ईजी है।
अंडर रूट के क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। आपको एक ध्यान में रखना है भाई, कोशिश करो 25 तक के आप अंडर रूट ना टिप्स पे याद रख लो, 25 तक के उस अगर आपके टिप्स पे याद है तो आप आराम से इस ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से बना सकते हो। देखो 3018 प्लस अंडर रूट 36 प्लस, अब देखो 169 किसका अंडर रूट होता है भाई, किसका होता है, 13 का होता है ना, मुझे याद है क्योंकि मुझे पता है। आप इसका निकाल के देखोगे तो टाइम खराब होगा, ये 13 का है तो आप सिंपली इसको 13 लिख दोगे और एक अंडर रूट आपका खत्म हो गया। अगर आपकी प्रोसेसिंग पावर है तो आप इसको विद इन टू लाइन भी बना सकते हो, ठीक है, बट मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करके दिखा रही हूँ। प्लस में 49, और 49 किसका होता है भाई, 7 का होता है, ठीक है, 7 का होता है तो ये भी सबको पता है। 49 भाई 7 को जब 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 49 होता है, 7 का स्क्वायर होता है और अंडर रूट यानी कि इसे कट जाता है तो 7 होएगा। तो 3018 प्लस में 7, अब इसको आप कर लेना प्लस, यहाँ पर 3025 आ जाता है, ठीक है। तो जब 3025 को अब आपने निकालना, हो सकता आपको ये नहीं आता हो तो इसका आप यहाँ पर निकाल सकते हो। निकालते कैसे है, 3025 हमेशा पेयरिंग में करते हैं, ठीक है, पेयरिंग में करते हैं, 5 से जाएगा जो यहाँ पर आप डिजिट लिखेंगे वही डिजिट आपको यहाँ पर लिखना होता है। तो 5 अगर यहाँ पर लिख रही हूँ तो इधर ही मुझे 5 लिखना पड़ेगा, 5 5 25 चला जाएगा। अगर यहाँ पर 6 लिखती तो इधर भी 6 होता, 6 6 36 होता है, ठीक है। तो 25 5 आ गया 25। अब हमेशा जब भी हम लोग ये ऐसे निकालते हैं स्क्वायर रूट तो जो हमने यहाँ पर लिखा है इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 25 10 हो गया, यानी कि अब की बार जो मैं भाग दूंगी किससे दूंगी, 10 से दूंगी, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो अब मैं कितने से कर सकती हूँ, 5 से करके देखो, इधर मैं 5 लिखूंगी तो इधर भी मैं 5 ही लिखूंगी, मैंने आपको अभी बताया 5 5 25 2 और 5, तो ये कितने का है, ये भी 55 का है, ठीक है। तो 55 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, बट अगर आपके याद है, हो सकता है आपको भाई 55 तक का ना याद हो, मुझे भी याद नहीं है ना, किसी को भी ना हो क्या पता, अगर है तो आप आराम से बना सकते हो। बट इन ये जो बेसिक है ना, इनके तो आपको पता ही होगा, इसलिए 20-25 तक तो आप याद कर लो, 30 तक कोशिश करो याद करने की, ये वाला आप निकाल सकते हो। तो 25 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, सरफेस एरिया का क्वेश्चन है, मेंसुरेशन से है, मैंने आपको नोट्स में सारे फॉर्मूलाज वगैरह सब बढ़िया तरीके से आपको मिल जाएंगे नोट्स में, कल से अवेलेबल मैं करा दूंगी, ठीक है। चलिए, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर का है भाई, स्फेयर का आपको सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ स्फेयर आपसे पूछा है, ठीक है, स्फेयर का क्षेत्रफल आपसे पूछा है 616 स्क्वायर सेंटीमीटर, आपसे रेडियस पूछा गया है, यानी कि आपसे त्रिज्या पूछी है कितनी है। अब अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप ये क्वेश्चन आराम से बना सकते हो। एरिया क्या होता है, 4πr² होता है, 616 इज इक्वल टू 4πr² 4 से इसको सॉल्व करो पहले तो, ठीक है, 154πr² पाई की वैल्यू भी यहां पर आप पुट कर दो, 22/7 होता है, 11 से कट जाएगा। हमेशा जब ये पाई का ऊपर जो 22 है ना, तो हमेशा ये ध्यान में रखना, इधर आपका भी 11 से पक्का कटता मिलेगा, तो 11 को जब 2 से मल्टीप्लाई तो 22 होता है और ये 14 पे चला जाएगा, ठीक है, 2 और ये 7, 7 इधर उठ के 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आपका आर का स्क्वायर हो जाएगा, तो आर सिंपली यहाँ से 7 निकल के आ जाएगा और ये सेंटीमीटर में है, तो आर कितना निकलेगा आपका, 7 सेंटीमीटर निकल जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम पूछे तो वॉल्यूम बता देना, 4/3 पाई आर की क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम होता है स्क्वायर का, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज आपको याद रख लेने, इन फॉर्मूला से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, बिना फॉर्मूला के नहीं बनेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको बिल्कुल मत छोड़ना, बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको काफ़ी चीज़ें बताने वाली हूँ। चलो नाइन्थ क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, 0.7 bar प्लस 0.6 bar माइनस 0.5 bar, क्या इसका आंसर आएगा। हमेशा ध्यान में रखना, जब भी आपको ऐसे पॉइंट्स में और बार मिलता है तो इसका मतलब ये है, बार हम तब लगाते हैं जब किसी भी डिजिट की रिपीटेशन होती है। अगर यहाँ पर 0.7 bar लिखा है तो इसका मतलब ये है कि 0.7777777 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ठीक है, मतलब ये रिपीटेशन में है, तो आप बार बार नहीं लिख करके इसके ऊपर बार डाल देते हो कि भाई आपका ये रिपीटेड है। ऐसे ही आपका 6 है, 666 ऐसे एंड सो ऑन, 5 है, 5555 एंड सो ऑन। तो आप इनको कैसे सॉल्व करते हो, इनको हम हमेशा कैसे सॉल्व करते हैं, 7 लिखेंगे और नीचे जितने डिजिट पर बार है उतनी बार 9 लिखेंगे, तो एक डिजिट पर है तो एक 9 लिख देंगे, 6 लिखेंगे एक डिजिट पर बार है तो एक 9 आ जाएगा, माइनस 5 लिखेंगे एक डिजिट पर बार है तो एक 9 आ जाएगा, ठीक है, सॉल्व कर दो इसको। तो अब देखो सबका भी एलसीएम तो 9 ही आ जाएगा, तो आप ऊपर ऊपर को फटाफट से कर दो, 7 और 6 13 होते हैं और 13 में से 5 क्या कितने होते हैं, 8 होते, तो 8/9 इसका आंसर हो जाएगा,
ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर तो 8/9 हो गया, बट आपसे कई बार चीज़ें और भी उलझा के पूछ ली जाती है, उसे भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मान लो आपसे दे दिया जाए 0.899 और बार, अब आप इसे कैसे सॉल्व करोगे? अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 899 को मैं एज इट इज लिखूंगी, माइनस करूंगी जितने डिजिट पर बार नहीं है उन डिजिट को, 8 पर बार नहीं है तो -8 लिखूंगी, डिवाइड बाई जितने डिजिट पर बार होता है उनको मैं हमेशा 99 लिखती हूँ, और जिस डिजिट पर बार नहीं है उसका 10 लिखूंगी, एक डिजिट पर बार नहीं है तो मैंने 10 लिख दिया। इसको आप सोल्व कर लो, आपका इसका आंसर निकल जाएगा। अगर यहाँ पर आता है 0.887543, अब बताओ क्या होगा, तो आप कैसे करोगे, 887543 माइनस जितने डिजिट पर बार नहीं है उसको इधर लिखेंगे, 887 डिवाइड बाई जितने डिजिट पर बार है उतने 9, जितने डिजिट पर बार है उतने ही 9, ठीक है, तो 3 9 और जितने डिजिट पर बार नहीं है उतने 0, तो 3 0। ऐसे आप इन क्वेश्चंस को बनाएंगे, ठीक है ना, तो आपको ध्यान में रखना है। आई होप आपको ये चीज़ें यहाँ से समझ में आ रही है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यूनिट डिजिट पूछा है। अब इसमें बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि भाई फटाफट से हम मल्टीप्लाई करने बैठ जाएंगे, क्यों करें हम इसका मल्टीप्लाई, नहीं करेंगे हम इसका मल्टीप्लाई, और हम इसका आंसर बिना पेन को उठाए निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखो इसमें एक तो यूनिट डिजिट, क्योंकि हमसे सिर्फ यूनिट डिजिट पूछा, यूनिट डिजिट क्या होता है, जो आपका इकाई अंक होता है। भाई मान लो ये मैंने 2568 लिखा, तो मेरा ये यूनिट डिजिट है, ये मेरा टेंस डिजिट है, ये मेरा 100 डिजिट है, ठीक है, और ये मेरा फिर 1000 हो जाता है। तो मुझे सिर्फ ये चाहिए इस पूरे इक्वेशन का, पूरे इसका सॉल्यूशन का सिर्फ ये वाला अंक चाहिए, तो मैं पूरा मल्टीप्लाई नहीं करूंगी। मुझे यहाँ पर एक 5 दिखाई दे रहा है, 5 को जब भी मैं ओड नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास 5 ही यूनिट डिजिट आती है, और 5 को जब मैं इवन नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो हमेशा मेरा यूनिट डिजिट 0 आता है। इतना सबको पता है, जैसे ओड क्या होता है भाई, 1 3 5 7, तो 5 1 जब 5 यूनिट डिजिट 5 आया, 5 3 जब 15 यूनिट डिजिट 5 आया, 5 5 जब 25 5 आया, 5 7 जब 35 5 आया। तो आप ओड से मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट ऑलवेज 5 आएगा, इवन से मल्टीप्लाई करोगे 5 into 2 5 into 4 5 into 6 तो कितना आया, 10 यूनिट डिजिट 0, 20 यूनिट डिजिट 0, 30 यूनिट डिजिट 0, ठीक है। तो मैं ये क्यों बता रही हूँ आपको, मैं इसलिए बता रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम ध्यान में रखना, ये देखो 5 है और ये 6 है, तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आता है, यानी कि मेरा यूनिट डिजिट 0 आया है, और अगर मेरे पास 10 आ चुकी है तो आप 0 से जिसको भी मर्जी मल्टीप्लाई कर लो आपका हमेशा आंसर 0 ही आता है, आता है ना। अब इस 0 को आप 8 से कर लो तो भी 0, इस 0 को आप 1 से कर लो तो भी 0, सारों से कर लो तो भी 0, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, इस पूरे पर्टिकुलर क्वेश्चन का 0 आ जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखना इस चीज को। चलो ये क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा सा यूनिक सा क्वेश्चन आया है और हो सकता है बहुत सारों को ये लगे कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता, बट इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। ये कह रहा है भाई एक ट्रेन है, ट्रेन के और ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, भाई एक ट्रेन है वो इतनी स्पीड से जा रही है, किसी सुरंग से जाती है, किसी प्लेटफॉर्म से जाती है, तो बताओ ट्रेन की लंबाई बता दो, प्लेटफॉर्म की लंबाई बता दो। तो जो मैं ट्रिक आपको अब बता रही हूँ इससे आप सब बना सकते हो, ठीक है। ये कह रहा है एक ट्रेन है, इस क्वेश्चन में हमें ट्रेन की लेंथ पता है 700 मीटर है। एक चीज ध्यान में रख लो, स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में है, अगर स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर में है तो मतलब आप इसको भी किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, और किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से मल्टीप्लाई करते हो तो 7/10 किलोमीटर आ जाएगा, किसकी, ट्रेन की लंबाई है ये, ठीक है, लेंथ है ट्रेन की। अब इसकी स्पीड दी गई है मुझे 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है एक टनल को यानी कि एक सुरंग को ये क्रॉस करती है 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट में ये पूरी सुरंग को क्रॉस कर देती है, टाइम दिया गया है 1 मिनट का, 1 मिनट में, हम इसको घंटे में बनाएंगे तो 1/60 आवर हो जाएगा। हमेशा यूनिट्स को सेम करके चलना, ठीक है। तो आपको टनल की लेंथ बतानी है, टनल मतलब कोई भी सुरंग है। तो एक चीज मुझे एक बात बताओ, एक चीज ध्यान में, मैं आपको एक चीज बताती हूँ अभी करके। मान लो ये आपकी टनल है या प्लेटफॉर्म है, जो मर्जी वो है, ठीक है, ये टनल है और ये जो है मेरी ट्रेन है। इस चीज़ को मैं क्रॉस करूंगी कंप्लीट 1 मिनट में, तो मैं यहाँ से, इसका मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से स्टार्ट करके, और मैं पूरी तो इसकी जो ये इसकी लंबाई है टनल की, इसको क्रॉस करूंगी, इसको पूरी को क्रॉस करने के बाद मैं जैसे जैसे मेरी ट्रेन का जो ये लास्ट पॉइंट है,
तो मैंने क्या किया, मैंने कितनी लंबाई कवर कर ली, मैंने इस ट्रेन की लंबाई भी कवर कर ली और मैंने इस टनल की लंबाई भी पूरी कवर करी है। यहाँ से चलूंगी तो मेरी ये पूरी जो टनल है, ये जो टनल है इसको भी मैंने पूरा कवर किया। और अब जैसे मेरा क्रॉस होने को है, ये मेरी क्रॉस होगी, क्रॉस होने के बाद ये जो टनल है इसको भी मैंने कवर कर लिया और ट्रेन की भी पूरी लंबाई यहाँ पर लगेगी। ठीक है, तो इस एक मिनट में मैंने क्या क्या चीज़ें कवर करी है, इस एक मिनट में मैंने जो ट्रेन है उसकी लंबाई भी आएगी और जो टनल है उसकी लंबाई भी आएगी। ठीक है, चलो, तो स्पीड हो जाती है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस में आपका क्या क्या ऐड होगा, आपकी ट्रेन की लेंथ भी ऐड होगी और आपकी टनल की लेंथ भी ऐड होगी। ठीक है, स्पीड मेरे पास 72 दिया गया है और ये जो है ट्रेन की लेंथ मेरी कितनी है, 7/10 है, प्लस मान लो टनल की जो लेंथ है वो कितनी है, एक्स है, डिवाइड बाई टाइम कितना है भाई, 1/60 है, 1/60 है। अब इस इक्वेशन को सोल्व करना और कुछ नहीं करना। ठीक है, 72 है, इसको मैं ऊपर जाकर, इसको सिंपली ऐसे नहीं करना है भाई, देखो एलसीएम लेना पड़ेगा इसको, और 7/10 प्लस एक्स का जब मैं एलसीएम लूंगी तो 7+10x डिवाइड बाई 10 आता है, 7+10x डिवाइड बाई 10, और ये नीचे फ्रैक्शन में है, ये पलट जाएगा ऊपर जा करके, यानी कि ये 60/1 हो जाएगा। तो ये से ये कट गया और 6 से ये कट गया, 12 आ गया। ठीक है, तो अब आपकी 12 = 7+10x हो गया, और इसको इधर लेके जाऊंगी तो कितना आ जाता है, 5 हो गया, 10x हो गया। 5 को 2 से कट करेंगे तो 1/2 = x आ जाएगा। ठीक है, और ये मेरी जो x है वो क्या है, टनल की लेंथ है। अब ऐसे तो हो नहीं सकता भाई 1/2 में कह दूं इसकी लंबाई 1/2 है, तो ये पक्का आपका ऑप्शन में मीटर में मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये तो मेरा किलोमीटर में निकला है और किलोमीटर को मीटर में बनाने के लिए मैं 1000 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो 1/2 × 1000 जब मैं करूँगी तो ये मेरा 500 मीटर की लेंथ आ जाएगी, किसकी, टनल की। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन भाई। देखो ट्रेन की लेंथ बताई गई है, मैं सबसे पहले इनकी यूनिट चेंज करूँगी। अगर आप इसकी यूनिट नहीं चेंज करना चाहते हो फिर इसकी कर बैठो, इसकी करो फिर 72 की करो, अगर इन दोनों की नहीं करना चाहते फिर इसकी कर लो, फिर आपका आंसर सीधे तौर पर ही मीटर में निकल के आ जाएगा। बट मैंने इनको इसके अकॉर्डिंग चेंज कर दिया तो फिर मुझे यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, तो आप पहले इसको चेंज कर लो। ठीक है, और फिर आपको यहाँ पर सीधे तौर पर आंसर आ जाएगा। बस इस चीज़ को ध्यान में रखना, जब ट्रेन पूरी तरीके से कवर करती है, चाहे फिर वो प्लेटफॉर्म हो, चाहे फिर वो सुरंग हो, कुछ भी हो, तो वो पूरा जो ट्रेन है उसकी डिस्टेंस भी कवर करती है, साथ में जो टनल, प्लेटफॉर्म, जो कुछ भी है उसकी भी लेंथ को वो कवर करती है। तो आप ये जो स्पीड का फॉर्मूला लगा रहे हो डिस्टेंस बाय टाइम, तो आप यहाँ पर दोनों की लेंथ को लिखेंगे और आपका टनल की लेंथ आ जाएगी।